गुड मॉर्निंग एवरी वन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना अमेंडमेंट लेक्चर फॉर सी एम ए इंटर एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये लेक्चर इक्वली अप्लाई करेगा दिसंबर ट्वेंटी वन के एग्जामिनेशन के लिए भी ठीक है थोड़ा डिटेल में बातें करेंगे अमेंडमेंट्स का रीजनस क्या था लॉजिक क्या था क्यों अमेंडमेंट आई हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हम इसको अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स तभी हमें अमेंडमेंट लेक्चर करने का फ़ायदा है ठीक है शुरुआत करें और जहां पर मैं आपसे एग्जाम्पल्स करने के लिए बोलूंगा इलिस्ट्रेशन करने के लिए बोलूंगा या कुछ होमवर्क दूंगा तो मैं एज्यूम करूंगा और आपको करना भी चाहिए ठीक है मैं मैंज्यूम करते हुए चलूंगा कि आप मेरी बात मानेंगे और वो क्वेश्चंस भी आप लोग करेंगे ठीक है तो वी आर स्टार्टिंग विद अमेंडमेंट मैंने कुछ लिख इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है ठीक है जहां जहां पर अमेंडमेंट्स आई हैं द चैप्टर्स विच आई एल बी टचिंग ऑलमोस्ट एवरी वेयर देयर इज एन अमेंडमेंट वी विल बी डिस्कसिंग दैट ठीक है touching, uh, every, uh, that, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस रेसिडेंशियल स्टेटस इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस में और uh, मुझे लगता है कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है रेजिडेंशल स्टेटस के अमेंडमेंट सिंपल अमेंडमेंट है बट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस का ठीक है मुझे पता है कि आपको आ, थोड़ा थोड़ा शायद आप भूल भी रहे होंगे रेजिडेंशियल स्टेटस जब आपने पहले पढ़ा होगा अगर आपने रिसेंटली रिवाइज करा है तो बहुत अच्छी बात है आपको याद भी होगा बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि रेजिडेंशियल स्टेटस में हम कैसे डील करते थे स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिविजुअल के बारे में बातें करता हूँ तो वी अंडरस्टैंड इफ देर इज एनी असी सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना होता है फॉर इन एवरी प्रीवियस ईयर हर प्रीवियस ईयर में हमें ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि वेदर दैट असेसी इज आ रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट ठीक है हम लोग सेक्शन सिक्स के अकॉर्डिंग इसकी बेसिक कंडीशन देखते हैं जिससे हमें पता चलता है स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिविजुअल की बातें कर रहा हूँ अभी ठीक है सो हम लोगों को देखना होता है कि वेदर दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और ही इज अ नॉन रेसिडेंट क्या वो नॉन रेसिडेंट है बिकॉज जो भी वो इनकम अर्न कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सीबल होगी या नहीं होगी दैट डिपेंड्स अपॉन हिस्स रेसिडेंशियल स्टेटस ठीक है ना और इंडिविजुअल के लिए या एच यू एफ के लिए हम ये भी देखते हैं कि अगर वो रेसिडेंट है वेदर दैट पर्सन इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दैट पर्सन इज अ नॉन ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी भी बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ठीक है थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ना आपको पुरानी बातें ये अमेंडमेंट नहीं है तो मैं सिर्फ अभी बैकग्राउंड दे रहा हूं जब मैं अमेडमेंट शुरू करूंगा तब मैं बता दूंगा कि यहां पर अमेन्डमेंट आई है ठीक है सो इफ दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट तो वी हैव टू फर्दर डिटरमाइन की वेदर ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी क्यों बिकॉज इफ दैट पर्सन इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है तो हिस्स ग्लोबल इनकम इज टैक्स ग्लोबल इनकम का मतलब क्या होता है जो इनकम इंडिया में arise हुई है नो no डाउट वो तो टैक्स होगी ही द इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया अगेन दैट इज अगेन टैक्सेबल फॉर ऑल दीज कैटेगरी बट वो इनकम जो इंडिया में अराइज नहीं हुई है ना ही रिसीव हुई है जिसको हम ऐसे बोलते हैं The income which has neither arise nor received in India, तो वो generally हम taxable नहीं करते हैं क्योंकि वो Indian income नहीं है। But in case if the person is an ordinary resident, तो we say that you are an ordinary resident, आप ordinary resident हो, आपकी तो global income taxable है। हम तो आपकी वो income भी taxable करेंगे। Although हम double taxation का benefit देते हैं, double taxation avoid करते हैं हमलोग, but still primary face ही तो हम उसको taxable करेंगे ना? अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो हम उसकी कुछ इनकम जो इंडिया के बाहर अराइज़ हुई है इंडिया के बाहर ही रिसीव हुई है नीदर अराइज़ नॉर रिसीव लोग समझ में आ रहा है नीदर अराइज नॉट रिसीव इन इंडिया एंड नीदर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ठीक है ये बात भी आपको शायद याद आ गई होगी नीदर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया तो ऐसी इनकम पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स नहीं देता है और नॉन रेजिडेंट तो सिर्फ कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देता है जो इनकम इंडिया में अराइज़ होती है या डीम टू अराइज़ होती है या रिसीव होती है या डीम टू रिसीव होती है इन केस नीदर द इनकम इज गेटिंग अराइज़ इन इंडिया नॉट रिसीव इन इंडिया उसके ऊपर नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देता है याद आती है ये वाली बातें अच्छा लिख लें इसको मैं चाहूँगा कि आप ना छोटा सा टेबल बना लें पुरानी बातें हैं बट आप प्लीज़ टेबल बना लें आपका पुराना भी रिवाइज़ हो जाएगा और आपको अमेंडमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी ठीक है Uh, मैं नेक्स्ट पेश बनाता हूँ ओके okay, मेरे साथ लिखिएगा प्लीज अपना रजिस्टर पेन ले लीजिए आप लोग और मेरे साथ लिखिएगा नहीं निकाला तो प्लीज पहले पॉज कर रहे वीडियो को आउट योर रजिस्टर एंड योर पेन एंड प्लीज राइट इट डाउन ओके वी अंडरस्टैंड मैं इंडिविजुअल के बारे में बातें कर रहा हूँ ठीक है इंडिविजुअल के लिए

नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ठीक है तो वी हैव थ्री कैटेगरीज फर्स्ट कैटेगरी सेकेंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी ठीक है ना याद आती है आपको बातें जस्ट मेक अ टेबल आउट ऑफ एट ओके नाउ वी ऑल्सो नो कि इनकेस एनी इनकम ठीक है मेरे साथ लिखिएगा आप लोग एनी इनकम विच अराइज इन इंडिया अराइज बोलते हैं या डीम टू अराइज बोलते हैं कि बात मतलब ऑल ऑल्सो डीम टू अराइज में थोड़ा सा डिफरेंस है बट आपको पता है कि वो दोनों ही टैक्सेबल होती हैं डीम टू अराइज मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रहूँगा अमेंडमेंट से तो अगर मैं पुरानी चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस करूँगा तो फिर तो बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस हो जाएंगी तो आई वुड लिमिट माई सेल्फ टू अमेंडमेंट तो एनी इनकम विच अराइज इन इंडिया या डीम टू अराइज इन इंडिया ऐसी इनकम के ऊपर तो नो no डाउट हर कोई टैक्स देता है तीनों कैटेगरी टैक्स देती हैं. रेसिडेंट हैं आप ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी हैं नॉन रेसिडेंट है एनी इनकम विच इज़ अराइज इन इंडिया पक्का ना याद है ना आपको देखिए जो भी कोई इनकम इंडिया में अराइज होगी इंडियन गवर्नमेंट तो टैक्स लेने वाली है सबसे सर नॉन रेसिडेंट से भी लेती है हाँ जी नॉन रेसिडेंट से भी लेती है भाई इनकम इंडिया से अराइज हो रही है ठीक है हम तो टैक्स करेंगे सो इट बिकम्स टैक्सेबल ऐसी इनकम को हम टैक्सेबल कर देते हैं टैक्सेबल 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 फॉर ऑल कैटेगरीज

ठीक taxable, taxable, taxable. है, है, बट वी हैव अनदर टाइप ऑफ इनकम विच इज नीदर अराइजिंग नॉर गेटिंग रिसीव्ड इन इंडिया ना तो इंडिया में अराइज हो रही है ना वो रिसीव हो रही है तो आई कैन से Neither arise nor received in India. Deemed वाला word भी, neither arise या deemed to arise, neither received या deemed to receive, कहीं पर भी इंडिया में नहीं हो रही है. Neither arise nor receive in India. ऐसी इनकम के ऊपर हम लोग जानते हैं कि ordinary resident है अगर आप तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता योर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल तो योर एंटायर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल ठीक है यहां पर आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है बट अगर आप नॉट नॉन रेसिडेंट हैं देखिए अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं ठीक है फॉर एग्जांपल आप यूएस में रहते हैं यूएस के रेसिडेंट हैं आप इंडिया से आपका कोई ज्यादा नाता नहीं है या फिर फॉर एग्जांपल इंडियन भी हैं आप पर इंडिया में काफी साल से आए नहीं है तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं और जो भी इनकम आप इंडिया के बाहर अर्न करते हैं ठीक है यू आर नाउ लिविंग इन यू एस यू आर अर्निंग ओवर देयर यू आर गेटिंग दैट इनकम ओवर देयर ठीक है अब्रॉड में ही सारी चीजें हो रही हैं यू आर नॉन रेजिडेंट आप इंडिया में टैक्स क्यों देंगे तो आपके लिए तो वो नॉन टैक्सेबल रहती हैं ठीक है तो यहाँ पर तो वो नॉन टैक्सेबल रहती हैं अब मेन यहां पर आता है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वो इनकम टैक्सेबल है या नहीं होती है ठीक है अभी तक पुरानी बातें चल रही हैं ठीक है नॉट ऑर्डिनरी के लिए ऐसी इनकम विच इज नीदर राइजिंग इन इंडिया नॉर रिसीव इन इंडिया वेदर दैट इनकम इज टैक्सेबल फॉर नॉट ऑर्डिनरी और नॉट तो हम उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ऐसी जो इनकम मिल रही है ऑल आपको इंडिया के बाहर मिल रही है आप शायद जॉब कर रहे हैं या फिर बिज़नेस कर रहे हैं प्रोफेशन कर रहे हैं वो भी इंडिया के बाहर ही कर रहे हैं आप बट क्या ये जो आपको पैसे मिल रहे हैं क्या ये बिज़नेस कंट्रोल होता है इंडिया से वेदर दिस बिज़नेस या दिस कंपनी इज़ गेटिंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो हम उनसे ये पूछते हैं क्या ये इंडिया से कंट्रोल हो रहा है एंड इफ इट इज़ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाता है तो यहाँ पर वो टैक्सेबल हो जाता है बट पता चलता है कि नहीं वो इंडिया से में कंट्रोल नहीं होता तो नॉट ऑर्डिनरी के लिए वो नॉन टैक्सेबल हो जाता है ठीक है मैं एक बार फिर रिपीट करूं देखिए, तीन कैटेगरी आपको समझ में आ गई होंगी फर्स्ट और सेकंड में भी डाउट नहीं होगा पक्का फर्स्ट में इनकम इंडिया में अराइज हो रही है सबसे टैक्स लेंगे इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है सबसे टैक्स लेंगे ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव नहीं हो रही है ना इंडिया में राइज हो रही है ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो टैक्स देगा नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए यहां पर हमें पूछना पड़ेगा कि ऐसी इनकम क्या इंडिया से कंट्रोल्ड है अगर इंडिया से कंट्रोल्ड है तो यस आपके लिए टैक्सेबल है और अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं है तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है पक्का तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो एक्चुअली इस इनकम के ना दो पार्ट कर देता हूं मैं फर्स्ट पार्ट है कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया या फिर नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया मैं इसका एग्जाम्पल दू आपको ऑल दो पुरानी ही बातें हैं बट फिर भी मैं आपको ना एग्जाम्पल देना चाहूंगा और ज्यादा अच्छे से समझने समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है मान लेते हैं आप एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी और आप यूएस में जॉब कर रहे हैं ठीक है यूएस में जॉब कर रहे हैं लेट्स कहां पर शिकागो में ठीक है यू आर वर्किंग इन शिकागो कौन सी कंपनी के साथ शिकागो में अभी आप जॉब कर रहे हैं आपको सैलरी भी शिकागो में मिलती है रिसीव भी वहां पर होती है अराइज भी वहां पर हो रही है कंपनी का नाम क्या है कंपनी का नाम है लेट से विप्रो ठीक है विप्रो इज एन इंडियन कंपनी तो ये इनकम कहाँ से कंट्रोल हो रही है इंडिया से आपको जो इनकम मिल रही है विप्रो से एंड विप्रो इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ठीक है तो ऐसी इनकम के ऊपर आपको यहाँ पर टैक्स लग जाएगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट इज़ नीदर अराइज नॉट रिसीड बट इट इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ठीक है बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम कर रहे हैं शिकागो में इन कंपनी कोई भी कंपनी ले लेता हूँ मैं एप्पल ठीक है एप्पल आई एन सी एप्पल इनकॉपरेशन में आप काम कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी ठीक है वो कंट्रोल नहीं हो रही इंडिया से तो ऐसी इनकम के ऊपर आप टैक्स नहीं देते चाहे आप यू आर आ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी इनकम इंडिया में अराइज नहीं हो रही रिसीव रेसी, नहीं हो रही है और नीदर कंट्रोल आप एप्पल में काम कर रहे हैं ठीक है यू वर्किंग विद एप्पल दैट इनकम इज नॉट टेक्सीबल बिकॉज इट इज़ नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बट अगर आप विप्रो में काम कर रहे हैं या इन्फोसिस में काम कर रहे हैं ठीक है क्योंकि इनके भी ओवरसीज ऑफिस हैं स्पेसिफिकली इन्फोसिस के तो काफ़ी सारे ओवरसीज ऑफिसेज हैं तो दैट इनकम इज़ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो इसके में आप टेक्सीबल हो जाते हैं बट नॉन रेसिडेंट के लिए कंट्रोल वंट्रोल कुछ नहीं देखते नॉन रेसिडेंट के लिए तो हम सीधा बोलते हैं नीदर आरइज नॉट रिसीव नॉन टेक्सेबल ऑर्डिनरी के लिए तो टैक्सेबल ही रहता है ठीक है उसके लिए भी कंट्रोल वगैरह नहीं देखते, टैक्सेबल। ये कंट्रोल किसके लिए देखा जाता है नॉट ऑर्डिनरी के लिए सब लोग को बात समझ में आती है तो इसके मैंने दो पार्ट कर दिए हैं अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो दोनों पार्ट टैक्सेबल हो जाएंगे ठीक है ना मैं ऐसे उसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं टैक्सेबल ठीक है और अगर वो नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो भी टैक्सेबल ऑर्डिनरी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉन नॉन रेसिडेंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल इसको भी थोड़ा सा ओके okay. एक मिनट दीजिए मुझे ओके okay, ठीक है ठीक uh, है सब लोग समझ रहे हैं ना ऐसी बना लीजिएगा आप लोग भी ओके सो इफ द पर्सन इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड इनकम नीदर अराइज नॉट रिसीव बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया देन इट इज टेक्सेबल इट विल बिकम टेक्सेबल बट इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इट बिकम्स नॉन टैक्सेबल वो फिर नॉन टैक्सेबल हो जाती है ठीक है यहां पर मेरा चार्ट पूरा होता है और अभी तक मैंने कोई अमेंडमेंट डिस्कस नहीं किया आपके साथ मैंने सिर्फ पुराना बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस किया है ठीक है पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको आप यहां पर मैं फुल स्क्रीन भी कर देता हूँ यहां पर आप इसको नोट no डाउन कर लीजिएगा ठीक है यहां पर इसको नोट डाउन कीजिए ओके आप एक और चीज जानते हैं कि टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हम लोगों को बेसिक कंडीशंस चेक करनी होती है ठीक है याद आता है सबको रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट चेक करने के लिए बेसिक कंडीशंस एंड वंस ही बिकम्स अ रेसीडेंट दो बेसिक कंडीशन होती है एनी वन इफ एनी वन ऑफ दम गेट सेटिस्फाइड तो वो रेसिडेंट हो जाता है और फिर रेसिडेंट के बाद हम एडिशनल कंडीशन देखते हैं चेक करने के लिए कि वेदर दैट पर्सन इज एन ऑर्डिनरी या फिर नॉट ऑर्डिनरी ठीक है बट राइट नाउ एम टॉकिंग अबाउट बेसिक कंडीशन सिर्फ ये चेक करने के लिए आई एम जस्ट चेकिंग वेदर दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट जरा मुझे याद कराइए कि वो कौन कौन सी दो कंडीशंस होती थी बेसिक कंडीशंस, टू चेक वेदर पर्सन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बेसिक कंडीशंस। नोट करना चाहेंगे आपको याद होगा वैसे ये बातें बट नोट कर लीजिएगा हम कहते थे कि अगर असेसी इन केस असेसी का स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है तो वो हम रेसिडेंट बन जाता था ठीक है हम बोलते थे रेसिडेंट बन जाएगा ऐसे तो मैं लिख देता हूं स्टे इन इंडिया स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर वन एट्टी टू डेज और मोर बस इतनी सी छोटी सी बात थी कि इनकेस वन एट्टी टू डेज या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल से दैट पर्सन बिकम अ रेसिडेंट वो रेसिडेंट हो गया बट अगर वो वन एटी टू डेज नहीं है बट इफ ही सेटिस्फाई सेकेंड कंडीशन और ठीक है इधर वन और टू ठीक है सेकेंड कंडीशन क्या थी स्टे इन इंडिया स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सिक्सटी डेज और मोर प्लस साथ साथ में सेकेंड कंडीशन में एक्चुअली एक और प्रोविजन था ड्यूरिंग प्रिसीडिंग फोर इयर्स प्रिसीडिंग फोर इयर्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर ठीक है इन केस अगर वन डेज नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं हम 60 डेज वाली कंडीशन चेक करते थे कि वेदर हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 60 डेज और मोर प्लस बट सिक्सटी डेज वाली कंडीशन के लिए हमें पिछले चार साल भी देखने पड़ते थे प्रीवियस ईयर से पहले के चार साल कि वहां पर थ्री सिक्सटी फाइव डेज बन रहा है या नहीं बन रहा है इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड से कि दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट वो रेसिडेंट हो जाता था ठीक है अच्छा एक और बात आपको याद होगी कि कुछ असैसी ऐसे होते हैं कुछ इंडिविजुअल्स के लिए हम सिक्सटी डेज नहीं देखते उनके लिए हम वन डेज ही देखते हैं ठीक है ठीके? उन लोगों के लिए सिक्सटी डेज की कंडीशन नहीं है ठीक है एक्सेप्शन मैं ऐसे बोलता था कि एक्सेप्शन है बेसिक कंडीशन की कि तीन तरह के ऐसे होते हैं उनके लिए फॉर देम वी सी ओनली 182 एट्टी टू डेज वन टू डेज या उससे ज़्यादा होते हैं तो हम उनको रेसिडेंट बोलते हैं अदरवाइज 182 टू डेज नहीं है तो वी कॉल देम नॉन रेसिडेंट ठीक है वो तीन लोग कौन थे एक्सेप्शन क्या थी इसकी इसकी एक्सेप्शन थी फर्स्ट एक्सेप्शन इफ देर इज एन इंडियन सिटीजन हुआ हुआ जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर इंप्लॉयमेंट आउटसाइड याद आता है आपको फॉर इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंप्लॉयमेंट का मतलब यहां पर क्या है जॉब करने जा रहे हैं हाँ जॉब भी करने जा सकते हैं या फिर बाहर वो तो अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए भी जा रहा है तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट की ही डेफिनेशन uh, में ले लेते थे ठीक है तो इफ देर इज एन इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इन इंडिया हु इज लिविंग इंडिया लिविंग नहीं हु इज लिविंग इंडिया ठीक है ही इज गोइंग आउटसाइड इंडिया बाहर जॉब करने के लिए या फिर बाहर बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए अगर वो बाहर जा रहा है तो उसके लिए हम 182 डेज देखते हैं हम इसको बोलते हैं कि नहीं हम आपके लिए 60 डेज नहीं देखेंगे हम सिर्फ आपके लिए वन टू डेज और मोर देखेंगे तभी आप रेसिडेंट बनेंगे अगर ये व्यक्ति वन एट्टी वन डेज इंडिया में है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल कॉल हिम नॉन रेसिडेंट ठीक है इनको हम नॉन रेसिडेंट बोलते थे और दो लोग कौन थे सेकेंड इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप ठीक है इनके लिए हम 182 डेज की कंडीशंस देखते हैं केस दस गाइस इन इंडिया फॉर 181 डेज या उससे कम है हम इसको बोलते थे नॉन रेसिडेंट थर्ड पर्सन वाज इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्कस अब्रॉड जनरली तो ये भारी काम करते हैं ठीक है हु वर्कस अब्रॉड बट कम्स टू इंडिया कम्स टू इंडिया ऑन विजिट इन लोगों के लिए हम वन एटी टू डेज की कंडीशन देखते हैं याद आता है ये क्या आते इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था तब उनका बर्थ हुआ है तो उसको बोलते थे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सो दिस पॉइंट वॉज इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो जनरली जिनका जॉब बाहर है उनका प्रोफेशन या उनका बिजनेस बाहर है बट वो इंडिया आते हैं ठीक है इंडिया आते हैं कुछ दिन के लिए ठीक है अपने फैमिली से मिलने या किसी भी विजिट पर वो आते हैं ठीक है जनरली ही दैट पर्सन वर्क्स अब्रॉड वो बाहर ही काम करता है तो इन लोगों के लिए भी हम 182 डेज की ही कंडीशन देखते थे और लेट in से दिस पर्सन इज़ इन इंडिया फॉर वन एट्टी वन डेज या इससे कम है तो हम इनको बोल देते थे नॉन रेसिडेंट हम इनको नॉन रेसिडेंट बोलते थे पक्का अगर मुझे बताइए ये तीनों लोग अगर नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं तो फिर ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ऑब्वियसली इनकी इनकम इंडिया में राइज होगी फर्स्ट इनकम टैक्सेबल होगी उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉन रेसिडेंट की इनकम ये दोनों इनकम तो टैक्सेबल होती हैं बट इफ़ देर इज एनी इनकम इनकी कोई इनकम है जो इंडिया में अराइज़ नहीं हो रही है यहां पर अब अब अमेंडमेंट शुरू हो रही है मेरी ठीक है अब यहां पर समझिए प्लीज लॉजिक समझिएगा प्लीज़ सो so, इफ इन तीनों में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉन रेसिडेंट हो जाता है बिकॉज वो 182 एट्टी टू डेज या उससे कम 182 एटी टू डेज से ज़्यादा नहीं रहा उसने इंडिया में वन एटी वन या उससे कम रहा तो so, इनकी इनकम विच इज नीदर अराइज नॉर रिसीव्ड वो टैक्सेबल नहीं होती चाहे वो इंडिया से कंट्रोल्ड हो या इंडिया से कंट्रोल ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दिस पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट यह व्यक्ति एक नॉन रेसिडेंट है तो इसकी ये इनकम तो नॉन टैक्सेबल हो जाती है वेदर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो इस इनकम के ऊपर यह टैक्स नहीं देगा अब देखिए कुछ लोग क्या करते थे लेट से देर इज अ पर्सन मिस्टर ए इंडियन है ठीक है इंडियन है इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ये वैसे तो इंडिया में रहते हैं ठीक है वैसे इंडिया में रहते हैं बट एक महीना इंडिया में रहे फिर बाहर चले गए फिर आ जाते हैं फिर चले जाते हैं तो जनरली इंडिया में रहते हैं बट ये अपने 182 डेज होने नहीं देते 182 डेज अपने कंप्लीट नहीं होने देते ये अपना कुछ स्टे इस तरीके से डिजाइन करते हैं ही डिजाइन हिज स्टे इन इंडिया इन सच अ वे दैट इट बिकम्स 181 एटी वन डेज वन एटी वन डेज तक ही रिस्ट्रिक्ट रखते हैं वन एटी वन वन एट्टी वन सेवनटी नाइन मतलब इंडिया में भी रहे ये और एक तरीके से इन्होंने अपना वन ऐटी टू डेज पूरा नहीं होने दिया ठीक है लेट से ये वन ऐटी वन डेज इंडिया में रहते हैं या उससे कम वन एटी वन सेवनटी नाइन मतलब इंडिया में भी रहते हैं पर जनरली बाहर भी रहते हैं और इनका एक बाहर एक बिजनेस चल रहा है लेट्स इनका दुबई में कोई बिजनेस चल रहा है या फिर मॉरिशियस uh, में या सिंगापुर में इनका कोई बिज़नेस चल रहा है ठीक है और इंडिया में रहते हैं इंडिया से कंट्रोल भी कर लेते हैं बिज़नेस अब प्लीज़ मुझे बताइए क्योंकि ही वर्क्स अब्रॉड इनका बाहर बिजनेस है दुबई में इनका बिज़नेस है ठीक है किसी भी दूसरी गल्फ़ कंट्री में इनका बिज़नेस है ओमान मस्कट कहीं पर भी है और इंडिया से कंट्रोल भी कर लेते हैं बट इंडिया में टैक्स नहीं देते ये क्यों नहीं देते ये कहते हैं सर मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ ठीक है आई हैव अ बिजनेस देयर ठीक है और मैं तो इंडिया बस विजिट करने आया वन एट्टी वन डेज रहते हैं बट ये क्या बोलते हैं सर मैं तो इंडिया विजिट करने आया हूँ और इंडिया से ही कंट्रोल कर लेते हैं बिजनेस इंडिया से कंट्रोल भी कर लेते हैं बट दिस बिकम्स नॉन टैक्सेबल बिकॉज ही इज अ नॉन रेसिडेंट ये एक नॉन रेसिडेंट है अब प्लीज मुझे बताइए ऐसे लोगों से तो हमें इनकम टैक्स लेना चाहिए क्यों क्योंकि इन्होंने अपना ये लॉ को डिफीट कर रहे हैं ठीक है इन्होंने लॉ को डिट लॉ में एक लूप होल्ड ढूंढ ली वन एटी वन डेज मतलब वन एट्टी वन डेज आई कैलकुलेट तो ऑलमोस्ट छः महीने तो बन ही जाते हैं ना ठीक है लोग क्या करेंगे एक महीना इंडिया में रहेंगे फिर बाहर चले जाएंगे फिर एक महीना इंडिया में रहेंगे फिर बाहर चले जाएंगे तो मतलब छः महीने अपने ये इंडिया में पूरे कर लेते हैं और इंडिया से अपना बिजनेस कंट्रोल करा लेते हैं ठीक है इंडिया में थोड़ा सा आ, लेबर आ, सस्ती मिल जाती है इनको कंट्रोल ये ठीक से कर पाएंगे बिकॉज ही इज हिमसेल्फ इज ए इंडियन ये इंडिया में जानते हैं कुछ इनके इंप्लॉयज हैं वो भी इनके थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी इंप्लॉयज हैं उनसे कंट्रोल करा लेते हैं बिजनेस बाहर इनका बिजनेस चल रहा है तो ऐसी इनकम इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि ऐसी इनकम के ऊपर तो इंडिया में टैक्स देना चाहिए अब प्लीज मुझे बताइए इनके लिए लॉ क्या बनाएंगे इनके लिए लॉ बनाना चाहिए एक तो इनको रेसिडेंट कर देना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर ये रेसिडेंट हो गए तो so, इनकी हम क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इनकी बाहर की इनकम जो इंडिया में अराइज भी नहीं हो रही इंडिया में रिसीव भी नहीं हो रही और इंडिया में कंट्रोल भी नहीं हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि जो इनकम इंडिया से कंट्रोल भी नहीं हो रही है हम उसको भी टैक्स करें मेनली इंडिया गवर्नमेंट की इंटेंशन इस चीज़ की है इसको ध्यान में रख के इनकम विच इज़ नीदर अराइज नॉट रिसीव्ड बट इट इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इंडिया से कंट्रोल हो रही है तो इंडियन गवर्नमेंट की इंटेंशन ऐसी इनकम को टैक्सेबल करने की थी और जब तक ये लोग नॉन रेसिडेंट रहेंगे जब तक ये लोग नॉन रेसिडेंट रहेंगे ऐसी इनकम तो नॉन टैक्सेबल रहेगी तो इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश आई यहां पर अमेंडमेंट इसलिए आई कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये कहीं किसी भी तरीके से रेसिडेंट बन जाए चाहे भले ही नॉट ऑर्डिनरी बन जाए अगर ये नॉन ऑर्डिनरी भी बन जाएंगे तो कम से कम ऐसी इनकम टैक्सेबल तो हो जाएगी इन दोनों इनकम से हमें प्रॉब्लम नहीं है ये तो टैक्स दे देता ही है तो नॉन रेसिडेंट भी देता है ठीक है जो इनकम इंडिया में राइज होती है जो इनकम इंडिया में रिसीव होती है वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद दिस ये तो एनी वेस टैक्स होनी है बट ऐसी इनकम जब ये नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं तो टैक्स नहीं देते हैं बट ये अगर रेसिडेंट हो जाते हैं तो टैक्स आ जाता है तो हम इनको रेसिडेंट करना चाहेंगे तो लॉ क्या आया है लॉ आया है इनके लिए जो 182 टू डेज़ का प्रोविज़न था ना ये कम किया गया है ठीक है क्योंकि इनको अगर इंडिया से कंट्रोल करना तो इंडिया में रहना भी पड़ेगा बट अब हमने इनका ये नंबर ऑफ डेज़ को कम कर दिया गया है ये कर दिए गए हैं 120 दिन 120 डेज तो इनके लिए कंडीशन ये भी है 182 डेज़ और मोर और सेकेंड कंडीशन भी इनके लिए एप्लीकेबल कर दी बट सिक्सटी डेज़ नहीं इनके लिए वन ट्वेंटी डेज़ कर दिया पहले क्या होता था पहले तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन थी वन एटी टू डेज और मोर इनके लिए बाकी ये तीनों एक्सेप्शन्स में इन लोगों को बाकी हम कुछ और नहीं देखते थे सिर्फ वन एटी टू डेज ही देखते थे सेकेंड कंडीशन हम देखते भी नहीं थे बट अब हमें सेकेंड कंडीशन भी देखनी पड़ेगी बट सेकेंड कंडीशन थोड़ा सा चेंज करेंगे सिक्सटी डेज नहीं वन ट्वेंटी डेज तो लॉ क्या बना स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर या तो 182 एटी टू डेज और मोर हो ये भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो ये रेसिडेंट बन जाएंगे या फिर स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 120 ट्वेंटी डेज और मोर होगा 120 ट्वेंटी डेज और मोर होगा प्लस प्रिसीडिंग फोर ईयरस में 365 सिक्सटी डेज होगा तब ये रेसिडेंट बन जाएंगे तो जनरली अब 120 ट्वेंटी डेज का मतलब होता है चार महीने अब देखो इनको इंडिया से कंट्रोल करना तो इंडिया में रहना भी पड़ेगा तो इन लोगों के लिए कर दिया गया वन ट्वेंटी डेज ठीक है तो क्या सर सबके लिए क्वेश्चन ये आ गया क्या सबके लिए लॉ चेंज हुआ है द आंसर इज नो सबके लिए लॉ चेंज नहीं हुआ है मेनली उन लोगों के लिए चेंज हुआ है जिनकी कुछ ठीक ठाक इनकम आती है ठीक है ऐसी इनकम जो है वो कुछ ठीक ठाक इनकम है तभी हम इसको टैक्सेबल करेंगे ये छोटी मोटी इनकम है दो चार पांच लाख की तो हम इनके लिए लॉ चेंज नहीं करेंगे तो लॉ का जो पैरामीटर रखा गया जो चेंज करने का पैरामीटर रखा गया वो रखा गया अगर आपकी ऐसी इनकम 15 लाख से ज्यादा है एक्सीड करती है अगर 15 लाख को तब आपके लिए अमेंडमेंट है तब हिसाब आपके लिए अमेंडमेंट है अगर आपकी ऐसी इनकम 15 लाख या उससे कम है 15 लाख और लेस तो आपके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है जो पुराना लॉ था वही चलेगा आपके लिए फिर हम 182 डेज ही देखते हैं सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे भी नहीं अगर आपकी इनकम 15 लाख या उससे कम है बट अगर आपकी इनकम ऐसी इनकम जो इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए ठीक है इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए तो इंडिया में कौन सी टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए मेनली इंडियन इनकम कौन सी इनकम डीम टू तो अराइज इन इंडिया या अराइज इन इंडिया ऐसी in तीनों इनकम ये तीनों इनकम मिलाकर अगर 15 लाख से ज्यादा है तब आपके लिए लॉ चेंज है ठीक है तो देखिए अमेंडमेंट क्या है इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन ठीक है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हु मोर देन फिफ्टीन लाख जब ये बोला ना टोटल इनकम मोर देन फिफ्टीन लाख तो साथ साथ में ऐसा बोला कि टोटल इनकम फ्रॉम अदर देन देन फॉरेन फॉरेन सोर्स सोर्स अदर कि आपको टोटल इनकम नहीं देखनी कौन सी इनकम देखनी है फॉरेन सोर्स को हटाकर फॉरेन सोर्स कौन सी इनकम बनेगी उसको हटाकर तो ऐसी इनकम बनेगी अदर देन फॉरेन सोर्स ठीक है जो इनकम इंडिया में अराइज भी नहीं होती रिसीव भी नहीं होती बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है अदर देन फॉरेन सोर्स एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा फॉरेन सोर्स की इनकम कौन सी होती है इनकम Neither arise nor receive in India and also not controlled from India. Not controlled from India. ठीक है कोई भी business है तो वो India से control नहीं होता जो कोई profession है वो India में setup नहीं होता है। तो ऐसी इनकम होती है फॉरेन सोर्स की इनकम दोबारा से रिपीट करता हूँ फॉरेन सोर्स ठीक है याद मत करना सिर्फ समझिएगा फॉरेन सोर्स का मतलब क्या होता है कि बॉस ये अब्रॉड की ही इनकम है आपकी इंडिया में अराइज नहीं होती नीदर अराइज इंडिया में रिसीव नहीं होती है ठीक है ना ही इसका कोई इंडिया से कनेक्शन है ना ही कोई इंडिया से कनेक्शन है ठीक है नीदर इट इज़ फ्रॉम एनी बिजनेस विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ये कोई प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया कि इंडिया से इसका कोई नाता नहीं है ऐसी इनकम को कहते हैं फॉरन सोर्स की इनकम अदर देन फॉरन सोर्स क्या हो जाएगा अदर देन ठीक है ये वर्ड समझने जरूरी है आपको अमेंडमेंट समझ लिया तो ये वर्ड समझना जरूरी है अदर देन फॉरन सोर्स इनकम दर देन फॉरन सोर्स इनकम होगा मेनली जिसका इंडियन इंडियन कनेक्शन आपकी इनकम मेनलीन फॉरन अदर देन फॉरन फॉर के अलावा दूसरी इनकम फॉरन क्या है भैया यूएस हटा दो यूके हटा दो ऑस्ट्रेलिया हटा दो कैनेडा हटा दो जितना भी बाहर की कंट्री है सारी इनकम हटा दो तो कौन सी इनकम इंडियन इनकम कह सकता हूं मैं तो एक तरीके से इंडियन इनकम एंड ऑल्सो इंक्लूड्स इसमें क्या इंक्लूड होगा ऑल्सो इंक्लूड्स इनकम नीदर अराइज साफ साफ लॉ ने लिख दिया ये बात कि अदर देन फॉरेन सोर्स में कौन सी इनकम एड होगी इनकम नीदर अराइज नॉर रिसीव बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ये बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड है या ये प्रोफेशन uh, इंडिया में सेटअप है तो ऐसी इनकम भी अदर देन फॉरेन सोर्स मानी जाएगी अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब एक तरीके से इंडियन इनकम सब लोग समझ गए एक बार दोबारा से ध्यान दीजिएगा यहां पर आप गलती कर सकते हैं देखो समझिएगा सिर्फ समझिएगा याद तो नहीं करना है आपको फॉरन सोर्स की इनकम का मतलब होता है विच इज आउट देखो नाम से समझो फॉरेन सोर्स इनकम जो इंडिया के बाहर की इनकम है ना तो इंडिया में एराइज हुई ना इंडिया में रिसीव हुई और साथ साथ में ये इंडिया से कोई कंट्रोल ये जो बिजनेस जहाँ से भी ये इनकम आती है वो कंट्रोल्ड वो जगह इंडिया से कंट्रोल्ड भी नहीं होती है तो उसको बोलेंगे फॉरन सोर्स इनकम अदर देन फॉरन सोर्स इनकम कौन सी बोलेंगे अदर देन फॉरन सोर्स इनकम होती है जो मेनली इंडियन इनकम अदर देन फॉरन सोर्स बाहर के अलावा दूसरी इनकम बाहर के अलावा कौन सी इनकम इंडिया की इनकम ठीक है कह सकते हैं इंडियन इनकम और साथ साथ में इसमें बोल दिया गया अदर देन फॉरन सोर्स में हम क्या इंक्लूड करेंगे इंडिया में अराइज नहीं हो रही है इंडिया में रिसीव भी नहीं हो रही है बट अगर वो इंडिया से कंट्रोल्ड हो रहा है बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो ऐसी इनकम भी अदर देन फॉरन सोर्स बोला जाएगा ठीक है ये दोनों बातें समझ में आते हैं फॉरन सोर्स इनकम कौन सी हुई और अदर देन फॉरन सोर्स इनकम कौन सी होती है अब जो अमेंडमेंट आई है हमने कहा है कि अगर आपकी टोटल इनकम कौन सी वाली अदर देन फॉरेन सोर्स वाली इनकम 15 लाख ,00 से ज्यादा है तब हम आपके लिए अमेंडमेंट लेकर आएंगे ठीक है 15 लाख ,00 से ज्यादा है तब हम आपके लिए अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं पक्का समझ में आ गया अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम और अमेंडमेंट क्या है अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और आपकी इनकम टोटल इनकम कौन सी अदर देन फॉरेन सोर्स अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब दिस इनकम दिस इनकम मैंने ग्रीन हाईलाइट करा है अगर आपकी इनकम अदर देन फॉरन सोर्स एक्सीड करती है रुपीज 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर तो आपके लिए अमेंडमेंट है तो आपके लिए यहां पर अमेंडमेंट है किसी और के लिए नहीं है अमेंडमेंट सिर्फ इन लोगों के लिए अमेंडमेंट है क्या अमेंडमेंट है इनके लिए एक तो देखा जाएगा बेसिक कंडीशन जब हम लगाएंगे बेसिक कंडीशन जब हम देखते हैं तो हम लोग देखेंगे या तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो सेम रहेगी 182 डेज और मोर वो तो, तो सेम है सेकंड कंडीशन में कर दिया गया 120 डेज मोर इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन प्रिसीडिंग फोर ईयर्स ठीक है सब लोग समझ गए हैं 120 ट्वेंटी डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग फोर इयर्स तो हम आपके लिए अमेंडमेंट लेकर आए हैं सबको समझ में आ गया रीज़न क्या था लाने का ठीक है हम ऐसे लोगों की जो लोग अपनी इस तरीके से अपने डेज डिज़ाइन कर रहे थे कि वो 182 एटी डेज इसको नहीं टच होने देते थे वन एटी डेज रखते थे या उससे कम रखते थे उनके लिए अमेंडमेंट लेकर आ गए हैं तो इनके लिए जो 182 ऐटी डेज ही देखे जाते थे अब 182 ऐटी डेज नहीं देखे जाएंगे 120 ट्वेंटी डेज भी देखे जाएंगे बट साथ साथ में जब आप 120 ट्वेंटी डेज़ को कंसिडर करेंगे पिछले चार साल भी आप देखेगा कि क्या वहां पर हमारा नंबर ऑफ डेज 365 डेज और मोर आ रहा है या नहीं ट्वेंटी डेज प्लस डेज इन कोई बात समझ में आ गई है ठीक है मैं आपको रीड करना चाहूंगा आपकी बुक से बट प्लीज आप सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है आपको ये नोट डाउन करना है ठीक है अब एक दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि ठीक है सर फॉर एग्जाम्पल एक एस एस है इंडियन सिटीजन था या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन था उसकी इनकम अदर देन फॉरन सोर्स 15 लाख से करी थी। और उसका स्टे फॉर एग्जाम्पल 130 डेज आ रहा है 130 डेज आ रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और लास्ट चार साल में 365 डेज आ रहा है मतलब कुल मिला सारी चीजें सेटिस्फाइड हो रही हैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा इंडियन सिटीजन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज्यादा है ठीक है यह सब यानी कि अमेंडमेंट में आ रहा है हमारा और पता चला कि उसका स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमारा प्रीवियस ईयर 2021 में उसका स्टे 130 थर्टी डेज आ रहा है और पिछले चार साल में थ्री सिक्सटी डेज आ रहा है यानी कि ठीक है ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड तो हम इसको क्या बोलेंगे हम ऐसे एस को बोलेंगे रेसिडेंट सर आप तो रेसिडेंट हैं अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर आप एक रेसिडेंट हैं, हैव टू डिटरमाइन कि ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है तो वहां पर भी हमारी एडिशनल कंडीशंस में भी इनके लिए चेंज आया तो इनके लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस को हम इस तरीके से देखते हैं हम इन्होंने हमने कहा कि अगर आप एक रेसिडेंट हो जाते हैं तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे अगर आपका स्टे 182 डेज और मोर है 182 डेज और मोर है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर और आप नॉट ऑर्डिनरी होंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेंगे अगर आपका स्टे 120 डेज और मोर है एंड लेस देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से रिपीट करूंगा एक बार पता चला कि वो रेसिडेंट है एक बार पता चल गया रेसिडेंट है तो क्वेश्चन ये आया कि वो ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑर्डिनरी नॉट सर सर वो एडिशनल कंडीशंस देखेंगे पिछले सात साल में सात सौ तीस दिन और पिछले दस साल में दो में से दस साल में वो रेसिडेंट होने चाहिए नहीं इनके लिए एडिशनल कंडीशन में भी चेंज है इन लोगों के लिए एडिशनल कंडीशन में भी अमेंडमेंट है सो वंस दिस पर्सन बिकम रेसिडेंट एक बार ये रेसिडेंट बन जाता है तो ये पूछना है कि वेदर इट इज ही इज ऑर्डिनरी और ही इज आर नॉट ऑर्डिनरी तो वो किस पर डिपेंड करेगा सिर्फ प्रीवियस ईयर के इसके स्टे पे सिर्फ प्रीवियस ईयर देखना है पिछले सात साल नहीं देखने इनके लिए पिछले दस साल नहीं देखने इनके लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर में इनका स्टे देखिए 120 डेज से तो ऊपर ही आ रहा होगा पक्का क्योंकि 120 डेज से अगर तो नीचे आ रहा है तो फिर तो वो रेसिडेंट ही नहीं बनेगा तो वन डेज से ऊपर आ रहा है बट वन से कम आ रहा है ठीक है तो हम क्या बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी है बट अगर प्रीवियस ईयर में ही वन डेज से ज्यादा है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ठीक है मैं एग्जाम्पल देता हूं मुझे प्लीज बताइएगा, बताइएगार इज अ पर्सन मिस्टर ए मिस्टर ए है इनका इंडियन सिटीजन है फॉरेन सोर्स अदर देन फॉरेन सोर्स से इनकम फिफ्टीन लाख से ऊपर है मतलब ये हमारी अमेंडमेंट में आ रहे थे ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम फिफ्टीन लाख से ऊपर है ठीक है सारी चीजें सेटिस्फाइड हो रही हैं और इनका स्टे इन प्रीवियस ईयर था वन सिक्सटी डेज वन सिक्सटी डेज था और प्रीसीडिंग फोर ईयर्स में थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर था ठीक है रेसिडेंट बन जाएंगे हाँ बिल्कुल बन जाएंगे वन डेज वाली कंडीशन नहीं है सेटिसफाइड नहीं हुई बट 120 डेज वाली हो गई बिकॉज प्रीवियस ईयर में कितना चाहिए था 120 ट्वेंटी हो गया ठीक है ज़्यादा हो गया 365 डेज चाहिए था लास्ट फोर ईयर्स में 365 डेज हो गया ठीक है रेसिडेंट बन गए मिस्टर ए बन गए रेसिडेंट अब पता करना है कि ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है क्या देखना है सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही स्टे देखना है सिर्फ प्रीवियस ईयर का यू जस्ट हैव टू लुक एट द नंबर ऑफ डेज ऑफ द प्रीवियस ईयर इट सेल्फ कितना पता चला क्या वन एट्टी टू डेज से ज्यादा है क्या इनका प्रीवियस ईयर का स्टे वन एट्टी टू डेज या उससे ज्यादा है द आंसर इज नो ऑर्डिनरी तो नहीं है ऑर्डिनरी नहीं है बिकॉज वन एट्टी टू डेज से ज्यादा नहीं था सर क्या वन ट्वेंटी डेज से ज्यादा है ऑब्वियसली वन ट्वेंटी डेज से तो ज्यादा होगा तभी तो ये रेसिडेंट बने हैं वन ट्वेंटी डेज या उससे ज्यादा है बट वन एटी टू डेज से अगर कम है तो ये नॉट ऑर्डिनरी बन जाएंगे तो ही विल बिकम नॉट ऑर्डिनरी समझ में आता है ठीक है इनकम अदर देन फॉरन सोर्स पंद्रह लाख से ज्यादा थी इनकम अदर देन फॉरन सोर्स पंद्रह लाख से ज्यादा थी ठीक है यानी कि फिर यह हमारे अमेंडमेंट में कवर्ड है और इनका स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनका स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आ जाता है टू हंड्रेड डेज टू हंड्रेड डेज आ जाता है पक्का रेसिडेंट आ जाएंगे हां सर फर्स्ट कंडीशन से आ जाएंगे सर वन एटी टू डेज से ज्यादा था टू हंड्रेड डेज रेसिडेंट बन गए अब मुझे बताइए क्या ये ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है सर ये तो ऑर्डिनरी है वन एटी टू डेज से ज्यादा आ रहा है सो दिस पर्सन विल बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही बन जाएंगे ठीक है क्लियर हो गया आप इसको भी दोनों एग्जाम्पल को नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं अच्छा एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे ठीक है मैं नो, आ, मैं लिख नहीं रहा हूं एक व्यक्ति है इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट उनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स पंद्रह लाख या उससे कम है उनके लिए क्या करेंगे सर उनके लिए अमेंडमेंट नहीं है उनके लिए तो पुराना ही लॉ पढ़ा जाएगा जो हमने पहले से पढ़ते आ रहे हैं बिकॉज अमेंडमेंट सिर्फ किसके लिए है जिसकी इनकम अदर देन फॉरन सोर्स अदर देन सोर्स सब लोग समझ गए other than foreign source? In case 15 लाख से ज्यादा है सिर्फ 15 लाख चलेगा क्या नहीं इट शुड एक्सीड 15 लाख तब उस केस में हम लोग इनके ऊपर अमेंडमेंट लेकर आएंगे 15 लाख या उससे कम है अमेंडमेंट मत देखेगा एग्जिस्टिंग लॉ ओल्ड लॉ ही देखेगा ठीक है तो प्लीज सब लोग इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा दोनों एग्जाम्पल को और मैं अब आपकी बुक से पढ़ाऊंगा अब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी वहां पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं डन पॉज कर लिया वीडियो को मैं चेंज कर ओके okay. आपने ये लिख दिया था ना पहले ठीक है इनकेस अगर किसी भी स्टूडेंट ने मिस हो गया था तो प्लीज आप ये दोनों चीजें लिख लीजिएगा फॉरेन सोर्स की इनकम क्या होती है अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम क्या होती है ठीक है और ये बातें भी ओके नाउ आई एम चेंजिंग द स्क्रीन रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं मेजर अमेंडमेंट है ठीक है थोड़ी बड़ी अमेंडमेंट है ये और हम लोग इंपॉर्टेंट मैं मानता हुआ चल रहा हूं कि एग्जामिनर ये पूछ सकता है ये अमेंडमेंट अमेंडमेंट आर टू इंपॉर्टेंट जो हमने एक डिस्कस कर लिया एक और छोटी सी अमेंडमेंट है वो भी हमें डिस्कस करनी है अभी तो कहते हैं कि देर आर टू इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू कर्ब टैक्स एवेजन टू कर्ब टैक्स एवेजन जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे ठीक है लूप होल थी आ, का फायदा उठा रहे थे टैक्स का ठीक है उनके ऊपर उनको हमें कर्ब करने के लिए उनको रोकने के लिए बाय ऐसा कौन कर रहे थे बाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ क्यों बोला गया सर इनकी इनकम अगर पंद्रह लाख या उससे कम है अदर देन फॉरन सोर्स तो फिर इनके ऊपर अमेंडमेंट नहीं ला रहे थे हम क्या चाहते हैं जिनकी इनकम एक अच्छी कंसिडरेबल अमाउंट की डिसेंट इनकम है उनके लिए हम अमेंडमेंट लेकर आए हैं ठीक है लेट्स डिस्कस द बैकग्राउंड फर्स्ट तो ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की थी ये आपने बना भी लिया था टेबल बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं आपको पता है पुराना लॉ था मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड दिया है यहाँ पर वन एटी टू डेज और मोर होता था सिक्सटी डेज और मोर होता था क्या ये लॉ खत्म हो गया नहीं आज भी है अभी भी है ठीक है बट हाँ उन लोगों के लिए जो इंडियन सिटीजन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिनकी इनकम अदर देन फॉरन सोर्स पंद्रह लाख से ज्यादा है उनके लिए बस ये चेंज हो गया उनके लिए सिक्सटी की जगह वन ट्वेंटी डेज हो गया है ठीक है क्योंकि पहले क्या होता था पहले सर इनके लिए एक्सेप्शन में आते थे उनके लिए हम सिक्सटी डेज ही नहीं देखते थे सिर्फ क्या देखते थे वन एटी टू डेज ठीक है उनके लिए आप एक्सेप्ट ये कंडीशन भी देखेंगे बट 60 के प्लेस पे 120 देखेंगे ठीक है ये पुराना लॉ था यहां पर सब कुछ इसकी एक्सेप्शंस क्या-क्या थी वो भी आप लिख चुके थे तीन एक्सेप्शंस थी इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इन लोगों के लिए हम 182 डेज देखते थे या फिर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंगेज है आउटसाइड इंडिया इन एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस आउटसाइड ठीक है वो बाहर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है या कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है या कोई अदर वोकेशन कोई भी कोई दूसरा काम कर रहा है वो हु कम्स टू विजिट इंडिया इन लोगों के लिए भी हम वन एटी टू डेज ही देखते थे ठीक है इन लोगों के वन एटी टू डेज देखते थे और ऐसे लोग इसका फायदा उठा रहे थे क्योंकि हम इनके लिए वन एटी टू डेज देख रहे थे तो इनका ये फायदा उठा रहे थे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर दिया है कि ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से पहले मैंने इसको सॉल्व करा हुआ था देखिए मिस्टर ए थे एक इंडियन सिटीजन इनका कोई टैक्सी ऑपरेटिंग बिजनेस था मॉरिशियस में ठीक है जैसे हमारे यहाँ पर ओला होती है ठीक है ऐसे इनका कोई बिजनेस था मॉरिशियस में ठीक है टेक्निक टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रिवन बिजनेस था मेनली कहाँ से कंट्रोल कर रहे थे ये? इंडिया से ठीक है हिज़ इनकम फ्रॉम मॉरिशियस बिजनेस टू पॉइंट फाइव करोड़ ढाई करोड़ की इनकी इनकम थी ठीक है मॉरिशियस में अराइज़ हो रही है इनकम और ये इन, इंडिया में कितने दिन रहते थे वन वन डेज और यहाँ से ही अपना बिजनेस कंट्रोल भी कर लेते थे ठीक है कंट्रोल भी कर लेते थे अपना मॉरिशस वाला बिजनेस इंडिया से बट ये कहते थे सर मैं तो इस कंडीशन में आता हूँ ये कह रहे थे कि मैं तो सर एक्सेप्शन में आता हूँ ठीक है मैं एक इंडियन सिटीजन हूं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं मेरा बिजनेस बाहर है मैं तो विजिट करने आया हूं इंडिया ठीक है और इंडिया से कंट्रोल भी कर रहे थे बट और क्या बन जाते थे ये नॉन रेसिडेंट ये नॉन रेसिडेंट बन जाते थे और ऐसी इनकम के ऊपर कभी भी इंडिया में टैक्स नहीं आता था दैट इज द रीजन ये अमेंडमेंट लाई गई ठीक है तो पहले तो ये नॉन रेसिडेंट बन जाते थे बट नाउ देर इज एन अमेंडमेंट तो अब अमेंडमेंट लेकर आए ठीक है स्पेशल प्रोविजन बना दिए गए कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ठीक है और इंडिया आते हैं और आपकी टोटल इनकम देख लीजिए आपकी टोटल इनकम कौन सी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज सब लोग समझ गए अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज यानी कि इसमें कौन सी इनकम ऐड हो जाएगी अदर देन फॉरेन सोर्सेज में जो इनकम इंडिया में हेराइज नहीं हुई है इंडिया में रिसीव भी नहीं हुई है बट इंडिया में कंट्रोल हो रही है वो भी अदर देन फॉरेन सोर्स में आ जाएगी ठीक है याद है आपको हमने लिखा है अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम देख लीजिए यहां पर डिस्कस किया था मेनली कौन सी इनकम अदर देन बार बार देखो मैं बोल रहा हूं याद मत करना सिर्फ समझ के अदर देन इनकम ठीक है ऐसी तो इनकम को भी हम देखेंगे आज तो ऐसी इनकम अगर 15 लाख ,00 से ज्यादा है तो आपके लिए अमेंडमेंट है अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 15 लाख एग्जैक्ट 15 लाख नहीं अगर एग्जैक्ट 15 लाख है आपके लिए अमेंडमेंट नहीं है ये आपके लिए तो फिर हम पुराना लॉ देखेंगे फिर ये जो पुराना लॉ था 60 डेज और 182 डेज वाला वो देखेंगे हाँ बट आप एक्सेप्शन में आएंगे तो 60 डेज देखना नहीं है आपके लिए आपके लिए सिर्फ 182 डेज देखना है बट अब ये लॉ चेंज कर दिया गया इन लोगों के लिए इफ यू कम टू पेज नंबर 5 लिखा हुआ है ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर और he has been in India for at least 1 in 20 days in the previous year and 365 days or more in the 4 years immediately preceding the previous year. ईयर यानी कि पहले तो हम इनके लिए सिर्फ वन एटी टू डेज देखते थे बट अब तो वन ट्वेंटी डेज भी देखेंगे आप दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिसफाई कर देंगे यू विल बिकम रेसिडेंट इन द प्रीवियस ईयर और अगर आप रेसिडेंट बन जाते हैं कि आप ऑर्डिनरी हैं या नॉट ऑर्डिनरी हैं वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर इन इन लोगों के लिए हम फिर वो सात साल वाली कंडीशन या फिर वो दस साल वाली कंडीशन नहीं देखेंगे बोला गया कि इफ सच पर्सन इज रेसिडेंट अगर वो आप रेसिडेंट हो गए हैं तो वेदर ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी मुझे बताओ क्या देखना है सर प्रीवियस ईयर के ही नंबर ऑफ डेज देखने हैं 120 से ज़्यादा हैं बट 182 डेज से कम है मतलब 181 तक लिख सकता हूँ मैं 120 से 181 है तो नॉट ऑर्डिनरी 182 डेज से ज़्यादा हैं तो ऑर्डिनरी पक्का ये आपने लिख लिया था देख लीजिए यहाँ पर आपने लिख लिया था This one. ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ऑर्डिनरी कब बन जाएंगे प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ उससे ज़्यादा है तो ऑर्डिनरी 120 डेज या उससे ज्यादा है बट लेस देन 182 एटी टू लेस देन वन बोले तो 181 तो नॉट ऑर्डिनरी और आपने ये एग्जाम्पल भी लिख लिए थे ओके okay. इनकम फ्रॉम फॉरन सोर्सेज क्या होती है इनकम फ्रॉम फॉरन सोर्सेज होती है जो बाहर की इनकम होती है ठीक है बाहर की इनकम इंडिया में अराइज नहीं हुई इंडिया में रिसीव नहीं हुई ना ही इंडिया से कंट्रोल्ड है ठीक है तो लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन इनकम फ्रॉम फॉरन सोर्सेज मीन्स इनकम विच अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया ठीक है इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया अगर वो कंट्रोल्ड इंडिया से हो रही है या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया था तो ऐसी इनकम को हम फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं मानेंगे ऐसी इनकम को क्या मानेंगे अदर देन फॉरेन सोर्सेज तो इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज फॉरेन सोर्स इनकम जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है हम उसको फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं मानेंगे उसको तो अदर देन फॉरेन सोर्स अदर देन फॉरेन सोर्स बोले तो इंडियन इनकम बोल सकते हैं ठीक है पक्का मैंने यहां पर भी आपको लिखवा दिया था सब लोगों ने नोट डाउन कराया ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें मैं बोलता हूं लिख लीजिए प्लीज लिख लिया कीजिएगा ठीक जब क्योंकि जब आप लिखते हैं एक्चुअली जब आपका पेन आपके रजिस्टर पर आपके पेपर पर चलता है तो एक्चुअली आपको रजिस्टर होता है ठीक है आपके दिमाग में वो चीज़ें रजिस्टर होती हैं और आपको बहुत अच्छे से चीजें आप उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे आप उसको अप्लाई कर पाएंगे ठीक है अदर देन देखो नाम से अदर देन फॉरन सोर्स अदर देन फॉरन सोर्स मतलब बाहर के अलावा दूसरी इनकम बाहर के अलावा दूसरी इनकम मतलब इंडियन इनकम कह सकते हैं ओके okay. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं मिस्टर बी इज एन इंडियन सिटीजन एंड लिविंग इन सिंगापुर ही कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फॉर थर्टी डेज एक सौ तीस दिन इंडिया आए हैं कंप्यूट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टेक्सिबल इनकम हिज स्टे ड्यूरिंग द फोर प्रिस ईयर इज 400 डेज अब मुझे प्लीज बताइएगा क्या देखना है इनके लिए सर या तो 182 डेज और मोर देखना है और या फिर 120 डेज और मोर देखना है प्लस 365 डेज देखना है पक्का इनके लिए देखना है नहीं अभी नहीं क्यों मैंने क्या कहा था मैंने कहा था कि एक इंडियन सिटीजन हो हाथ सर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हो हाथ सर वो इंडियन सिटीजन हो गए हैं मैंने दूसरी बात ये कही थी कि इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स अदर देन फॉरेन सोर्स अगर इनकम पंद्रह लाख से एक्सीड करती है तब इनके लिए अमेंडमेंट है ठीक है सब लोग समझ रहे हो देखो कंसेप्ट एक बार समझना ठीक है एक बार पढ़ना और दूसरा उसको अप्लाई करना बोथ आर डिफरेंट ठीक है एक बार जब हम लोग पढ़, पढ़ते हैं कंसेप्ट को ठीक है उसको समझते तो पता चलता है कि हाँ समझ में आ गया बट जब आप एक्चुअली क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ठीक है तब एक्चुअली प्रैक्टिस होती है आपकी तब जाकर वो मैं ये कह सकता हूं कि तब अब आपको समझ में आया वो कंसेप्ट ठीक है ओके अब देखिएगा कि क्या इनके ऊपर अभी हम अमेंडमेंट लगा दें कि अमेंडमेंट इनके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है बॉस ये इंडियन सिटीजन तो हैं इंडिया में आए भी 120 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में आए हैं पिछले चार साल में भी 400 दिन बन रहा है बट अमेंडमेंट में ये तब कवर्ड होंगे तब हमारी एक कंडीशन और बची है पंद्रह लाख से ऊपर इनकम जाए इनकी कौन सी टोटल इनकम पंद्रह लाख से ऊपर जाए हाँ टेन लाख फोर्टी फोर सिक्स लाख से ऊपर जा रही है अरे, है अरे अदर देन फॉरेन सोर्स वाली इनकम ठीक देखते हैं जरा कौन कौन सी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स है इन मतलब कुल मिला के इंडियन इनकम कह सकता हूं इनकम अराइजिंग इन इंडिया रिसीव इन सिंगापुर ठीक है ये अदर देन सोर्स है इंडियन इनकम है इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया ठीक है ये भी इंडियन इनकम सोर्स है, है. In no, इनकम नहीं देखना है आपको 44 लाख ,00 को नहीं देखना है आपको, बिकॉज ये इनकम 44 लाख ,00 की इनकम ना तो इंडिया में अराइज हो रही है ठीक है ना डीम टू अराइज हो रही है ना ही कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो इसको नहीं देखना है आपको ठीक है जब 15 लाख ,00 की आप लिमिट चेक करेंगे इंडियन इनकम बेसिकली जो इनकम इंडिया में अराइज हो, तो हो रही है या फिर अगर भी अराइज हो रही है कम से कम इंडिया से कंट्रोल तो हो तो हमारे पास निक्स दिया गया है इनकम अराइजिंग इन सिंगापुर इंडिया इनकम इंडिया से बाहर अराइज हो रही है फ्रॉम अस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडियान सोर्स है नो ये दिस इज अदर देन फॉरन सोर्स तो इसी को देखना था हमें अदर देन फॉरन सोर्स देखना था तो हम इसको भी देखेंगे सिक्सटीन लाख को टोटल कीजिएगा फोर प्लस टेन फोर्टीन प्लस सिक्सटीन थर्टी लाख आ गया हमारे पास पंद्रह लाख ,00 से ज्यादा आ गया है हाँ ये अमेंडमेंट में आ रहे हैं तो मिस्टर बी आप अमेंडमेंट में आ रहे हैं ठीक है एक बार दोबारा से अमेंडमेंट इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ठीक है और आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स एक्सीड फिफ्टीन लाख जो इस केस में हो रही है तो हम इनको अमेंडमेंट में ले लेंगे अमेंडमेंट क्या कहती है सर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वन एटी टू डेज हो वो तो नहीं हुआ क्योंकि प्लस पिछले चार साल में थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है कैसे वन थर्टी चार सौ दिन सो ही बिकम्स अ रेसिडेंट ही बिकम्स अ रेसिडेंट ये बन गए हैं रेसिडेंट अच्छा अब मुझे बताइए ये रेसिडेंट बन गए हैं वेदर ही इज एन ऑर्डिनरी या ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी सर उस केस में तो इनका प्रीवियस ईयर का नंबर ऑफ डेज चेक करने पड़ेंगे अगर वो 182 एट्टी डेज या उससे ज्यादा हैं तो ऑर्डिनरी 182 एट्टी डेज से कम है

और वो इनकम जो इनकम इंडिया में अराइज नहीं हुई है रिसीव भी नहीं हुई है बट कंट्रोल्ड है फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन विच इज़ सेटअप इन इंडिया तो उसको भी हम टैक्सेबल करेंगे याद आता है आपको नॉट ऑर्डिनरी के लिए देख लीजिए आपने ये भी बनाया था इसलिए मैंने जान पूछ के आपको ये सारी चीज़ें बनवाई थी कि आपको ये सारी चीज़ें रजिस्टर हों आपके दिमाग में नॉट रेसिडेंट हुआ नॉट ऑर्डिनरी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल करेंगे दिस दिस एंड दिस है, taxable, taxable, taxable. कौन सी इनके लिए टैक्सेबल नहीं टैक्सेबल होती? होती है ऐसी इनकम को हम टैक्सेबल नहीं करेंगे बट इनकम अराइज इन इंडिया इनकम रिसीव इन इंडिया या डीम टू अराइज डीम टू रिसीव सब और साथ साथ में कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया को भी टैक्सेबल करेंगे तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इनकी

लाख टैक्सेबल ,00 करेंगे तो टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस थर्टी लाख ,00 आ रही है क्या बने ठीक है लिखा हुआ है रेसिडेंट बने बट नॉट ऑर्डिनरी और टैक्सेबल इनकम कौन कितनी आई थर्टी लाख ठीक है एक और एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर थ्री मिस्टर सी इज एन इंडियन सिटीजन एंड लिविंग इन सिंगापुर ही कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर वन थर्टी डेज

15 लाख में आपको क्या क्या लेना है इंडियन इनकम इनकम अराइज इन इंडिया रिसीव कहीं पर भी हो इंडियन इनकम है आपको 2 लाख इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया 8 लाख इसको भी कंसिडर करना है ठीक है इंडियन इनकम इनकम अराइजिंग इन सिंगापुर नहीं कंट्रोल फ्रॉम इंडिया भी नहीं है 64 लाख को नहीं लेना इनकम राइजिंग इन सिंगापुर फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया ये भी अदर देन सोर्स है इसको भी आपको लेना होगा पक्का ना तो आपने जब लिया टू लाख प्लस एट इलेवन लाख लाख इनकी इनकम आ रही है अदर देन सोर्स इनके लिए अमेंडमेंट नहीं है इनके लिए अमेंडमेंट नहीं है बिकॉज अमेंडमेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपकी इनकम अदर देन फॉरन सोर्स 15 लाख को एक्सीड करती है लाख को एक्सीड करती है तब आपके लिए अमेंडमेंट है तो इनके लिए तो अमेंडमेंट नहीं है अब क्या क्या देखेंगे सर इनके तो पुराना लौ, लौ लगेगा। पुराना लगेगा था 182 days, या फिर 60 days or more, plus 365. But ऐसे लोग जो इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं जनरली इनका जॉब वगैरह बाहर होती है इनके लिए वो सिक्सटी डेज वाली कंडीशन देखते ही नहीं है इनके लिए सिर्फ क्या देखते, है? 182 की देखते हैं तो प्लीज बताइएगा मिस्टर सी कौन हो जाएंगे नॉन रेसिडेंट तो क्या अमेंडमेंट इनके लिए है द आंसर इज नो इनके लिए अमेंडमेंट नहीं है इनके लिए एग्जिस्टिंग लॉ था एग्जिस्टिंग लॉ में सिर्फ ये एक्सेप्शन में कवर्ड होते हैं वन एटी टू डेज की कंडीशन देखी जाएगी वो फुलफिल हो नहीं पाई बिकॉज इनका स्टे वन थर्टी डेज रहेगा तो ही विल बिकम अ नॉन रेसिडेंट ये नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे और ही इज नॉट कवर्ड इन अमेंडमेंट ठीक है नॉट कवर्ड इन अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट में कवर्ड नहीं है नॉन रेसिडेंट हो गए तो फिर इनकी कोई भी इनकम टैक्सीबल नहीं होगी क्या पक्का सर होगी कौन कौन सी इनकम ठीक है जो इनकम इंडिया में अराइज हुई डीम टू अराइज हुई रिसीव हुई, हुई है डीम टू रिसीव हुई है ठीक है सब लोग समझते हैं नॉन रेसिडेंट हो गए हैं कौन कौन सी इनकम टेक्सीबल करेंगे दिस इनकम एंड दिस इनकम ठीक है ये दोनों इनकम जो इनकम इंडिया में अराइज नहीं हुई रिसीव नहीं हुई कंट्रोल हो नॉट कंट्रोल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ही इज अ नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट है तो ऐसी इनकम टैक्सेबल नहीं करेंगे बट इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल करें अराइजिंग इन इंडिया टू लाख टैक्सेबल डीम टू तो अराइज इन इंडिया एट लाख टैक्सेबल सिंगापुर में इनकम अराइज हुई सिक्सटी फोर लाख को टैक्सेबल मत कीजिएगा इनकम अराइजिंग इन सिंगापुर फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया इसको भी टैक्सेबल मत करिए सर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया अरे नॉन रेसिडेंट है ठीक है नॉन रेसिडेंट के लिए तो कंट्रोल देखा ही नहीं चाहता फिर तो अब टू लाख ,00 और एट लाख टेन लाख ही टैक्सेबल हो पाएगा देख ही लीजिए लास्ट में टैक्सेबल टेन लाख हो पाया ठीक है सर ये इलेवन लाख ,00 क्यों लिखा है अरे इलेवन लाख ,00 लिखा है कि चेक करने के लिए अमेंडमेंट आएगी या नहीं आएगी ठीक है अदर देन फॉरन सोर्स में अदर देन फॉरन सोर्स में तो इंक्लूड होगा ठीक है उसको हमने देखा चेक करने के लिए कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है अमेंडमेंट इसमें आती है या नहीं आती है तो पता चला अमेंडमेंट नहीं आती है ठीक है टैक्सेबल एक बार ये पता चला कि अदन फॉरन सोर्स ग्यारह लाख थी इनके लिए अमेंडमेंट नहीं है ये बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट जब नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे फिर हम चेक करेंगे कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी तो सिर्फ ये दो लाख और आठ लाख ही टैक्सेबल होगी पक्का टेन लाख विल बिकम टैक्सेबल सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से ठीक है बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है एग्जाम में अपने ओके लेट्स कम टू वन मोर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फोर मिस्टर डी इज अ यूएस सिटीजन ही इज अ यूएस सिटीजन एंड लिविंग इन सिंगापुर क्या प्लीज बताइए क्या इनके लिए अमेंडमेंट है मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा हूं ठीक है क्या इनके लिए बस यहां पर आपसे पूछ रहा हूं इनके लिए अमेंडमेंट है द आंसर इज नो सर इनके लिए भी अमेंडमेंट नहीं है क्यों सर इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज पंद्रह लाख से ऊपर हो जाएगी अरे पंद्रह लाख तो मैं बाद में देखूंगा पहले मुझे देखना है कि क्या ये इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो पता चला ऐसा तो कुछ नहीं है ही इज अ यूएस सिटीजन और कहीं पर भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं लिखा है तो ही इज नॉट कवर्ड अंडर अमेंडमेंट इनके लिए अमेंडमेंट मत देखिएगा इनके लिए पुराना लॉ देखिएगा ठीक है पक्का पुराना लॉ देखिएगा तो इनके लिए क्या देखिएगा वन डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या होती है सिक्सटी डेज सर सिक्सटी डेज प्लस थ्री सिक्सटी फाइव डेज वाली कंडीशन देखनी है क्या सिक्सटी बिल्कुल देखनी है सर ये तो एक्सेप्शन में आ रहे होंगे अरे एक्सेप्शन में कौन आता है मुझे जल्दी से बताइए एक्सेप्शन में कौन आता है इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड या बिजनेस आउटसाइड इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन ये तो एक्सेप्शन में भी नहीं आते हैं इनके लिए तो ये दोनों ही कंडीशन आती हैं वन एटी टू डेज और मोर सिक्सटी डेज वाली भी कंडीशन आती है पक्का बिकॉज ही इज नॉट कवर्ड अंडर एक्सेप्शन एक्सेप्शन में कौन आते थे इंडियन सिटीजन तो होने चाहिए आप इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन इस केस में थर्ड वाले केस में सबको समझ में आ रहे सो मिस्टर डी यूएस सिटीजन है तो ना तो ये अमेंडमेंट में कवर्ड है अमेंडमेंट में भी कवर्ड नहीं है और ये एक्सेप्शन में भी कवर्ड नहीं थे और पुराने लॉ के एक्सेप्शन में भी कवर्ड नहीं है ये तो इनके लिए तो वही दो कंडीशन है बेसिक कंडीशन 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या फिर दूसरी कंडीशन 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और 365 डेज और मोर मैं लिख दू यहां पर नॉट कवर्ड इन अमेंडमेंट अमेंडमेंट में कवर्ड नहीं है also not covered in exception under existing law existing law ki exception mein bhi covered nahi hai ye theek hai okay ha हाँ ji तो इनके लिए क्या देखनी है इनके लिए तो फिर अब दो conditions देखनी है 182 days वाली भी और 60 days वाली भी ठीक है तो इनका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना था 90 डेज सिक्सटी डेज से ज्यादा पिछले चार साल में स्टे कितना था चार दिन तो रेसिडेंट बन जाएंगे ये ठीक है हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन से रेसिडेंट बन जाएंगे ये ठीक है ओके ऑर्डिनरी बनेंगे या नॉट ऑर्डिनरी बनेंगे तो इसमें हम मान लेते हैं ठीक है इसमें एक तो चीज लिख लीजिएगा हे स्टे ड्यूरिंग preceding seven years is less than सेवन थर्टी डेज ठीक है ये क्वेश्चन में मिस था मैंने एक लाइन ऐड कर दी है हिस्स स्टे ड्यूरिंग प्रिसीडिंग सेवन ईयर्स इज लेस देन सेवन थर्टी डेज ठीक है मतलब ये नॉट ऑर्डिनरी बन जाएंगे अब देखिए कौन कौन सी इनकम इनके टैक्सेबल करेंगे इनकम अराइजिंग इन इंडिया येस टू लाख टैक्सेबल इनकम डीम टू तो अराइज इन इंडिया एट लाख टैक्सेबल ठीक है सर वो वीव इन सिंगापुर थे अरे रिसीव नहीं देखना यहां तो अराइज ही हो रहा है इंडिया में तो टू लाख इज टैक्सेबल टेक्ट लाख इज टैक्सेबल इनकम इन सिंगापुर नो इट इज नॉट टैक्सेबल सिंगा लाख इज नॉट टैक्सेबल ठीक है नॉट ऑर्डिनरी है नीदर अराइज नॉट रिसीव नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया सिक्सटी फोर लाख वुड बी नॉट टैक्सेबल सिक्सटी फोर लाख को आप टेक्सेबल मत कीजिएगा और फिर आप ट्वेंटी फाइव लाख को टैक्सेबल करेंगे हाँ बिल्कुल करेंगे सर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है ठीक है कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया देख लीजिएगा नॉट ऑर्डिनरी के लिए पक्का नॉट ऑर्डिनरी के लिए इनकम अराइज अराइज या arise, या डीम डीम टू टू और नीदर अराइज नॉट रिस बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल तो ये तीनों इनकम इनके लिए टैक्सेबल हो जाएंगी सो टू लाख प्लस एट लाख टेन लाख प्लस ट्वेंटी थर्टी फाइव लाख टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है थर्टी फाइव लाख इनकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी सबको समझ में आया सो दिस वॉज फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ये रेजिडेंशियल स्टेटस की फर्स्ट अमेंडमेंट थी एक दूसरी अमेंडमेंट और आई है छोटी अमेंडमेंट है वो कंपेरेटिवली बट इंपॉर्टेंट बहुत है ठीक है दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वली इंपॉर्टेंट बट मुझे आपके एग्जाम uh, के लिए अगर uh, मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगे तो फर्स्ट अमेंडमेंट मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है ठीक है फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं उससे ठीक है सेकंड no भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट सेकंड भी इंपॉर्टेंट है कंपेयर अगर मुझसे आप कराएंगे तो मुझे फर्स्ट अमेंडमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है एग्जामिनर वहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है ऑल मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं तो आपको बिल्कुल भी uh, उसमें मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी क्वेश्चन से कन्फ्यूज़ होंगे ओके okay. बात करते हैं सेकेंड अमेंडमेंट की एक नया सेक्शन आया सिक्स वन ए इंसर्ट किया गया बाय फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी देखते हैं ये क्या कहता है इस अमेंडमेंट को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं लेट्स से देर इज अ पर्सन देर इज अ पर्सन मिस्टर जेट ठीक है एंड ही इज एन इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट चाहती है मतलब इंडियन सिटीजन के वो पीछे पड़ी हुई है कि आपकी इनकम को हम टैक्सेबल करने वाले हैं। okay. पर नहीं है अमेंडमेंट में सिर्फ इंडियन सिटीजन है ठीक है प्लीज ध्यान दीजिएगा ओनली इंडियन सिटीजन दूसरी बात कुछ लोग क्या करते थे वो लोग बन जाते हैं स्टेटलेस पर्सन स्टेटलेस पर्सन का मतलब होता है कि अपना कुछ अपना स्टे इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं होते या फिर वो इस ऐसी कंट्रीज़ में जाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं जो टैक्स हेवेंस हैं टैक्स हेवेंस जानते हैं आप टैक्स हेन्स वो कंट्रीज़ या वो टेरिटरीज होती हैं जैसे बम बमोडा या फिर केमेन आइलैंड्स ठीक है ब्रिटिश आइलैंड्स ऐसी टेरिटरीज हैं जहाँ पर इनकम टैक्स लगता नहीं है और लगता तो बहुत कम लगता है तो ये लोग अपने अपना बिजनेस उस जगह से चलाते हैं ये कहते हैं कि सर हमारे ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं लगती है ठीक है और अपना इंडिया में भी स्टे इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी इनको टैक्सेबल नहीं कर पाती है या तो ये इंडिया आते ही नहीं है या आते हैं तो बहुत कम दिन के लिए आए ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर्टी डेज़ के लिए आए ठीक है ठीके? इनके ऊपर कभी वो सिक्सटी डेज़ वन ट्वेंटी डेज़ वन एटी टू डेज़ की कंडीशन नहीं लग पाती हैं तो गवर्नमेंट एक प्रोविज़न लेकर आई है यहाँ पर उन्होंने कहा कि इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन और आपकी किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री में किसी भी टेरिटरी में आपका टैक्स नहीं लग रहा है नो टैक्स लायबिलिटी आपकी कोई लायबिलिटी नहीं आ रही है टैक्स पे करने के लिए और आपकी कोई इनकम अब ऐसा नहीं है कि हम आपकी सारी इनकम को टैक्सेबल करेंगे नो no. यहां पर मेनली देखिए इंडियन गवर्नमेंट का यहां पर मोटिव है कि आप एक इंडियन सिटीजन है और आपकी वो इनकम इंडिया से उसका कुछ कनेक्शन है इंडिया से कुछ कनेक्शन का मतलब है अदर देन फॉरेन इनकम सब लोग समझ में आता है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम इन केस यू आर एन इंडियन सिटीजन आपकी किसी भी कंट्री में आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है और आपकी इनकम विच इज अदर अदर देन देन फॉरेन फॉरेन सोर्स सोर्स मतलब इंडिया से कनेक्शन है वो इनकम 15 लाख ,00 को एक्सीड करती है 15 लाख ,00 को एक्सीड करती है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर तब हम आपको टैक्सेबल करना चाहेंगे और हम आपको बना देंगे रेसिडेंट हम आपको डीम्ड टू बी रेसिडेंट मान लेंगे डीमिंग प्रोविजन लगा दिए गए डीम टू बी रेसिडेंट ठीक है जैसे कि कुछ लोग सेटल्ड हैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे टैक्स नहीं लगता लेट से कोई गल्फ कंट्री है दुबई है वहाँ पे टैक्स नहीं लगता है और ये अपना कुछ इस तरीके से अपना स्टे डिज़ाइन करते हैं इंडिया में कि इंडिया में ये बहुत कम दिन के लिए रहते हैं तो किसी भी कंट्री में इनका टैक्स नहीं लगता है ठीक है ही इज़ दैट पर्सन इज़ एन इंडियन सिटीज़न दैट इंडिविजुअल इज़ एन इंडियन सिटीज़न क्या हम इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल करना चाहते हैं नहीं हम इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं करना चाहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जिस इनकम का इंडिया से कनेक्शन है अब ऐसा नहीं कि आप वहां पर ही इनकम कमा रहे हैं वहां पर ही अराइज होती है वहां पर ही रिसीव होती है आउटसाइड इंडिया ठीक है और इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है हमारी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है ऐसी इनकम को टैक्सेबल करने के लिए हम उसकी वजह से आपके ऊपर अमेंडमेंट नहीं लेकर आ रहे हैं हम किसकी वजह से आपकी अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं अगर आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स अदर देन फॉरेन सोर्स अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब इनकम अराइज हो रही है इंडिया में या डीम टू अराइज़ हो रही है इंडिया में या फिर अराइज नहीं हो रही है बट उसका कंट्रोल इंडिया से जा रहा है तो हम ऐसी इनकम को देखना चाहते हैं कि अगर आपके पास ऐसी इनकम है और ये इनकम 15 लाख से ऊपर है तब आपके लिए अमेंडमेंट है और अगर आप इंडिया में आए भी नहीं ना स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर ज़ीरो भी होगा तो भी हम आपको रेसिडेंट मानेंगे ठीक है तो भी हम आपको रेसिडेंट मानेंगे नया सेक्शन आ गया है सर रेसिडेंट मानेंगे ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी ये सेक्शन कहता है हम हमेशा आपको नॉट ऑर्डिनरी ही ट्रीट करेंगे ठीक है क्योंकि नॉट ऑर्डिनरी मान के भी हमारा पर्पज सॉल्व तो होता है ना हम कौन सी इनकम को टैक्सीबल करना चाहते हैं विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया तो नॉट ऑर्डिनरी करके भी गवर्नमेंट का पर्पज सॉल्व होता है तो उन्होंने कहा कि हम आपको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे ठीक है अब प्लीज़ मुझे बताइए मिस्टर जेड है इंडियन सिटीजन है लेट्स से ये रहते हैं दुबई में ठीक है ही स्टेज इन दुबई और इनका दुबई में ही बिजनेस है इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है पिछले चार पाँच छः दस साल से ये दुबई में ही रह रहे हैं इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है क्या इनको कोई प्रॉब्लम है इस सेक्शन से द आंसर इज नो no. इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्शन से क्योंकि ये सेक्शन इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा ठीक है तो क्या मिस्टर जेड को डर जाना चाहिए कि यार मैं दुबई में रह रहा हूँ दुबई में टेक्स्ट है नहीं इंडिया में भी टैक्स लाइविलिटी आती नहीं क्योंकि मैं इंडियन सिटीजन तो हूँ पर मेरा स्टे नहीं आता तो क्या ये सेक्शन इनको भी परेशान करने के लिए आया था आंसर इज नो ऐसे लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आया क्यों क्योंकि क्या बोला गया अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अब प्लीज मुझे बताइए अगर किसी व्यक्ति का दैट पर्सन इज स्टेइंग इन दुबई या कुछ ऐसी कंट्री में जहां पर टैक्स नहीं लगता है ठीक है तो अगर उसकी इनकम फॉरन सोर्स से ही आती है उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर गवर्नमेंट का साफ साफ मोटिव है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अगर आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की है मतलब कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं इसको एक नाम दे सकता हूँ ऑल्दो वर्ड यूज किया गया अदर देन फॉरेन सोर्स बट हम अपने समझने के लिए नाम कह सकते हैं मतलब कुल मिला के इंडियन इनकम जिसका इंडिया से कनेक्शन हो अगर आपकी इंडियन इनकम इंडियन इनकम मेनली कौन सी इनकम है विच इज जो जहां पर जिसके लिए अमेंडमेंट आई है मेनली वो है विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया तो अगर ऐसी इनकम आपकी पंद्रह लाख से ऊपर है तो आपके लिए लॉ है ठीक है मान लेते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है इंडियन सिटीजन है किसी भी कंट्री में उनका टैक्स लाइवलिटी नहीं आती है बट इनकम अदर देन फॉरन सोर्स पंद्रह लाख से कम है या पंद्रह लाख या पंद्रह लाख से कम है तो आपके लिए भी ये अमेंडमेंट नहीं है मेनली यहां पर देखिए मैंने शुरू में ही बताया था मेनली यहां पर अमेंडमेंट आई है जिन लोगों के पास एक अच्छी डिसेंट इनकम आ रही है मतलब अच्छी खासी है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को पकड़ने के लिए अमेंडमेंट आई है जो लोग अपना टैक्स की चोरी कर रहे थे एक तरीके से गलत फ़ायदा उठा रहे थे लॉ का तो यहाँ पर लॉ चेंज किया गया है इन लोगों के लिए तो हम आपको हमेशा डीम टू बी रेसिडेंट मानेंगे और जब हम रेसिडेंट मानते हैं तो क्वेश्चन ये आता है ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी तो इस सेक्शन में वी विल ऑलवेज प्रिज्यूम यू एज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो बस इतना सा अमेंडमेंट आई है ये एक बार देखते हैं अपनी बुक से न्यू सेक्शन 61A फाइनेंस एक्ट 2020 ने इंसर्ट किया ये सेक्शन टैक्स ऑन स्टेटलेस पर्सन स्टेटलेस का मतलब क्या होता है सर जम्मू एंड कश्मीर uh, या फिर यूपी uh, महाराष्ट्र ये स्टेट state? नहीं स्टेटलेस का मतलब यहाँ पर पर्सन है कंट्री यहां पर स्टेट को कंट्री माना गया जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओके टैक्स ऑन स्टेटलेस पर्सन जो किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करते हैं या फिर किसी भी कंट्री के वो रेजिडेंट नहीं बन पाते हैं मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी किसी भी कंट्री में नहीं आती है तो आपके ऊपर ये प्रोविज़न है एंटी अब्यूज़ प्रोविज़न एंटी अब्यूज़ का मतलब क्या होता है जो लोग ऐसे प्रोविजंस का गलत फ़ायदा उठा रहे थे एग्जिस्टिंग लॉ का गलत फ़ायदा उठा रहे थे उनके लिए ये प्रोविजंस डाले गए हैं एंटी अब्यूज़ जो अब्यूज़ कर रहे थे उस प्रोविज़न को उसके लिए एंटी वायरस डाला गया ठीक है इंडियन सिटीजन हैविंग यहां पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा है नो no. सिर्फ लिखा है, लिखा हुआ इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरन सोर्सेज मतलब इंडियन इनकम बोल सकता हूं मैं ठीक है एक्सीड्स रुपीज फिफ्टीन लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड दे आर नॉट लाइबल टू टेक्स इन एनी कंट्री और टेरिटरी वो किसी भी कंट्री में उनकी टेक्स लाइबिलिटी नहीं आती है तब हम आपके लिए सेक्शन ला रहे हैं और हम आपको रेसिडेंट मानेंगे एंड दैट टू नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ इंडिया हु प्रीवियस ईयर एक्सीड फिफ्टीन लाख कौन सी इनकम अदर देन फॉरन सोर्स की इनकम शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया हम उनको डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे अगर वो किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं हो रहे हैं क्यों नहीं हो रहे हैं या तो उस कंट्री के लॉज ऐसे हैं जैसे दुबई कि वहाँ पर टैक्स नहीं लगता है या फिर आप अपना नंबर ऑफ़ डेज़ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वहाँ पर आप रेजिडेंस नहीं बन रेसिडेंट uh, नहीं बन पाते हैं या आपका डोमिसाइल इस तरीके से कि आप वहाँ पर टैक्सीबल uh, नहीं हो पाते हैं तो किसी भी रीज़न से आप किसी भी कंट्री में अगर टैक्सीबल नहीं हैं इफ़ ही इज नॉट लाएबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाई रीजन ऑफ हिस डोमिसाइल रेसिडेंस और एनी अदर क्रिटेरिया किसी भी क्रिटेरिया से अगर आप किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आपका आपको इंडिया में टैक्स देना है बट इंडिया में कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना है ऑब्वियसली इंडियन इनकम के ऊपर जो इनकम इंडिया में अराइज होती है डीम टू अराइज होती है या फिर इनकेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो रही है ठीक है और आगे क्या लिखा हुआ है क्या ये रेजिडेंट ऑर्डिनरी बनेंगे नॉट ऑर्डिनरी बनेंगे साफ साफ लिखा हुआ है सच इंडिविजुअल और ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ये लोग हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही रहेंगे इनकम फ़ॉरन सोर्सेज क्या होती है जो इनकम इंडिया में आरइज़ नहीं होती रिसीव नहीं होती वो सब फ़ॉरन सोर्सेज की इनकम होती है और जो इंडिया से कंट्रोल भी नहीं होती है जो इंडिया से कंट्रोल होती है वो तो हम अदर देन फॉरन सोर्स लेते हैं ठीक है सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ये रेजिडेंशियल स्टेटस की अमेंडमेंट थी जो भी मैंने एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस की हैं उसको मैं चाहूंगा कि आप एक बार और करें ठीक है करके देखें उस एग्जाम्पल को तीनों एग्जाम्पल्स को जिससे कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं रेसिडेंशियल स्टेटस की अमेंडमेंट के साथ ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अपना एग्जेम्ट इनकम का सेक्शन टेन में अमेंडमेंट आई है चैप्टर नंबर टू इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम मतलब एक्जमट इनकम सेक्शन टेन की बातें करूंगा मैं इसमें सेक्शन टेन की बातें करूंगा एक दो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं बट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं फर्स्ट अमेंडमेंट आई है सेक्शन टेन ट्वेंटी सिक्स में शायद आपको ये नंबर याद नहीं होगा तो इट्स ओके ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं आई है इसमें बिल्कुल भी कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है ये सेक्शन कहता क्या है ये सेक्शन कहता है कि इफ देर इज एन इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ स्केड्यूल ट्राइब और वो ऐसे एरिया में रहते हैं तो ये सेक्शन कहता था कि अगर आपकी इनकम इस एरिया से आती है इस एरिया से आती है कौन कौन से एरिया हैं ये द एरिया स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्थ कचर हिल डिस्ट्रिक्ट द कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट जनतिया हिल डिस्ट्रिक्ट गराव हिल डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करने हैं ठीक है या फिर स्टेट ऑफ मणिपुर त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड या फिर लद्दाख अब लद्दाख यू अंडरस्टैंड अब जे एन के और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं नाउ लद्दाख इज़ नो मोर पार्ट ऑफ जे एन के ठीक है वो तो अलग अलग अब यूनियन टेरेटरीज बन गए हैं तो बस एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है कि यहाँ पर लिखा था लद्दाख विच इज़ अ रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये वर्ड्स डिलीट कर दिए गए हैं अब सिर्फ लद्दाख लिखा हुआ है वहाँ पर ठीक है मैं एक बार बता देता हूँ अमेंडमेंट तो यही थी बट मैं सेक्शन एक बार डिस्कस कर लेता हूँ सेक्शन 1026 कहता है इफ देर इज एन इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ में ट्राइब और वो इस एरिया में रहते हैं और इसी एरिया से आपकी इनकम आती है इसी एरिया से आपकी इनकम आती है फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका बिजनेस है या किसी भी सोर्स से आपकी इनकम आती है तो दैट इनकम इज एक्सेप्ट बट अगर आपकी इनकम किसी और एरिया से आती है ऑल दो रहते यहां पर हैं बट आपकी इनकम किसी और एरिया से आती है दैट इज टेक्सेबल बट उसकी एक्सेप्शन है अगर आपकी कहीं और से इनकम आती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पैसिव इनकम पैसिव इनकम मेनली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से इनकम आती है इंटरेस्ट की इनकम आती है लेट से आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं आपकी डिविडेंड इनकम आती है तो दैट इज ऑल्सो एग्जेंट ठीक है तो क्या कहता था लॉ फर्स्ट अगर आपकी जितना भी हमने ऊपर एरियाज या स्टेट्स ऊपर डिस्कस किए हैं अगर आपकी किसी भी सोर्स से यहाँ से इनकम आती है ठीक है दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया किसी भी सोर्स से इनकम आती है दैट इज एग्जेप्टो एग्जेम्ट होगी और अगर आपकी किसी और एरिया अदर देन दिस एरिया लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम डेली से आती है या फिर मुंबई से आती है इनकम तो वो टैक्सीबल होगी बट अगर वो इनकम कौन सी है बाई वे ऑफ डिविडेंट और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी के शेयर्स या किसी कंपनी के डिवेंजर्स खरीदे हुए हैं और आपकी डिविडेंड इनकम आती है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आती है तो भी वो एग्जेम्ट होगी ठीक है अब मुझे बताइए प्लीज अगर इनकी दिल्ली से या मुंबई से या कोई भी दूसरी जगह पर लेट से आगरा में इनका बिजनेस है तो क्या वो टैक्सेबल होगा या वो एग्जेप्ट होगा दैट वुड बी टैक्सेबल वो सब टैक्सेबल होगा मोटिव क्या था मोटिव था इस एरिया को डेवलप करना इस एरिया में से अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो इनकम एग्जाम्ट है हाँ बट अगर आपने इस एरिया से कुछ पैसे कमाए और उससे कुछ आपने शेयर्स खरीद लिए डिवेंचर्स खरीद लिए किसी भी कंपनी के तो दैट इज ऑल्सो एग्जेप्ट बट अगर आपकी इनकम इस एरिया के बाहर से आती है ठीक है बाहर से आती है आपकी इनकम तो दैट वुड बी टेक्सीबल ठीक है ये था 1026 का बैकग्राउंड ठीक है अमेंडमेंट 1026 में एज सच कुछ नहीं है बट सिर्फ लद्दाख के आगे जब रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा गया था उस पर्टिकुलर वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया है ओके okay. ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सेक्शन 34 को हटा दिया गया है अब एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट टेन थर्टी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता था डिविडेंट इनकम एक्जेप्ट होती थी शेयर होल्डर्स के हाथों में रिपीटिंग डिविडेंट इनकम शेयर होल्डर्स के हाथों में एक्जेम्ट होती थी बिकॉज इसके ऊपर वन वन फाइव ओ लग जाता था ठीक है पुराने प्रोविजंस थे ये तो पहले क्या होता था वन वन फाइव ओ मतलब कंपनी को सीडीटी देना पड़ता था ठीक है कंपनी को सीडीटी देना पड़ता था और शेयर होल्डर्स के हाथों में हम कहते थे कि सेक्शन टेन थर्टी फोर में एग्जेप्ट हो जाते शेयर होल्डर्स के हाथों में कंपनी हैज टू पे सीडीटी और शेयर होल्डर्स के लिए ये एग्जेम्ट होता था नाउ इट इज डिलीटेड अब ये सब डिलीट हो गया ठीक है ठीके? अब ये सब डिलीट हो गया है सी कंपनी को अब सी डोमेस्टिक कंपनीज को फॉरेन कंपनी के, के लिए नहीं था फॉरेन कंपनीज का डिविडेंड तो टैक्सेबल होता था बट दिस वाज फॉर डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड एक्जेंट होता था शेयर होल्डर्स के हाथ में ठीक है फिर बाद में लॉ आए थे कि अगर दस लाख ,00 से ऊपर का डिविडेंट मिलेगा तो वो उतना टैक्सेबल होता था बट वो दस लाख ,00 की बातें भी सारी डिलीट हो गई हैं ठीक है अब कोई ऐसी लिमिट नहीं है आपको अगर डिविडेंड मिलता है आज चाहे वो टेन थाउजेंड हो ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड हो एक लाख हो दस लाख हो बीस लाख हो इटिव ऑफ द अमाउंट दैट इज नाउ टेबल वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट बनेगा अंडर आई एफ ओ एस आप लोग जानते हैं ना डिविडेंट इनकम आई एफ ओ एस में आती है तो डिविडेंट इनकम इज नाउ टेक्सेबल ठीक है इर ऑफ द अमाउंट तो अगर आपको आज दस हजार मिले दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर इनकम टोटल इनकम का पार्ट बनाइएगा आईएफओएस में लिखा हुआ है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड चाहे आपको डायरेक्ट डिविडेंड मिलता है डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ इंटर्म डिविडेंड मिले या फाइनल डिविडेंड मिले या डीम डिविडेंड मिले डीम डिविडेंड याद है आपको सेक्शन टू ट्वेंटी टू ए बी सी डी और ई e, ठीक है तो चाहे आपको डीम डिविडेंड मिले ठीक है ए बी सी डी ई का इंटर्म डिविडेंड मिले फाइनल डिविडेंड मिले प्रेफरेंस शेयर्स पर मिले इक्विटी शेयर्स पर मिले नाउ प्लीज़ उसको टैक्सीबल खींचेगा शेयर होल्डर के हाथों में अंडर आई एफ ओ एस तो डिविडें फ्राम डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड इज टेक्सिबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर देर फोर सेक्शन टेन थर्टी फोर इज नाउ इन ऑपरेटिव टेन थर्टी फोर अब कोई इसका रोल नहीं रहा है वन वन फाइव ओ का रोल नहीं रहा है सी डी टी नहीं कटेगा आज कंपनी सीधा सीधा डिविडेंड देगी आपको और आपको ही उस पर टैक्स देना पड़ेगा हाँ कंपनी इसके ऊपर टी डी एस जरूर काटेगी ठीक है ऑब्वियसली टी डी एस दो डायरेक्ट करेगी कंपनी वो बातें हम टी डी एस के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर टी डी एस ऑन डिविडेंड ठीक है टी डी एस कह रहा हूँ सी डी टी नहीं ठीक है सी डी टी क्या होता था कोऑपरेट डिविडन टैक्स कंपनी को ही टैक्स देना पड़ता था और हम बोलते थे कि आपको टैक्स नहीं देना बट यहाँ पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा आपको टैक्स मतलब आपके टोटल इनकम का पार्ट बनेगा वो टी डी एस कट गया तो टी डी एस का तो आप क्रेडिट ले लेंगे ठीक है जैसे लेते हैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी निकाल के और जितना भी आपका टैक्स आता है लाइबिलिटी आती है उसमें से टी डी एस का क्रेडिट आप ले लेते हैं कि इतना टैक्स मेरा पे हो चुका है ऑलरेडी तो कंपनी सिर्फ सी डी डी तो काट सॉरी टी डी एस तो डिडक्ट कर सकती है आपका बट उसका ये मतलब नहीं होता है कि हमें आपको आ, आपको टैक्स नहीं देना होता उस केस में आपकी इनकम तो होती है ना हमेशा ठीक है ये बात सबको समझ में आती है टी डी एस तो कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे पुरानी बातें थी वो मैं ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर चल रहा है चलिए मैं फिर भी एक मिनट के लिए अगर किसी को टी वाली बात समझ में नहीं आई है तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ मुझे एक बात बताइएगा आप कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं केबीसी में और केबीसी में आप लेट से प्राइस जीतते हैं टेन लाख रुपीज का तो क्या ये आपकी इनकम नहीं होती हाँ सर इनकम होती है कैजुअल इनकम होती है आई में चली जाती है टेन लाख रुपीज इसके ऊपर केबीसी थर्टी परसेंट का टी डी रिडक्ट कर लेती है और आपको कितने पैसे मिलते हैं सेवन लाख रुपीज तो क्या अब आपको टैक्स नहीं देना ठीक है तो क्या आपको टैक्स नहीं देना है तो आंसर इज़ नो सर अब हम अपनी रिटर्न में ये इनकम दिखाते हैं टेन लाख ,00 को क्या बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट ग्रॉस अमाउंट था नेट अमाउंट कितना था आफ्टर टी डी एस सर सेवन लाख ठीक है दिस कॉल नेट अमाउंट बट प्लीज़ मुझे बताइए जब एस एस सी अपनी रिटर्न फाइल करेगा जब रिटर्न फाइल करेगा तो मैं हमेशा ये कहता हूँ ये आपको पता होगा कि हमेशा आप अपनी जब अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं तो यहाँ पर अपनी इनकम लिखते हैं जो भी आपकी इनकम आई है और अगर उसके ऊपर टी भी डिडक्ट हुआ है कोई बात नहीं आप अपनी ग्रॉस इनकम तो लिखते हैं ना ग्रॉस लेवल पर तो कितनी लिखेंगे प्लीज़ बताइए अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में सेवन लाख या टेन लाख टेन लाख तो आप हमेशा अपने ग्रॉस लेवल पर इनकम लिखते हैं टेन लाख रुपीस ठीक है टेन लाख के ऊपर जो भी आपका टैक्स आया दैट इज कॉल्ड टैक्स लाइबिलिटी जितना भी आपका टैक्स आया है प्लस सेस वगैरह सब कुछ ऐड करते हैं सर भी अगर फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी लाख से ऊपर इनकम चली गई सर वगैरह भी है उस सब ऐड करने के बाद से करने के आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है टैक्स लाइबिलिटी में जितनी भी है फॉर एग्जाम्पल आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई लेट से थ्री लाख ट्वेल्व थाउजेंड लेट से मैंने सरचार्ज वगैरह नहीं लगाया मैंने सीधा सीधा टेन लाख के ऊपर थर्टी परसेंट टेक्स ले लिया प्लस फोर परसेंट सेस ऐड कर दिया थ्री लाख ट्वेल्थ थाउजेंड लाइबिलिटी इसमें से आप क्या बोलते हैं सर टैक्स लाइबिलिटी थ्री लाख ट्वेल्व थाउजेंड है इसमें से, से मेरा टी डी एस अंडर सेक्शन वन नाइन्टी फोर बी होता है यादनगर नहीं है आपको सेक्शन का नंबर बट आपको इतना पता है थर्टी परसेंट टी कटा होगा ठीक है वैसे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ वन बी में आपका टी कटता है थ्री लाख रुपीज़ का टी डिडक्ट हुआ तो फिर भी बारह हज़ार तो आपको पे करने पड़ते हैं ना ठीक है ये बातें सब आप लोग टी के चैप्टर्स में पढ़ते हैं पुरानी बातें थी मुझे लगता है ये बातें आपको पता होंगी मुझे तो बस इतना आपको क्लियर करना था कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर मेरा टी डी एस डिडक्ट हो गया तो अब मुझे टैक्स नहीं देना होता क्या अब मुझे अपनी रिटर्न में अपनी इनकम शो नहीं करनी होती क्या ऐसा कुछ नहीं है टी डी एस अगर डिडक्ट हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी इनकम नहीं है वो तो आपकी इनकम है दैट इज़ योर इनकम और वो भी कितने लेवल पर लिखते हैं उसको ग्रॉस लेवल पर अपनी इनकम लिख लिखी जाती है इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैजुअल इनकम नहीं होती ये डिविडेंड होता टेन लाख रुपीज़ का डिविडेंड मिला तो कंपनी आज सी डी टी पे नहीं करेगी सी डी टी वन वन फाइव ओ में सीडीटी नहीं जाएगा ठीक है कंपनी दस लाख रुपए आपको दे देगी हाँ टीडीएस डी एस डिडक्ट करेगी वो 194 सेक्शन है टीडीएस ऑन डिविडेंड का वो इसके ऊपर 10 परसेंट का टीडीएस डिडक्ट करेगी कोविड की वजह से 7.5 है वो कोविड की वजह से मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें मैं टी के चैप्टर में डिस्कस कर लूंगा अमेंडमेंट में बट फॉर एग्जाम्पल मैं टेन परसेंट का एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ तो दस लाख का उन्होंने डिविडेंड दिया टेन परसेंट का टी डी एस डिडक्ट करके नाइन लाख रुपीज़ दे दिए तो क्या आप क्या बोलेंगे कि आप मुझे टैक्स नहीं देना अरे देना है आपको टैक्स और क्या ही आपको इनकम में अपनी शो नहीं करना करना है वो भी नेट अमाउंट नाइन लाख शो करेंगे ग्रॉस अमाउंट टेन लाख शो करेंगे ग्रॉस अमाउंट शो करेंगे ठीक है पक्का तो आप यहां पर भी अपनी डिविडेंड इनकम अंडर आई एफ ओ शो करेंगे टेन लाख रुपीज़ जो भी आपकी दूसरी इनकम है वो सब लिखेंगे जितना भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई वो लिखेंगे ठीक है जितना भी आपका टी ऑलरेडी जा चुका है उसका क्रेडिट ले लेंगे और बाकी का टैक्स पे कर देंगे दैट इज कॉल्ड टैक्स पेएबल रिफंड मिला तो रिफंडेबल ठीक है सबको तो समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं डिविडेंड इनकम इज नाउ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर डिविडेंड इनकम आज शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल है इसके ऊपर कंपनी की अब सी देने की लायबिलिटी नहीं है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की लायबिलिटी नहीं है हाँ ऑफकोर्स टीडीएस की तो लाइबिलिटी है बट यू अंडरस्टैंड सीडीटी एंड टीडीएस आर टू डिफरेंट थिंग्स ठीक है अच्छा एक और छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूं यह अमेंडमेंट आई है विच इज इफेक्टिव फ्रॉम की डिविडेंड आप टेक्सेबल होगा इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद जो भी आपको डिविडेंड मिलता है ठीक है नाउ इट इज टेक्सेबल ठीक है इन देंड्स ऑफ शेयर होल्डर ठीक है दिस इज प्रीवियस ईयर 2021 से आप ऐसे कह सकते हैं असेसमेंट ईयर 2122 से ये अमेंडमेंट आई है अब प्लीज मुझे बताइएगा छोटी सी बात मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे से इज़ अ कंपनी नेस्ले लिमिटेड देर इज अ कंपनी नेस्ले लिमिटेड और इन्होंने प्रीवियस ईयर 1920 में ठीक है प्रीवियस ईयर 1920 में 1920 में क्या प्रोविजन थे 115 ओ सीडीटी भी कंपनी को देना था और 1034 में शेयर होल्डर के हाथों में एग्जेमट हुआ करता था बट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021 में नो no सीडीटी न वन फाइव ओ नहीं है और टेन थर्टी फोर भी नहीं है नाउ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल हो गया है ठीक है अब देखिए एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कहता है कि देर इज अ कंपनी लेट्स से नेस्ले लिमिटेड इन्होंने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया डिविडेंड डिक्लेयर किया ऑन थर्टी मार्च 2020 को और ये डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है बातें मैं आपको आई में भी कराना चाहूंगा ठीक है मैं आई में भी डिस्कस करूंगा ये बातें की, बट फिर भी यहां पर मैं डिस्कस कर लेता मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ जाएगी आराम से डिविडेंट डिक्लेयर किया था मार्च ट्वेंटी को और आपको ये रिसीव हुआ है लेट से ऑन अप्रैल 2020 को इसके ऊपर क्या प्रोविजंस लगेंगे इसके ऊपर क्या प्रोविजंस लगेंगे तो हम लोग जानते हैं कि फाइनल डिविडेंड जैसे ही वो डिक्लेयर होता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है तो इफ़ देर इज़ एनी डिविडेंट विच इज़ डिक्लेयरड ओवर हेयर ठीक है डिक्लेयर इन दिस प्रीवियस ईयर तो इसके ऊपर तो पुराने प्रोविजंस लगेंगे तो इस केस में यहां पर इसके ऊपर ओल्ड प्रोविजंस ही लगाइएगा ओल्ड प्रोविजंस क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए नहीं है ये डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुका था तो इसके ऊपर ओल्ड प्रोविजन्स लगाइएगा मतलब यहां पर हम सी डी टी वन वन फाइव ओ भी लगेगा और टेन थर्टी फोर भी लगेगा मतलब शेयर होल्डर के हाथों में एग्जाम्ट हो जाएगा ये आई बिलीव ये सबको समझ में आ गया है ठीक है मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा पहले क्या होता था प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी तक सी डी टी कम डिविडेंट के ऊपर कंपनी को सी डी देना पड़ता था शेयर होल्डर के हाथों में एग्जेम्ट था अब डिविडेंट जब आपको मिलता है प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कंपनी को सी डी टी कोई कुछ नहीं देना है टेन थर्टी फोर में एग्जाम्ट भी नहीं है शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल है बट एक मैंने बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन केस ले लिया ठीक है बॉर्डर लाइन केस का मतलब यहाँ पर डिविडेंट इसी ईयर में डिक्लेयर हो चुका था इसी ईयर में डिक्लेयर हो चुका था तो प्लीज़ उसके ऊपर पुराना लॉ लगाइएगा नया लॉ मत लगाइएगा ठीक है इसके ऊपर ओल्ड प्रोविजंस लगेंगे इसके ऊपर कंपनी को सी भी देना पड़ेगा और 1034 में क्योंकि तो कंपनी ने सी दे दिया तो ऑब्वियसली 1034 में शेयर होल्डर के हाथों में एग्जैम्ट रहेगा ठीक है आई बिलीव ये बात समझ में आ गई है तो मैंने ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस लिया है तो यू कैन पॉज द वीडियो प्लीज नोट इट डाउन इसको आप नोट कर सकते हैं ठीक है ओके okay, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें टाइम लिया है यहां पर लिखा हुआ है डिविडेंड इनकम डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूडिंग डीप डिविडेंड इज टेक्सेबल इन देंड ऑफ शेयर होल्डर देयर सेक्शन टेन इज नाउ इनोबरेटेड ये बात मुझे आई एफ ओ एस में भी डिस्कस करनी थी बट मेनली बातें आप मैंने यहां पर ही डिस्कस कर ली हैं क्योंकि आई एफ में क्यों बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको पता है डिविडेंट तो आई एफ की इनकम होती है तो आई एफ के चैप्टर में भी ये पढ़ेंगे हम लोग आज डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंट मिलता है तो कोई सी नहीं जाता वन वन फाइव ओ में सी नहीं जाता इसी तरीके से वन वन फाइव आर में म्यूचुअल फंड कंपनीज को म्यूचुअल फंड कंपनीज जब इनकम देती थी यूनिट होल्डर्स को ठीक है जैसे कि शेयर्स होते हैं कंपनी शेयर्स इशू करती है शेयर्स पर हमें डिविडेंड मिलता है इसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी यूनिट्स इशू करती है यूनिट होल्डर्स को और यूनिट यूनिट्स पर हमें इनकम मिलती है हम इसको डिविडेंड इनकम भी बोल देते हैं अदरवाइज वी कैन से इनकम ऑन यूनिट्स पहले डिविडेंड के ऊपर भी सी डी जाता था और जो कंपनी को देना पड़ता था सी और म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी सी देना पड़ता था और वो शेयर होल्डर के हाथों में यूनिट होल्डर के हाथों में इनफैक्ट एग्जेम होता था टेन थर्टी फाइव में यूनिट होल्डर्स को टैक्स नहीं देना होता था बट नाउ ये दोनों ही प्रोविजन अब आ गए हैं वापस कि शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा या यूनिट होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा पुराना लॉ क्या था पुराना लॉक था कि म्यूचुअल फंड कंपनी को सी देना था यूनिट होल्डर के हाथों में है बट नाउ आज यहां पर 1035 थर्टी फाइव यूनिट होल्डर के हाथों में जो एग्जामेशन था वो खत्म हो गई है नाव म्यूचुअल फंड कंपनी से जब इनकम मिलेगी दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर यूनिट होल्डर के हाथों में वो टैक्सेबल होगा ये बात सबको समझ में आती है लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूनिट्स इनकम फ्रॉम यूनिट्स इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऊपर लिख दीजिएगा सेम एज डिविडेंड इनकम तो जब आपको इनकम मिलती है फ्रॉम यूनिट्स कहां से म्यूचुअल फंड से या फिर यहां पर कुछ बातें लिखी हैं इनकम फ्रॉम यूनिट्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग या फिर स्पेसिफाइड कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड सर इसमें से तीनों चीज़ों में से सर एक ही चीज समझ में आई म्यूचुअल फंड ये दोनों समझ में नहीं आए ये क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग या फिर स्पेसिफाइड कंपनी क्या होती है दे आर ऑल्सो म्यूचुअल फंड कंपनी ये भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं पहले एक म्यूचुअल फंड हुआ करता था यू टी आई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यू टी आई ठीक है यू टी आई में कुछ स्कैम हुआ था उसके बाद यू टी आई को स्प्लिट कर दिया गया था यू टी आई म्यूचुअल फंड को स्प्लिट कर दिया गया और स्प्लिट होकर दो कंपनीज बनी एक तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड एंड स्पेसिफाइडरटेड इज स्पेसिफाइड कंपनी तो ये कुछ और नहीं है ये भी म्यूचुअल फंड तो साफ साफ लिख दिया गया इनकम फ्रॉम यूनिट्स पहले पढ़ता था ना ऐसे शायद आपको याद होगा अगर पुराने वो पढ़ा था तो यूनिट्स इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई हम क्या बोलते थे एग्जेट है बट आज यूटीआई से पैसे मिले तो टैक्सेबल है बट यूटीआई ने लिखा क्या लिख दिया उसको एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग या स्पेसिफाइड कंपनी तो आज हमें अपने म्यूचुअल फंड यूनिट से जो भी इनकम मिलती है इट इज नाउ टेक्सेबल इन देंड्स ऑफ शेयर होल्डर या यूनिट होल्डर ठीक है तो सच इनकम इज नाउट टेक्सेबल इन देंड्स ऑफ यूनिट होल्डर एंड नाउ सेक्शन टेन थर्टी फाइव इज इनऑपरेटिव और क्योंकि आज वो टेक्सेबल भी है यूनिट होल्डर के हाथों में जैसे कि कंपनी जब डिविडेंड देती है तो शेयर होल्डर के हाथों तो में टैक्सेबल है और कंपनी टीडीएस डिडक्ट करती है 194 में सिमिलरली म्यूचुअल फंड कंपनी जब आपको इनकम देगी तो वो भी उसके ऊपर भी टीडीएस के इम्प्लीकेशन आ गई हैं वन के एक सेक्शन है जो हम टी के चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्शन वन के वो बताता है कि आज म्यूचुअल फंड कंपनी जब आपको इनकम देती है तो वो 194 के में भी टीडीएस डिडक्ट करेगी ठीक है पक्का समझ में आ गया एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सैलरी इनकम फाइव लाख कंप्यूटेड कंप्यूट मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह दी जा चुकी होगी फाइव लाख टैक्सेबल इनकम है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी पहले क्या करते थे एग्जेम नाउ टैक्सेबल डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी पहले भी टैक्सेबल था आज भी टैक्सेबल है इसको भी टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स पहले ये एक्ज होता था नाउ इट इज टैक्सेबल तो आप ये दोनों चीजें चेंजेस कहां कहां पर आए हैं टू लाख में और थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड में इन दोनों में चेंजेस आए हैं पहले एग्जेम्ड होते थे नाउ इट इज टेक्सीबल बाकी का पांच लाख ,00 की सैलरी इनकम टैक्सेबल ही है डिविडेंड फ्रॉम फॉरन कंपनी वो भी टैक्सेबल है ठीक है समझ में आता है तो अगर ओल्ड प्रोविजन होता तो सिर्फ सैलरी और फॉरेन कंपनी का डिविडेंड टैक्सेबल होता नए प्रोविजन के हिसाब से तो अब डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी या यूनिट्स से जो इनकम आ रही है वो दोनों ही टैक्सेबल होगी इलेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड यहां पर टैक्सेबल हो गया है ठीक है एक छोटी सी अमेंडमेंट है सेक्शन टेन डबल ए में टेन डबल ए होता था कि टैक्स हॉलीडे मिलता था पंद्रह साल के लिए फिफ्टीन ईयर्स के लिए जो एस सी जेड में अपनी यूनिट लगाते थे ठीक है एस सी जेड में यूनिट एस सी जेड में कोई इन्होंने अपनी मैनुफैक्चरिंग यूनिट लगाई है या फिर कोई ऑफिस है तो इनको शुरू के फिफ्टीन ईयर्स में इनको टैक्स से छूट मिलती थी टैक्स हॉलीडे मिलता था कैसे मिलता था ठीक है पुराने सेक्शन से रिपीट कर रहा हूँ एक मिनट के लिए शुरू के पाँच साल तक हंड्रेड परसेंट जितना भी प्रॉफिट आया एस सी जेड यूनिट का हंड्रेड परसेंट एग्जाम होता था नेक्स्ट फाइव ईयर्स में 50% परसेंट हुआ करता था नेक्स्ट फाइव ईयरस में 50% परसेंट ऑफ प्रॉफ़िट्स और जितना उन्होंने एस रिजर्व में ट्रांसफर किया विच एवर इज लोअर उतना एग्जेंट होता था आज भी सेम है कोई चेंज नहीं है उसमें आज भी सेम है बट ये एस यूनिट के लिए यहां पर कंडीशन टेन डबल ए में ये थी कि आपने यूनिट सेटअप की हो आपने यूनिट सेटअप की हो वन फोर टू थाउजेंड फाइव से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी के बीच में अगर आप इस पर्टिकुलर डेट्स के बीच में अपनी यूनिट सेटअप करते हैं तभी आपको टेन डबल ए की यहां पर एग्जाम्शन मिल सकती है अदरवाइज एग्जाम्शन नहीं मिलेगी प्लीज ध्यान दीजिएगा मैंने इसका लास्ट डेट क्या लिखी है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी अब हम लोगों के लिए 2021 ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर चल रहा है 2021 इसका मतलब यह समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति अब इस डेट के बाद मतलब इस प्रीवियस ईयर में इस डेट के बाद कोई भी डेट ले लेता हूं मैं फर्स्ट अप्रैल 2020 इस ईयर में फॉलो होती है अगर कोई भी एस अब इस साल या आगे आने वाले फ्यूचर ईयर में अपनी यूनिट लगाएगा उसके ऊपर टेन डबल ए नहीं मिलेगा पक्का टेन डबल ए नहीं मिलेगा तो सर अब तो ये सेक्शन ख़त्म हो गया है तो अब तो ये हमें नहीं चाहिए सेक्शन अरे चाहिए ना फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि इस सेक्शन का इम्पैक्ट कब तक पड़ता है अगले पंद्रह साल तक अब मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर किसी ने अपनी यूनिट फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को लगाई होती उसके लिए सेक्शन है ये फ़र्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को मार्च से पहले पहले उसने अपनी यूनिट लगा दी तो जिसने अगर फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को अपनी यूनिट सेटअप कर ली है कमेंस कर ली है तो उसको तो अगले पंद्रह साल तक वो सेक्शन की रिडक्शन लेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सेक्शन खत्म हो गया सेक्शन है क्योंकि जिन लोगों ने अपनी इस पीरियड में अपनी यूनिट सेटअप कर ली थी उनके लिए तो सेक्शन रहेगा ना अभी पंद्रह साल तक ठीक है तो सेक्शन खत्म नहीं हुआ है बट हाँ अब नई यूनिट्स अगर सेटअप होंगी तो उनके लिए सेक्शन नहीं है ये है। बस एक छोटा सा यहाँ पर एक प्रोविजन डाला गया है इन केस अगर आपको एसीजेड लॉ में अप्रूवल मिल गया था एससीजेड एक्ट में एसीजेड अथॉरिटी से आपको अप्रूवल मिल गया था ऑन और बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी अप्रूवल आपको मिल गया था एसीजेड अथॉरिटी से आपको अप्रूवल मिल गया था बट किसी रीजन से आप अपनी यूनिट को स्टार्ट नहीं कर पाए थे कमेंट्स नहीं कर पाए थे ऑल अप्रूवल था आपके पास अप्रूवल लेटर था आपके पास बट किसी भी रीजन से आप स्टार्ट नहीं कर पाए थे तो हम बस आपको स्टार्ट करने का एक साल का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं मतलब अगर आपने इसको अगर फर्स्ट अप्रैल 2020 के बाद स्टार्ट किया अप टू थर्टी मार्च 2021 यानी कि अगला एक साल यहां से एक साल दे दिया गया आपको प्रोवाइडेड क्या है कि आपको अप्रूवल पहले मिल गया हो एसिजेड अथॉरिटी से अगर यू हैव रिसीव द अप्रूवल अप टू दिस नहीं कर पाए अपनी यूनिट तो कोई बात नहीं हम आपको एक साल तक का टाइम दे रहे हैं स्टार्ट करने का अगर आपने ऐसा किया तो टेन डबल ए आपको भी मिल जाएगा तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि एक साल का ग्रेस दे दिया गया है इनको ठीक है एक साल का ग्रेस दे दिया गया प्रोवाइडेड अप्रूवल पहले से मिल गया हो तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि टेन डबल ए क्या होता था ये सब पुरानी बातें हैं अमेंडमेंट सिर्फ ये है ठीक है ये अमेंडमेंट है हाउ इन केस वे लेटर ऑफ अप्रूवल आपको अप्रूवल लेटर जो चाहिए होता है आपको विच इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ एसिजेड एक्ट

ठीक थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक कर लिया है तो भी आप एलिजिबल हैं टेन डबल ए लेने के लिए बस दिस इज द अमेंडमेंट है बस इतनी सी छोटी सी अमेंडमेंट है ठीक है और मैं इसको यहां पर इतना पार्ट में कवर कर सकता हूं तो प्लीज यहां पर यह लिख दीजिएगा एस अप्रूवल ऑन और बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन और बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी और आपने इसको स्टार्ट कर दिया हो नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट कर दिया हो फर्स्ट अप्रैल 2020 से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी के बीच में तो स्टिल टेन डबल ए आपको मिल जाएगा आप ये नहीं कह सकते सर मेरी वो डेट चली गई एक साल आपको मिल जाएगा ठीक है डन इसको लिख लीजिए बस ठीक है डन इसको लिख लीजिए बस ओके okay. बाकी आगे मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल सिक्स ये पुराना ही एग्जाम्पल है मैंने इसलिए दिया है क्योंकि टेन डबल ए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है कोई भी चेंज नहीं है अमेंडमेंट नहीं है ये अमेंडमेंट से कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा तो ये एग्ज़ाम्पल आप आराम से कर सकते हैं ये पुराना एग्जाम्पल है प्लीज़ आप कीजिएगा ठीक है इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट बट अगेन टेन डबल ए क्योंकि एग्जामिनर uh, का एक फेवरेट सेक्शन है टेन डबल ए अक्सर वो इससे क्वेश्चन पूछता है इसलिए प्लीज आप ये एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं ठीक है तो यहां पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस एग्जाम्पल को पूरा करें देख अगर आपको एक बार देखना है तो आप देख भी सकते हैं उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर आएगा सैलरी ठीक है हम लोग सैलरी में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं यहां पर भी ठीक है इसको डिस्कस कर लेते हैं चलिए पहले, आ, पहले आ, आप पहले आप खत्म कीजिए अपना उस एग्जाम्पल को टेन डबल ए का फिर हम सैलरी के आगे बातें करेंगे नेक्स्ट अमेंडमेंट पर आते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और आपको इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए इजी अमेंडमेंट है ठीक है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल इजी अमेंडमेंट है और इनफैक्ट फर्स्ट अमेंडमेंट है मेनली प्रोविडेंट फंड के बारे में बट होता क्या था पहले मैं आपके साथ ओल्ड प्रोविज़न डिस्कस कर देता हूँ ठीक है ओल्ड प्रोविजन सैलरी की बातें कर रहे हैं सेक्शन सेवनटीन टू परक्यूज के बारे में बातें कर रहे थे अगर मैं स्पेसिफिकली बातें करता हूँ तो अमेंडमेंट आई है सेक्शन सेवनटीन टू सेवन में सर ये क्या होता है ये तो हमने पढ़ा नहीं अरे आपने पढ़ा हुआ है वो नंबर आपको याद नहीं होगा तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट सेक्शन है सेवनटीन टू सेवन इसमें होता क्या था अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखो देखिए ऐसे याद आ जाएगा ठीक है वो सेक्शन का नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ना याद रहे इस तरीके से आपको याद आ जाएगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर एनुवेशन फंड सर अभी भी याद नहीं आया ठीक <laughs> है कोई बात नहीं आप प्लीज याद कीजिएगा ठीक है याद नहीं आया तो आ, एक बार फिर देख लीजिएगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ स्टूडेंट को तो याद आ गया होगा बट स्टिल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुवेशन फंड इन केस अगर हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था टू अप्रूव्ड सुपर एनुवेशन फंड तो ये एग्जेम्प्ट होता था दिस इज एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड हां सर ये एक लाख पचास हजार वाली बात थोड़ी थोड़ी याद आ गई है ठीक है वेरी गुड तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम अगेन रिपीटिंग अप्रूव्ड सुपर एनुवेशन फंड अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट सुपर एनुवेशन क्या होता है रिटायरमेंट एज ठीक है रिटायरमेंट के लिए आपके लिए फंड बना गया था अप्रूव था और अगर आपका एम्प्लॉयर यहाँ पर पैसे आपके लिए देता है यहाँ पर डिपॉजिट करता है जो आपके पैसे होंगे अल्टीमेटली जब आप ये रिटायर होंगे या ये कंपनी छोड़ेंगे तो अगर वो हर साल कंट्रीब्यूट करता था जितने भी अमाउंट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तक एग्जेंट होता था उससे ऊपर टैक्सेबल था ठीक है पुराना प्रोविजन था जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आता था कि एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन था टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड लेट से रुपीज वन लाख सेवेंटी थाउजेंड आपके क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता था लेट से तो वन लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज अगर इंप्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो हम इसको सैलरी का पार्ट बनाते थे हम कैसे करते हैं जब भी जब कभी भी हमें सैलरी इनकम निकालनी होती है हम सारे कंपोनेंट्स लिख लेते हैं जो भी हमें एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है जैसे बेसिक सैलरी है डी है कोई और अलाउंस है किसी भी तरह का परक्यूजिट है हम सबके लिए लिस्ट बना लेते हैं उसमें से एक पर्टिकुलर आइटम आ जाता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर एनोवेशन फंड तो इन केस अगर एम्प्लॉयर ने वन लाख सेवेंटी थाउजेंड ऐसे फंड में हमारे लिए प्रोवाइड कराए हैं हमारे लिए डिपॉजिट कराए हैं तो हम इसको बोलते थे कि यह हमारा परक्विट है ठीक है ये हमारी इनकम है सेवनटीन टू सेवन में ये हमारा इनकम मानी जाती थी बट इसमें से वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तक एग्जम्प्ट हुआ करता था यानी कि अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है वन लाख सेवनटी थाउजेंड वन लाख सेवेंटी थाउजेंड इज जस्ट एन एग्जाम्पल जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें से आप वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एग्जेप्ट करते थे और ट्वेंटी थाउजेंड जो एक्सेज ओवर वन पॉइंट फाइव लाख था दैट इज दैट वॉज यूज टू बी टेक्सेबल उसको हम टेक्सीबल करते थे ये अब हो गई पुरानी बात ठीक है अब सेवनटीन टू सेवन पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया क्या क्या चेंजेस आ गए हैं कि जो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड की लिमिट थी इसको कट कर दिया गया और एक दूसरी लिमिट हम आपके लिए ले आए हैं यहां पर इनकम टैक्स कहते हैं कि अब लिमिट होगी सर सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की अब लिमिट नई लिमिट हो गई सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की ठीक है सर ये तो अच्छा हो गया एम्प्लॉई के लिए पहले सिर्फ उसको वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक डिडक्शन वो ले सकता था अब तो सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक वो एग्जामेशन यहां पर ले पाएगा देखने से लगता है ऑन द प्राइमर फेस कि इम्प्लॉय के लिए अच्छी बात हो गई हाँ ठीक है भाई छह लाख से आपकी लिमिट बढ़ गई है नाउ इट इज कम टू सेवन पॉइंट फाइव लाख तक बट साथ, साथ में अमेंडमेंट ने ये कहा कि पहले हम लोग ये 1.5 लाख की लिमिट में ओनली एंड ओनली सुपर एनोवेशन फंड देखा करते थे अब इसके अलावा हम दो चीजें और देखेंगे और इन तीनों की कंबाइंड लिमिट ठीक है दो चीजें इसमें और ऐड हो गई और अब इन तीनों की कंबाइंड लिमिट ही सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की होगी ठीक है तो अब हमें समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई हमारे इंप्लॉय के लिए बेनिफिट नहीं किया है बल्कि उन्होंने यहां पर ऐसा दिखाया कि लिमिट बढ़ा दी बट इस लिमिट में उन्होंने दो चीजें और ऐड कर दी हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं फर्स्ट तो यही रहेगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर इनोवेशन फंड दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन उू रिकोगग्नाइज प्रोविडेंट फंड जिसको आप कॉमनली आरपीएफ के नाम से भी जानते हैं रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और थर्ड एड किया गया है एंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम हम लोग देखते थे ना ए टी सी सी डी में न्यू पेंशन स्कीम होती थी तो दैट इज अगेन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर भी लिमिट कर दिया गया है सेवन पॉइंट फाइव लाख तक दो चीज़ें पहले था अप्रूव्ड सुपर इनोवेशन फंड और अप्रूव्ड सुपर इनोवेशन के साथ साथ दो चीज़ें और ऐड हो गई हैं फर्स्ट थिंग इज रिकगग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जितना एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है और न्यू पेंशन स्कीम में जितना इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है नाउ वट वी हैव टू सी इज इन तीनों की कम्बाइंड लिमिट इन तीनों की कम्बाइंड लिमिट अब हो जाएगी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ की ठीक है पहले सबसे पहले बताइए इतनी छोटी छोटी बातें क्लियर हैं पहले ठीक है सर ये ऐसा क्यों किया है अभी बता रहा हूं ठीक है सर आर पी एफ पे तो एक और लिमिट होती थी ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी सैलरी का मतलब होता था बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न ओवर जिसको मैं रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी भी बोलता हूँ सर इसके ऊपर तो एक और लिमिट होती थी ट्वेल्व परसेंट तो क्या वो लिमिट अब चली गई और सेवन पॉइंट फाइव लाख आ गया है नहीं ऐसा नहीं है वो भी लिमिट है ठीक है अब इसको समझिएगा प्लीज़ ध्यान से ओके सेवेंटीन टू सेवन पूरी तरीके से चेंज हो गया पहले अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के लिए होता था 1.5 लाख की लिमिट अब ये लिमिट 7.5 लाख कर दी गई है और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन की जो लिमिट होती थी उसमें दो लिमिट अब हम और ऐड करके देखेंगे यानी कि इन तीनों का एग्रीगेट मिलाकर आज हम 7.5 लाख तक की ही डिडक्शन ले सकते हैं उसके ओवर एंड अबाउट एक्सेबल हो जाएगा मेन मुझे जो आपके साथ बातें करनी है जो आपके एग्जाम के लिए जहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये पोर्शन Employer contribution to recognized provident fund. अब इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा होता क्या था ठीक है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड याद है आपको आ, हम लोग देखते थे कि प्रोविडेंट फंड इनफैक्ट मैं आपको यहां पर कराता हूँ हम लोगों को पता था ठीक है थोड़ी पुरानी बातें डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ पहले प्रोविडेंट फंड दो तरह के होते हैं मेनली एक तो होता है एंप्लॉय के लिए जो ओपन किया जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो जब आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तभी आपके लिए फंड हो सकता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और दूसरा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ पीपीएफ जिसको हम लोग एट में हम लोग पढ़ते हैं इसकी डिडक्शन कि अगर हम पी में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो एट्टी में वन लाख तक की जो लिमिट है उसमें ये पी का भी शेयर आता है पी तो कोई भी ओपन करा सकता है ठीक है वेदर यू आर अ सैलरीड एस एस और यू आर अन सैलरीड एस आपका एक बिजनेस है ठीक है आपकी कोई और इनकम आती है या कोई भी व्यक्ति ठीक है आप स्टूडेंट हैं आप भी इसको ओपन करा सकते हैं तो पी तो कैन बी ओपन बाय एनी ये हम अपने लिए खुद ओपन कराते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जा सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक जा सकते हैं तो यहाँ पर हमारा पी ओपन हो जाता है तो पी पी एफ की बातें तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ठीक है आई एम आई एम एम्फरसाइजिंग ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अब हमें यह भी पता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी तीन तरह के होते हैं ठीक है पुरानी बातें बिल्कुल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है एक तो हमारा होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मेनली दूसरा होता है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड थर्ड होता है अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड ठीक है ये बात भी याद आती है हम लोगों को बातें करनी है सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ की आरपीएफ की बातें कर रहे हैं एस पी एफ में तो जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट होता है जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है यू अंडरस्टैंड एस पी एफ स्टाचुट्री प्रोविडेंट फंड ठीक है स्टाचुट्री प्रोविडेंट फंड मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ के लिए जो प्रोविडेंट फंड एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी फाइव में आते हैं ठीक है इतनी डिटेल में नहीं जाना आपको बट स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड इज़ मेनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये तो पूरी तरीके से एक्जैम्ट होता है जितना भी इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता था एस पी एफ में वो पूरी तरीके से एक्जैम्ट होता था देखिए अभी तक मैंने अमेंडमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ ये सारी बातें कि मैं आपको पुरानी बातें रिकॉल करा रहा हूँ स्टाचुट्री प्रोविडेंट फंड पूरी तरीके से एक्जिमट होता था अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड हर साल टैक्सेबल नहीं होता एवरी ईयर अगर आपका एम्प्लॉयर यू में पैसे डिपॉजिट कर रहा है तो हम इसको टैक्सेबल नहीं करते हैं क्योंकि ये अनरिकोगनाइज है ठीक है ये नॉन स्टाचुटरी है इसका कोई भरोसा नहीं है कि एम्प्लॉयर हमें देगा भी या नहीं देगा ये पैसे तो यू कब टैक्सेबल होता है जब ये विदड्रॉ हो जाता है जब इसके पैसे एक्चुअली मिलते हैं हमें तो यू तो हर साल टैक्सेबल होता भी नहीं है मुझे बात करनी है आरपीएफ की रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड और आप ज्यादातर देखते हैं ज्यादातर कॉमनली हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज का मेनली आरपीएफ में इंप्लॉयर अकाउंट ओपन कराता है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अब हम देखा करते थे जब कभी भी एंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो हम इसको सैलरी की इनकम बनाते थे ठीक है क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते थे कि मिस्टर ए इज वर्किंग विद सच एंड सच कंपनी उनको बेसिक सैलरी मिलती है उनको डी एन एस अलाउंस मिलता है उनको कोई और अलाउंस मिलते हैं पर मिलते हैं और उनका एक आर पी एफ अकाउंट भी एम्प्लॉयर ने ओपन कराया हुआ है सब लोग समझ गए ठीक है देर इज अ पर्सन ठीक है डी मिलता है अदर अलाउंसेज मिलते हैं है, और इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ भी मिलता था हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे एस, क्वेश्चन को बेसिक सैलरी फुली टेक्सेबल डी ए फुली टेक्सेबल कोई और अलाउंसेस देखते हैं टेक्सेबल है या कितना पोर्सन एग्जाम टेक्सेबल पोर्शन हम लिख देते थे उूज की वैल्यू करते थे या है उसको लिख देते थे इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ हम इनर कॉलम में लिखते थे और उसमें से ऑफ सैलरी तक होता था ठीक है याद आता है आपको ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी तक वो एग्जेप्ट होता था और सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या आता था बेसिक सैलरी प्लस डी ए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन टर्न ओवर ठीक है ये तीनों चीजें हम ऐड करते थे ठीक है इसका ट्वेल्व परसेंट तक एग्जाम होता था अगर इंप्लॉयर ने इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो फिर वो आ, उत, उससे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कराया तो वो जितना ज्यादा किया है वो टैक्सेबल हो जाता था आपको याद आ गई पुरानी बातें तो इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड पर सिर्फ एक अपनी इंडिविजुअल लिमिट थी ये एग्जेम्ट होता था अप to 12 percent of RPF पी 12 ट्वेल्व परसेंट तक एग्जेप एक, होता था ठीक है इसको माइनस कर देते थे और बाकी का पोर्शन टेक्सेबल हो जाता था ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इसको सिर्फ देखिएगा अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसको सिर्फ समझिएगा आप लोग मिस्टर ए एक एम्प्लॉ है किसी कंपनी में लेट से ही इज वर्किंग विद बजाज फाइनेंस लिमिटेड ठीक है बजाज फाइनेंस uh, के एम्प्लॉयी हैं एंड ही इज वन ऑफ द टॉप एम्प्लॉय ठीक है ऑलमोस्ट सीईओ के लेवल के हैं सीएफओ हैं सी ओ ओ हैं तो ही इज वन ऑफ द टॉप शॉर्ट इंप्लॉयी और इनकी काफी अच्छी खासी सैलरी आती है तो इनकी बेसिक सैलरी आती है ठीक है लैक्स में इनकी मंथ सैलरी है बेसिक सैलरी आती है डी आता है कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं साथ साथ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड भी होता था ठीक है लेट से इनकी सैलरी थी बेसिक सैलरी प्लस डी ए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न ओवर इन सबको मिलाकर लेट से ये होती थी आ, मैं ले लेता हूँ 90 90 टॉप एग्जीक्यूटिव इन दिस कंपनी तो इनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, 90 लाख और इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था 12 परसेंट ही ठीक है 12 परसेंट ही कंट्रीब्यूट करता था मान लेते हैं तो 90 लाख ,00 का 12 परसेंट नाइन्टी लाख का 12 परसेंट होता है 10 लाख एटी थाउजेंड रुपीज तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था टेन लाख एटी थाउजेंड रुपीज़ ठीक है उसी सैलरी का टेन लाख एटी थाउजेंडें रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करता था ये अपने एम्प्लॉयर को बोलते थे सर मेरी सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि ट्वेल्व परसेंट तक ही आप कॉन्ट्रीब्यूट करें क्यों क्यों ज्यादा क्यों नहीं कराते थे ये उससे ज्यादा टैक्सेबल हो जाएगा तो हम अभी तक क्या करते थे ठीक है इस अमेंडमेंट से पहले तक हम लोग क्या करते थे हम ये पूछते थे कि एम्प्लॉयर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है टेन लाख एटी थाउजेंड रुपीज़ ठीक है फिर हम यहां पर बोलते हैं कि इसमें से एग्जेम्ट हो जाए इसकी एक इंडिविजुअल लिमिट होती थी इसमें से एग्जेप्ट हो जाएगा 12 परसेंट ऑफ सैलरी सैलरी का मतलब वही बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट फिक्स ऑन टर्न उतना एग्जेंट हो जाता था तो जब हम इसका सैलरी कंप्यूट करते थे नाइन्टी लाख उसका टेन ट्वेल्व परसेंट टेन लाख एटी थाउजेंड आया करती थी और ये पूरा का पूरा एग्जेंट हो जाता था अब मुझे बताइए एम्प्लॉयर इनको एक अच्छा खासा कंपोनेंट दे रहा है टेन लाख एटी थाउजेंड रुपीज और पूरा का पूरा एग्जेट हो गया पूरा का पूरा एग्जेट हो गया बिकॉज़ वो ट्वेल्व परसेंट की लिमिट तक हुआ करता था क्या आज ये ऐसा हो पाएगा द आंसर इज नो इसके ऊपर आज लिमिट लगा दी है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की आप साढ़े सात लाख से ज्यादा की एग्जेंशन नहीं ले सकते मेनली ये जब अमेंडमेंट आई है ये टारगेट कर रही है ऐसे एम्प्लॉयज को जिनकी हाई ब्रैकेट में सैलरी होती है हाई बहुत ज्यादा सैलरी होती है जिनकी सिक्सटी लाख सेवेंटी लाख एटी लाख नाइन्टी लाख एक करोड़ दो करोड़ ऐसे लोगों के लिए क्योंकि ये अपना मेजर पोर्शन ठीक है मेजर पोर्शन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये बोलते थे सर प्रोविडेंट फंड में डाल दीजिए पैसा आप ट्वेल्व परसेंट तक डालिएगा बस क्योंकि उससे ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है बाकी के हमें पैसे वगैरह दे दीजिएगा मतलब ट्वेल्व परसेंट तक अपना सैलरी इस तरीके से तर डिजाइन करते थे और अपना ये पूरा का पूरा इंडिविजुअली इसको क्योंकि इसके ऊपर अलग लिमिट थी एसपी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन के ऊपर अलग लिमिट थी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के ऊपर डेढ़ लाख उसकी अलग लिमिट थी ठीक है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर अपनी अलग लिमिट थी न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर अपनी अलग लिमिट थी हम ए टी सी में देखते हैं ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज तो फोर्टीन परसेंट तक एग्जेंट हो जाता है या फिर अदर एम्प्लॉज तो टेन परसेंट ऑफ सैलरी तक एग्जैम्ट हो जाता है तो इन सब के ऊपर अलग अलग लिमिट थी तो इसका ऐसे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे थे तो स्पेसिफिकली जब ये अमेंडमेंट आई है तो उन्होंने ऐसे हाई पेइंग एम्प्लॉयज़ को ठीक है जो इनकी एक्चुअली बहुत अच्छी सैलरी आती है उन लोगों को टारगेट करके ये बोला कि हम आपको अब 12 परसेंट की लिमिट तो देखेंगे हम 12 परसेंट की लिमिट ऐसे नहीं टेंट की लिमिट नहीं ट्वेल्व परसेंट की लिमिट तो देखेंगे बट ये साढ़े सात लाख से ज्यादा की एग्जेपन नहीं देंगे ठीक है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा एग्जेपन नहीं देंगे तो प्लीज बताइए आज कितनी एग्जेप कर पाओगे आप इसमें से इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर था ये आर लिख देता हूँ ठीक है था, कितना एग्जाम कर पाएंगे तो जितना तो एक्चुअल मिलता है मैं ऐसे कह सकता हूं जितना एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है उसको देखते हैं हम लोग और उसको किससे कंपेयर करते थे पहले ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी से कंपेयर करते थे आज हम इसको सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड से भी कंपेयर करेंगे ठीक है और इनफैक्ट ये सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड इसकी इंडिविजुअल लिमिट नहीं है इसके साथ दो और हैं कंबाइंड लिमिट है ये ठीक है ये कंबाइंड लिमिट है अब पहले जो इंडिविजुअल लिमिट्स हुआ करती थी उनको यहां से डिलीट कर दिया गया और एक कंबाइंड लिमिट 7.5 लाख लेकर आए हैं यह बात ना एक्चुअली जब ये अमेंडमेंट आई आपको पता है कि जब अमेंडमेंट आती है ठीक है फाइनेंस बिल आता है तो साथ साथ में फाइनेंस मिनिस्टर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं ठीक है और उसका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल तो फाइनेंस बिल में कौन कौन सी अमेंडमेंट आई है उसकी एक्सप्लेनेशन होती है तो जब ये अमेंडमेंट आई तो इसमें एक्सप्लेनेशन में सिंपल ये बात लिखी गई अलग से कि पहले अलग अलग लिमिट हुआ करती थी जो हाई सैलरी एम्प्लॉइज थे वो इसका फ़ायदा उठा रहे थे तो एक्चुअली उनको टारगेट करने के लिए उन लोगों को टारगेट करने के लिए सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड की एक कंबाइंड लिमिट लानी जरूरी थी जो ये लेकर आए हैं जिनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है जिनकी सैलरी आठ लाख दस लाख बारह लाख है उनको कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि सेवन पॉइंट उनका जितना भी इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता था बारह परसेंट दस परसेंट वगैरह वो साढ़े सात लाख तक नहीं होता था तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस अमेंडमेंट से इस अमेंडमेंट से फ़र्क पड़ेगा तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है ठीक है लैक्स में इनकी पर मंथ सैलरी होती है ठीक है पाँच लाख छः लाख सात लाख रुपए पर मंथ अगर मैं आपको मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल भी शो करूँ ना हाँ ये आपको वैसे नहीं पढ़ना होता बट सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए मैं शो कर रहा हूँ ठीक है ये एक डॉक्यूमेंट है दिस इज मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल लिखा हुआ है इेशन ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिक्नाइज प्रोविडेंट सुपर इनोवेशन फंड एंड नेशनल पेंशन स्कीम तीन चीज को अब ठीक किया गया है ठीक है उसको रैशनल किया गया है अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस यू डोंव टू लर्न दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस आपको और अच्छे से समझ में आएगा अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन आप सिंपल गूगल पे भी टाइप करेंगे ना मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल ठीक है Uh, जैसे कि uh, कोई भी फाइनेंस एक्ट आता है टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है आप उसके मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो अमेंडमेंट क्यों आई है अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट ये डॉक्यूमेंट है ये आप आप भी डाउनलोड कर सकते हैं बट जरूरत नहीं अगर आपको हाँ नॉलेज के लिए पढ़ना है तो श्योर मैं कहूँगा कि ठीक है बिल्कुल पढ़िए ठीक है अदरवाइज एग्जामिनेशन पर्पज के लिए इंटरमीडिएट के लिए इतना जरूरी नहीं होता है आपको अगर फाइनल में होते तो मैं बोलता कि आपको मेमोरेंडम भी पढ़ना चाहिए अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉई इन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक्सीडिंग ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरीज टैक्सेबल अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन एग्जिस्टिंग प्रोविजन हुआ करते थे ठीक है अभी अमेंडमेंट की बातें नहीं हो रही है अभी ये बता रहे हैं अभी उसका पीछे का बैकग्राउंड दे रहे हैं है, मेमोरेंडम देखिए कहते हैं कि एग्जिस्टिंग कहतेजन में क्या होता था आरपीएफ ट्वेल्व परसेंट तक एग्जेंट होता था उसके ऊपर टैक्सेबल होता था ठीक है उसके ऊपर टैक्सेबल होता था सिमिलरली द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अप्रूव सुपर फंड सुपर एनोवेशन फंड वन पॉइंट फाइव लाख तक की इसकी सेपरेट लिमिट थी ठीक है पॉइंट 1.5 लाख ही टैक्सेबल होता था और एक और चीज होती थी नेशनल पेंशन स्कीम ठीक है इसकी भी लिमिट होती थी हमें 80 में एटीसी मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज हैदर एम्प्लॉयज है तो टेन परसेंट तक इसकी एग्जाम्पन मिला करती थी यहां से बातें शुरू हुई हैं हावेवर देयर इज नो कंबाइंड अपर लिमिट फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय इसके ऊपर कोई कंबाइंड अपर लिमिट नहीं थी कंबाइंड अपर लिमिट सबको समझ में आ रहा है कंबाइंड अपर लिमिट नहीं थी आज इन तीनों को कंबाइन करा गया और एक अपर लिमिट कितनी फिक्स की गई है सेवन पॉइंट फाइव लाख ठीक है दिस इज अ दिस इज गिविंग अनड्यू बेनिफिट टू द इम्प्लॉइज अर्निंग हाई सैलरी इनकम देखो स्पेसिफिकली टारगेट किया हुआ है ऐसे टॉप एग्जीक्यूटिव को जिनकी हाई सैलरी इनकम थी स्पेसिफिकली देखो मेमोरेंडम ने स्पेसिफिकली टारगेट किया है हाई सैलरी एम्प्लॉय विद लो सैलरी इनकम इज नॉट एबल टू लेट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट अ लार्ज पार्ट ऑफ सैलरी क्योंकि उसका सैलरी का वो जिनको ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी वो अगर कह कहें, कहेंगे कि मेरा टेन परसेंट इलेवन परसेंट ट्वेल्व परसेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करो तो कोई बात नहीं वो छोटा सा अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट होता था उनको कोई आ, उनको कोई इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाता था क्योंकि उनके लिए अगर वो सेपरेट लिमिट भी है तो उनको कोई प्रॉब्लम मतलब सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उनका ज़्यादा अमाउंट उस तरफ वो बचा नहीं पाते थे बट हाई सैलरी इनकम वाले लोग अच्छा खासा अपनी सैलरी को इस तरीके से अपने एम्प्लॉय से डिजाइन कर पाते थे जिससे कि इनका मैक्सिमम डिडक्शन ये ले पाए तो इसी तरीके से जब इसको पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है दस दिस पोर्शन ऑफ सैलरी डज नॉट सवर टैक्सेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सिंस एग्जाम एग्जैम्ट रिजीम इज़ फॉलोड फॉर दीज थ्री फंडस एग्जाम 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 क्या होता है कि हाई पेड इम्प्लॉयज़ का फ़ायदा उठाते थे जब ये यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट होते थे जब कॉन्ट्रीब्यूट डिपॉजिट होते थे तो भी एग्जाम होते थे इसकी जो इनकम आती है ठीक है इसकी जो इनकम आती है वो भी एग्जैम्ट होती है और जब ये विड्रॉ होता था पैसा तब भी एग्जाम्ट होता था जानते हैं ना ई ई ई स्कीम क्या होती है ई ई एग्जेम्ट exempt exempt एग्जेम्ट एग्जेम मतलब क्या होता है फर्स्ट ई e किस चीज का होता है जब डिपॉजिट करते थे पैसा तब भी एग्जेपन मिलती थी जब इसके ऊपर इनकम आती है तभी भी एग्जेपन है जब भी ये विड्रॉ करेंगे तभी भी एग्जाम्शन है एक बार फिर बताऊं ई फर्स्ट ई होता था जब हम डिपॉजिट करते हैं पैसा जब यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा तभी एग्जेम्ट होता है ठीक है उसके एग्जामेशन लेते थे ई सेकेंड ई का मतलब होता है जो इसका इसके ऊपर इनकम अक्रू होती है जैसे इसका इसका इंटरेस्ट आया तो वो भी एग्जेम्ट होता था लास्ट ई e होता है जब ये पैसा विड्रॉ होता है तब भी एग्जैम्ट होता है हम लोग जानते थे आर का पैसा पाँच साल के बाद विड्रॉ कराइए पूरा एग्जेम्ट होता है तो ऐसे लोग ऐसी स्कीम्स का फायदा उठाते थे ठीक है ई स्कीम है मैक्सिमम अपना यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कराते थे और टैक्स देने से बच जाते थे उन लोगों के लिए अब ये लिमिट आ, आ गई है कंबाइंड लिमिट ठीक है उन लोगों के लिए आज ये कंबाइंड लिमिट कर दी गई है सब लोग समझ गए मैं आपको बुक से पढ़ाता हूं और एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे साथ में लिखा हुआ है सेक्शन सेवनटीन टू सेवन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर इनोवेशन फंड ओल्ड प्रोविजन क्या थे सिर्फ अप्रूव सुपर इनोवेशन फंड था इस पर्टिकुलर सेक्शन में और वो भी 1.5 लाख तक ये सेक्शन पूरी तरीके से सब्सिट्यूट कर दिया गया है इस ये पूरे तरीके सेक्शन डिलीट हुआ और इसकी जगह एक नया सेक्शन सेवनटीन टू सेवन आ गया तो नया सेक्शन सेवनटीन टू सेवन क्या कहता है कि आज जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू रिकोगग्नाइज प्रोविडेंट फंड लिखती दीजिए इसको आर पी एफ आज जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है टू आरपीएफ या फिर न्यू पेंशन स्कीम में या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में तो ये तीनों मिलाकर ये तीनों मिलाकर आज आप 7.5 लाख से ज्यादा नहीं ले पाएंगे आज 7.5 लाख से ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे ठीक है एक और दूसरा सेक्शन इंसर्ट किया गया इसके साथ सेवेंटीन टू सेवन है छोटा सा सेक्शन है बट पहले मैं आपके साथ ये सेक्शन डिस्कस करना चाहूंगा एक इलस्ट्रेशन के साथ फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है ठीक है ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट है बट बस बहुत छोटा सा है, आपको एक मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा ओके लेट्स कम टू दिस एग्जाम्पल ठीक है आम ऑन पेज नंबर ट्वेल्व एग्जाम्पल नंबर सेवन सुमेश रिसीव्स द फॉलोइंग ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर तो सुमेश एक एम्प्लॉय है और इनको प्रीवियस ईयर 2021 में देखिए क्या क्या मिल रहा है इनको okay, मिले है बेसिक सैलरी डी ए ट्वेंटी परसेंट फॉर्मिंग पार्ट ओके कैश अलाउंस कैश अलाउंस भी अंडरस्टैंड फुली डेक्सेबल होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ इलेवन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी इलेवन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी कॉन्ट्रीब्यूट हो रही है कितना एग्जेम होता है एक तो होता है ट्वेल्व परसेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी तक एक्जेंट होता है और उसके ऊपर एक और अपर लिमिट लग गई है सेवन पॉइंट फाइव लाख की इससे ज्यादा आप एग्जाम नहीं करा सकते ठीक है थीके? सुमेश ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इलेवन परसेंट टू आर पी एफ सुमेश इलेवन परसेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू क्या बोलते हैं हम employee contribution this is employee contribution ठीक है सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है इलेवन परसेंट ऊपर वाला क्या था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ठीक है नेक्स्ट क्या है एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट्स एम्प्लॉयर इसकी कंपनी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट वन पॉइंट फाइव लाख टू अप्रूव्ड सुपर एनोवेशन फंड एम्प्लॉयर वन पॉइंट फाइव लाख अप्रूव सुपर एनोवेशन फंड में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अब देखो एक तो यहाँ पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है दूसरा एस पी स्टार्ट सुपर एनोवेशन फंड में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बट इसकी कम्बाइंड लिमिट सेवन पॉइंट फाइव लाख से आप एक्सीड नहीं करा सकते कंप्यूट हमेश टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन प्रीवियस ईयर 2021 मतलब असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन के लिए हमें इनकी टोटल इनकम कंप्यूट करनी है ठीक है टोटल इनकम कंप्यूट करनी है यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है बट मैं चाहूँगा कि आप ना मेरे साथ इसको क्वेश्चन को करें ठीक है अब मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इसको सॉल्व करिएगा ठीक है आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए ठीक है जल्दी से कैलकुलेटर नहीं है तो वीडियो को पॉज करें और फटाफट अपना कैलकुलेटर ग्राफ करें ठीक है ओके okay. आ जाइए सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम Of Mr. Somesh, Assessment Year 21-22. क्या क्या मिलता है सबसे पहले हमेशा मैं कहता हूं ना सैलरी के क्वेश्चन आप जब कभी भी कर रहे हैं तो यू शुड मेक अ लिस्ट कि हमें अपने इंप्लॉयर से कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं ठीक है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेज इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पर तो वो सबकी लिस्ट बनाइए सबसे पहले अभी ये मत लिखिए कि वो टैक्सेबल है या नहीं है कितना टैक्सेबल है उसमें से पोर्शन है यू शुड फर्स्ट मेक द लिस्ट जब कभी भी सैलरी के क्वेश्चन करें यू शुड मेक द लिस्ट हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है बेसिक सैलरी मिल रही है डी मिल रहा है कैश अलाउंस मिल रहा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर और मिस्टर सुमेश ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट ये तो ये वाली बातें तो मिल नहीं रही तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉय की इन्वेस्टमेंट है और फिर मिल रहा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनोवेशन फंड ठीक है बेसिक डीए कैश अलाउंस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर एनोवेशन फंड लिख लीजिए पूरा हम लोगों को मिल रहा है बेसिक सैलरी दूसरी चीज मिल रही है डीए कैश अलाउंस फिर है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड थोड़ा सा यहां पे स्पेस दीजिएगा आरपीएफ में क्योंकि आपको पता है ट्वेल्व परसेंट वगैरह की भी बातें आएंगी और फिर है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपर एनवेशन फंड ठीक है ये सब चीजें हमें मिल रही हैं तो वी हैव मेड अ लिस्ट इन सब का फिर हम टैक्सेबल अमाउंट लिखेंगे यहां पर और जब इसका टोटल करेंगे विल गेट द ग्रॉस सैलरी ग्रॉस सैलरी में से सेक्शन सिक्सटीन की डिडक्शन देंगे सैलरी इनका मिल जाएगी ओके हाउ मच इज द बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी वॉज फाइव लाख पर मंथ ठीक है पर लिख दीजिए फाइव लाख इंटू ट्वेल्व ठीक है ज्यूम कर लेते हैं पूरे बारह महीने ही मिल रहा होगा रुपीज सिक्सटी लाख सिक्सटी लाख की बेसिक सैलरी है डी ए कितना है डी ए है टू लाख ,00 पर मंथ ठीक है टू लाख इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर लाख हो जाता है अच्छा इसमें लिखे हुए ट्वेंटी परसेंट फॉर्मिंग पार्ट अभी इसका कुछ करना है नहीं अभी नहीं करना तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी निकालते हैं किस किस चीज के लिए हाउस रेंट अलाउंस की टैक्सीबिलिटी निकालने के लिए निकालते हैं या फिर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड वगैरह के लिए निकालते हैं तब आपको यह जरूरत होती है फॉर्मिंग पार्ट की तो अभी तो इस फॉर्मिंग पार्ट की जरूरत नहीं अभी तो जितना मिल रहा है टू लाख पूरा टैक्सीबल करेंगे तो टू लाख इंटू टू लाख इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर लाख नेक्स्ट है कैश अलाउंस वन लाख पर मंथ तो अगेन यहां पर वन लाख इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व लाख अब यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेन पोर्शन इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकोग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ में कितना इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वहां पर लिखा था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इलेवन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी का सिर्फ यहां पे लिखा है बेसिक सैलरी का इलेवन परसेंट ओके तो सबसे पहले देखते हैं कि इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है तो हेयर इलेवन परसेंट इलेवन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी दी सिक्सटी लाख ठीक है पक्का पता चल गया सिक्सटी लाख इसका इलेवन परसेंट तो हमें मिलता है सिक्स लाख सिक्स इतना इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अब प्लीज बताइए यहां पर आप ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या इसको पूरा टेक्सीबल कर दें देवन पॉइंट फाइव लाख एग्जाम है सर इसको पूरा टेक्सीबल नहीं करेंगे इसमें से 7.5 लाख है बट उससे पहले एक और लिमिट लगाइए कौन सी कहीं ये अमाउंट 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी से तो ज्यादा नहीं है 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी तो ज्यादा नहीं है तो सबसे पहले इस पर एक सबसे पहले 12% की बातें खत्म नहीं हुई 12% की भी लिमिट रह लगेगी और बट 7.5 लाख की भी लिमिट लगेगी ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 12% परसेंट ऑफ सैलरी कितना आता है तो 12% परसेंट ऑफ व्हाट? 12% परसेंट ऑफ बेसिक बेसिक है 60 लाख प्लस क्या लेते हैं डीए फॉर्मिंग पार्ट तो डीए कितना था 24 लाख 24 लाख का आई थिंक 20% परसेंट हाँ 20% परसेंट फॉर्मिंग पार्ट था तो ये हो जाएगा फोर पॉइंट एट लाख प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर वो तो यहां पर नहीं है तो दो ही कंपोनेंट आते हैं बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट तो ये हो जाता है हमारा सिक्सटी फोर लाख एटी थाउजेंड इसका ट्वेल्व परसेंट तक एग्जेप्ट हो सकता था इसका ट्वेल्व परसेंट तक एग्जेप हो सकता था कितना सेवन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यहाँ तक आपका एग्जाम हो सकता था बट इस पर एक और लिमिट लगाएंगे कौन सी मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट ओवरऑल लिमिट वो कितनी है वो है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की तो आपको क्या देखना है आज आपको देखना है कि ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी और ओवरऑल लिमिट विच इज लोअर इन दोनों में से सबसे पहले निकालिए विच इज लोअर क्योंकि इतना ही एग्जाम कर पाएंगे हम तो इन दोनों में से विच इज लोअर आएगा यानी कि ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी को और नींद नहीं देखना आप देखना है उसको भी बट वो कहीं ओवरऑल लिमिट से ज़्यादा नहीं आ रही अगर आ रही है तो ओवरऑल लिमिट तक ही उसको रिस्ट्रिक्ट करिए तो हम इसको ओवरऑल लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे साढ़े लाख साढ़े लाख तक हम इसमें एग्जामेशन ले सकते हैं पहले मुझे बताइए आपको साढ़े सात लाख की बात समझ में आ गई पहले क्या होता पुराना लॉ क्या होता यहां पर सेवन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की एग्जामेशन मिल जाती बट अब रिस्ट्रिक्टेड कहां था? 750 तक है सेवन फिफ्टी तक हां वो अलग बात है कि ऊपर वाला सिक्स सिक्सटी आ रहा है एक मिनट के लिए अगर मैं इसको एट सिक्सटी कर लेता ठीक है तो पहले क्या होता पहले होता सेवन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आप पूरी एग्जामेशन ले सकते थे बट नाउ दिस एग्जामेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेवन फिफ्टी ठीक है बट यहाँ तो मुझे 750 भी पूरी एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं आएगी क्योंकि एम्प्लॉयर का ही कॉन्ट्रीब्यूशन कम है पहले से ही कम है सिक्स सिक्सटी है ठीक है बट सब लोग प्लीज़ समझ गए हैं यानी कि आपको 12 परसेंट ऑफ सैलरी भी देखना है आरपीएफ में और सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड भी देखना है ठीक है इन दोनों में से विच एवर इज़ लोअर उतनी एग्जम्पन आप दे सकते हो तो कितनी एग्जम्पन दे सकते हो सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड इन दोनों में से लोअर आया है सेवन फिफ्टी बट प्लीज़ मुझे बताइए क्या हमें सेवन फिफ्टी की एग्जम्शन देने की जरूरत है या सिर्फ सिक्स सिक्सटी से ही काम चल जाएगा सर सिक्स सिक्सटी से काम चल जाएगा क्योंकि इम्प्लॉयर तो इस जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिक्स पॉइंट सिक्स लाख यहाँ पर हमें सेवन फिफ्टी वाली एग्जम्शन भी पूरी एग्जॉस्ट नहीं करनी पड़ी है हमें यहाँ पर एग्जमशन मिलेगी सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड की और आर पी एफ हो जाएगा नल टेक्सेबल कितना है नल एग्जेप्ट हो जाएगा पूरा क्यों सिक्स सिक्सटी एग्जाम्ट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था 750 तक एग्जम कर सकते थे बट हमें 660 की जरूरत थी बस तो 660 हम पूरा एग्जाम कर चुके हैं अब मुझे बताइए यहां पर इनकम टैक्स ने ओवरऑल लिमिट ओवरऑल किस किस चीज को देख के देखना है तीन चीजों को देखना है इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ठीक है सर दूसरा अप्रूव्ड सुपर इनोवेशन फंड तीसरा न्यू पेंशन स्कीम जितना भी इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अब प्लीज़ मुझे बताइए सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड की लिमिट में से ऑलरेडी हम कितनी एग्जाम्शन ले चुके हैं सर आपने आर के लिए आर के लिए सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड की एग्जाम्शन ले ली पक्का सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड की एग्जाम्शन ले ली अब कितनी एग्जाम्शन और ले सकते हैं बिकॉज इट वॉज ओवरऑल लिमिट सर अब आप नाइन्टी थाउजेंड की एग्जेम्शन और ले सकते हैं पक्का नाइन्टी थाउजेंड कैसे आया सर साढ़े सात लाख ओवरऑल लिमिट थी कम्बाइंड जिसमें से सिक्स सिक्सटी की एग्जाम्शन ऑलरेडी आप अवेल कर चुके हैं नाउ यू आर लिफ्ट विद रेस्ट नाइन थाउजेंड रुपीज ठीक है तो यहां पर तो अभी सेवन फिफ्टी वाली पूरी एग्जामेशन हमारी एग्जॉस्ट नहीं हुई सिक्स सिक्सटी तक ही यूज हो पाई अब देखते हैं इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर इनोवेशन फंड कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है डेढ़ लाख पुराना लॉ होता है तो क्या बोलते है? पूरा डेढ़ लाख एग्जाम है ठीक है क्योंकि इंडिविजुअल लिमिट थी आज क्या करेंगे तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड बट हमारे पास ओवरऑल लिमिट है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड की जिसमें से हम सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड ऑलरेडी आर पी एफ में यूज कर चुके हैं तो नाउ वी आर लेफ्ट विद लिमिट ऑफ नाइन्टी थाउजेंड क्योंकि कंबाइंड लिमिट तो हम सिर्फ नाइन्टी थाउजेंड इसमें से माइनस कर पाएंगे एंड नाउ सिक्सटी थाउजेंड विल बिकम टैक्सेबल साठ हजार ये अब टेक्बल हो जाएगा सिक्सटी थाउजेंड रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा सबको समझ में आया साठ हजार कैसे टैक्सेबल हुआ क्योंकि सर दोनों की कंबाइंड लिमिट मिलाकर दोनों की कंबाइंड लिमिट मिलाकर सात लाख पचास हजार तक की ही छूट मिलेगी उसके अगर ओवर एंड अबव एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है दैट कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी टैक्सेबल ठीक है इसको एक और तरीके से मुझे बताइए मुझे प्लीज बताइएगा यहां पर देखिए ये लिखना नहीं है सिर्फ देखिएगा आरपीएफ में और अप्रूव्ड सुपर एनोवेशन फंड में एम्प्लॉयर कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था सर आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा था वो सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज ठीक है हमने देखा इलेवन परसेंट ऑफ बेसिक और एसपीएफ सॉरी स्टैचूटरी सुपर एनोवेशन फंड में अप्रूव सुपर इनोवेशन फंड में सॉरी अप्रूव सुपर एनोवेशन में कितना कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा था वन लाख फिफ्टी थाउजेंड टोटल करिए कितना आ जाता है सर ये आ जाता है एट लाख टेन थाउजेंड यानी कि इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था दोनों का कंबाइंड मिलाकर आठ लाख दस हजार क्या हम आठ लाख दस हजार तक एग्जिमशन दे सकते हैं नहीं दे सकते है. कितनी दे सकते हैं मैक्सिमम सर साढ़े सात लाख ही दे सकते हैं तो सिक्सटी थाउजेंड इज टैक्सेबल और आप देखिए सिक्सटी थाउजेंड ही हमारा टैक्सेबल आ रहा है ठीक है आई बिलीव कि सबको समझ में आ गया ये ठीक है आप कैसे भी कर सकते हैं बट मैं चाहूँगा कि आप इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे कोई गलती भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम 12 परसेंट वाली भी लिमिट हमें कंसिडर करके चलनी है तो 12 परसेंट भी कंसिडर करने करके चलना है ओवरऑल लिमिट भी कंसिडर करके चलनी है विच इज लोअर की एग्जामेशन ले सकते थे बट हमें ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर सिक्स की जरूरत थी तो हमने सिक्स की एग्जामेशन ले ली और इधर हमारा अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में वन लाख फाइव कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा था पुराना लॉ लॉ होता तो वो कहता कि पूरा एग्जाम बट अब नया नए लॉ ने कहा कि कंबाइंड लिमिट सेवन फाइव सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड देखनी है ऑलरेडी आप सिक्स सिक्सटी की एग्जामेशन ऊपर ले चुके हैं तो नाइनटी थाउजेंड की आपकी एग्जामेशन बची है उसको आप लेना चाहें तो ले सकते हैं तो हमने कहा ठीक है भाई उतना ही दे दीजिए तो सिक्सटी थाउजेंड टेक्सीबल हो गया ठीक है क्लियर है ये बातें आज ना एक और सेक्शन जिसको मैं कह रहा था एक छोटा सा सेक्शन है आज एक और सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया है सेवनटीन टू सेवन ए सेवनटीन टू सेवन ए क्या बोलता है ठीक है मैं अभी इसको कंप्लीट कर रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को बट क्योंकि अब सेवनटीन टू सेवन ए समझाने का टाइम आ गया तो आप अच्छे से समझ पाएंगे उसको सेवनटीन टू सेवन ए ये कहता है कि जितना भी हम एग्जामेशन दे पाए ओवरऑल लिमिट साढ़े सात लाख की थी जितना भी हम एग्जामेशन दे पाए क्या एम्प्लॉयर उससे भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था तो उसको टैक्सेबल कर दीजिए तो हमें पता चला हां एम्प्लॉयर सिक्सटी थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था तो हमने उसको टैक्सेबल कर दिया ठीक है एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था सेवनटीन टू सेवन ए ये कहता है कि देखिए जहां पर ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है किसी भी फंड में वहां से आपको इंटरेस्ट भी मिलता होगा हाँ सर वहां से हमें इंटरेस्ट भी मिलता है तो जितना अमाउंट टेक्सेबल हुआ है जितना अमाउंट टैक्सेबल हुआ है हमारे केस में सिक्सटी थाउजेंड रुपीज उससे रिलेटेड जो इनकम है मेनली इनकम कौन सी होगी इंटरेस्ट की उससे रिलेटेड जो इनकम है दैट इनकम विल आल्सो भी टैक्सेबल वो इंटरेस्ट की इनकम है डिविडेंड की इनकम है किसी भी और नेचर की इनकम है जनरली वो इंटरेस्ट की इनकम होती है तो उससे रिलेटेड जितना अमाउंट आपने टैक्सेबल किया है ठीक है बिकॉज वो सेवन पॉइंट फाइव लैक से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था एम्प्लॉयर तो जितना अमाउंट एक्स्ट्रा एक्सेस आ गया जो आपने टैक्सेबल किया है उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनता है तो यहां पर इनकम टैक्स कहता है कि वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल करेंगे ठीक है वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल करेंगे कैसे करेंगे उन्होंने कहा कि हम प्रिस्क्राइब करेंगे आपको ठीक है आप टैक्सेबल टे, करेंगे ठीक है और हमने पूछा भी ठीक है सर टैक्सेबल कर देंगे अब कैसे करेंगे तो इनकम टैक्स ने कहा कि हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बट स्टिल दे हैव नॉट प्रिस्क्राइब ठीक है तो ये वाले पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी प्रिस्क्राइब नहीं है बट हमें इतना पता चल गया थ्योरी आ जाए तो आप बता दीजिएगा कि इससे रिलेटेड जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी इनकम आती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड डिविडेंड तो नहीं होती ये इंटरेस्ट ही होती है बट लॉ ने कहा कि, कि किसी भी फॉर्म में इनकम आए ठीक है इंटरेस्ट डिविडेंड अदर नेचर ऑफ इनकम तो उससे रिलेटेड इनकम को टेक्सेबल कीजिएगा जैसे हम कहेंगे आपसे एज प्रिस्क्राइब ठीक है प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है बट दिस इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल ये मैं पढ़ा देता हूं आपको एक बार देखिए न्यू सेक्शन सेवनटीन टू सेवन लिखा हुआ है एनी एनुअल एक्रीशन एक्रीशन क्या होता है इनकम जो भी आपकी हर साल की इनकम बन रही है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर इस तरह का कोई भी इनकम का आप कुछ भी नाम दे दीजिए जितना भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपकी इनकम बनती है किसके ऊपर जो आपका बैलेंस अमाउंट आया जो टैक्सेबल कर रहे हैं उसके रिलेशन में जो भी इनकम बनेगी दैट वुड भी टेक्सेबल टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ द रिकनाइज प्रोडेंट फंड एनपीएस अप्रूव सुप्रेंट फंड टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जितना इम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था जो हमने आपकी इनकम का पार्ट बनाया तो इनकम का पार्ट कितना बनाया हमने सिक्सटी थाउजेंड जो हमने आपकी इनकम का पार्ट बनाया उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है डिविडेंड है या एनी सच ने दैट विल बी ऑल्सो टेक्सेबल तो लिखा हुआ था विच इज इंक्लूडिंग टोटल इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर क्यों हमने टोटल इनकम इन्क्लूड करा सर वो एक्सेस था 7.5 लाख से तो हम इसको भी टैक्सेबल कर देंगे एंड इट विल बी कंप्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर अब ये प्रिस्क्राइब मैनर प्रिस्क्राइब नहीं हुई है इसलिए वो नहीं पढ़ पाएंगे हम तो बट इतना पता चल गया कि उससे रिलेटेड जो इनकम होगी वो भी टैक्सेबल होगी ठीक है क्लियर हो गया ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है वापस आ जाइए अपने क्वेश्चन पर मैं इसको डिलीट कर दूं। ओके। टोटल खींचे हुआ हमारे पास सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी लाख ट्वेंटी फोर लाख ट्वेल्व लाख प्लस सिक्सटी थाउजेंड हमारे पास आता है नाइन्टी सिक्स लाख थाउजेंड क्या बोलते हैं इसको ग्रॉस सैलरी दिस इज हजार ग्रॉस सैलरी इसमें से लेस कीजिएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन स्टैंडर्ड डिडक्शन ठीक है वो तो होती है पचास हजार की एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है प्लस ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अगर प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट दिया है तो दिस इज नाइन्टी सिक्स लाख टेन थाउजेंड ज आर सैलरी इनकम ये हमारी सैलरी इनकम हो जाती है ठीक है हो गया क्वेश्चन नहीं सर क्वेश्चन ने पूछा था टोटल इनकम अभी तो हमने सैलरी इनकम निकाली है सर और कोई इनकम तो नहीं दी दी गई किसी और हेड की हाउस प्रॉपर्टी वगैरह की देर इज नो सच इनकम ठीक है फिर ये इसी को हम ग्रॉस टोटल इनकम बोल देंगे ग्रॉस टोटल इनकम नाइन्टी सिक्स लाख टेन थाउजेंड ठीक है अब हम जी में से क्या माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से चैप्टर सिक्स ए की डिडक्शन 80C सी से लेकर एटी यू तक क्या यहाँ पर है कुछ हाँ सर एटी सी है पक्का ना पुरानी बातें यहाँ भी है, है। ए सी कैसे है सर हमें पता है कि अगर इम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो उसको 1.5 लाख तक की यहाँ पर डिडक्शन मिलती है एट सी में तो क्या एम्प्लॉय ने भी कॉन्ट्रीब्यूट करा हाँ सर क्वेश्चन में लिखा था देख लीजिए यहाँ पर लिखा था एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन सोमेश ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इलेवन परसेंट ऑफ आर इलेवन परसेंट टू आर पी एफ तो जितना इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था इतना ही सोमेश भी करता है तो इम्प्लॉई ईयर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था सर सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड इलेवन परसेंट था ना बेसिक सैलरी का ठीक है बेसिक सैलरी का सर वहाँ पर बेसिक सैलरी नहीं लिखा इलेवन परसेंट लिखा है बस मैं इज़्यूम कर रहा हूँ क्योंकि इंप्लॉयर भी इलेवन परसेंट ऑफ बेसिक था तो सुमेश भी इलेवन परसेंट ऑफ बेसिक ही कर रहा होगा ठीक है आपको अगर लिखना भी है तो नीचे एजमशन लिख दीजिएगा इट इज अजूड दट सुमेशल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इलेवन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी ठीक है तो ए सी में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो आर में सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड बट क्या सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड की ए सी मिल पाएगा नहीं सर लिमिटेड होता है ये क्या कहाँ तक लिमिटेड होता है सर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक बस तो ये वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक ही हम इसको डिडक्शन दे पाएंगे तो नाइन्टी फाइव लाख ,00, सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ हमारे पास पक्का ना नहीं नाइन्टी फोर लाख आएगा ना नाइन्टी फोर लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ हमारी टोटल इनकम आ जाती है सब लोगों को समझ में आ गया ठीक है नाइन्टी फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज तो मैं चाहूंगा कि आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से ठीक है आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं बुक में भी है आपके बट मैं चाहूंगा कि अभी आप खुद या तो सो खुद सॉल्व करें या फिर नोट डाउन कर लें मतलब लिख लिखना जरूरी है ठीक है चलिए जी नाइन्टी फोर पॉइंट सिक्स लाख टैक्स निकालना है क्या इसके ऊपर नहीं टैक्स नहीं निकालना टोटल इनकम ही पूछी थी टैक्स भी निकालना होता तो निकाल देते ठीक है कैसे निकालते हैं हम अपनी टोटल इनकम पर देखते हैं कि क्या कोई स्पेशल इनकम है क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन, वन, वन ए वन वन टू ए कैजल इनकम है क्या और वो सब नहीं है तो स्लैब रेट निकलता है रिमेनिंग इनकम के ऊपर तो इसके ऊपर स्लैब रेट निकालना फोर परसेंट से ऐड कर देना ठीक है मिल जाएगा सर चार्ज भी आएगा पचास लाख से ऊपर इनकम है ठीक है टैक्स निकलेगा स्लैब रेट के हिसाब से फिर सरचार्ज निकलेगा और फिर दोनों को मिलाकर सेस एड होगा सर वो बता दीजिए सर चार्ज के चैप्टर में कराऊंगा ठीक है इसी अमेंडमेंट लेक्चर में कराऊंगा आगे ठीक है हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सरचार्ज भी करेंगे लास्ट में करेंगे हम लोग सरचार्ज तो वहां पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी करा दूंगा ठीक है तो यू कैन नोट इट डाउन हेयर या फिर अपने आप ही सॉल्व करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा डन सबने कर लिया है ये तो ये थी अमेंडमेंट रिलेटेड टू योर अप्रूव्ड सुपर एनोवेशन फंड रिकगनाइज प्रूडेंट फंड या फिर न्यू पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है सेवन पॉइंट फाइव लाख तक ही आप एग्जामिशन ले सकते हैं उससे ओवर एंड अबाउट टैक्सेबल हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है दैट विल ऑल्सो बिकम टेक्सेबल नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है आप अपनी बुक में अगर आप देखेंगे पेज नंबर थर्टीन पर वेलुएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या स्वेट इक्वटी शेयर्स याद आता है आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं हाँ सर हम लोगों को पता है कि uh, स्वेट इक्विटी शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स शेयर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स की तरह ही होते हैं बट हम अपने इंप्लॉइज को दे सकते हैं या फिर अपने डायरेक्टर्स को दे सकते हैं इधर फ्री ऑफ कॉस्ट या तो फ्री में देते हैं या फिर कंसेशनल अमाउंट में देते हैं उनको और दैट बिकम्स देयर परक्यूसेट वो उनका परक्यूसेट बन जाता है और टैक्सेबल ठीक है जैसे ही वो हम अलॉट कर देंगे आपको शेयर्स इट विल बिकम टैक्सेबल मैं एक एग्जांपल दूँ आपको ठीक है पहले पुरानी बातें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं देन आई कम टू द अमेंडमेंट की अमेंडमेंट क्या ये छोटी सी अमेंडमेंट है कुछ कंपनीज के लिए आई है सभी के लिए नहीं आई है अभी पहले के प्रोविजन ही फॉलो होंगे बट कुछ कंपनीज के लिए हम थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव मेथड आया है एक ठीक है क्या है वो अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ बट फर्स्ट अगले पांच दस मिनट में पहले पुरानी बातों का रिकॉप करेंगे ये कौन है ये कोई एम्प्लॉ में ले लेता हूं दैट ही इज एन एम्प्लॉय क्या नाम रखें इनका नाम है आ, अमित ठीक है ओके अमित इज एन एम्प्लॉय एंड ही इज वर्किंग विद कौन सी कंपनी के साथ काम करते हैं लेट से ही इज वर्किंग विद एच डी एफ सी ठीक है ये एच डी एफ सी बैंक में काम करते हैं से ओके तो ही पचास हजार इनकी सैलरी इनकम है, है और इनका एम्प्लॉयर एच डी एफ सी बैंक कहते हैं कि हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर भी दे देते हैं ठीक है तो वी अंडरस्टैंड स्वेट इक्विटी शेयर इज अ पर आपको अगर फ्री में मिल जाते हैं तो भी परिक्यूजिट है या फिर अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे कहते हैं कि ठीक है आप शेयर्स ले सकते हैं और बट आपको कंसेशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा हम बोलते हैं ठीक है सर वो भी परिक्यूजिट है क्योंकि कंसेशनल पे करना पड़ेगा अगर हम स्टॉक मार्केट से जाकर एच का शेयर लेंगे तो लेट्स से इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है इसकी मार्केट वैल्यू एच का शेयर कितने का चल रहा है मेरे ख्याल से फिफ्टीन के आसपास चल रहा है फिफ्टीन सिक्सटीन पंद्रह सौ मान लेता हूं राउंड ऑफ करके ठीक है फिफ्टीन हंड्रेड पर शेयर पर शेयर ओके okay. एक शेयर ईच पंद्रह सौ रुपए का शेयर चल रहा है इसकी मार्केट वैल्यू फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज है बट अमित हमारा एम्प्लॉई है बहुत अच्छा एम्प्लॉई है हम इसको बोलते हैं कि अमित हम आपको ना टू हंड्रेड शेयर ऑफर कर रहे हैं अपनी कंपनी के ठीक है अमित खुश हो गया पंद्रह सौ रुपए का शेयर है दो सौ शेयर्स पंद्रह सौ इन टू दो सौ ठीक है तीन लाख रुपए के शेयर्स ओके okay. इनको हम ऑफर कर रहे हैं बट हम आपसे हर शेयर के लेट से फाइव हंड्रेड रुपीज लेंगे ठीक है आपको शेयर मिल जाएगा कंसेशनल अमाउंट में फ्री में नहीं दे रहे हैं कंसेशनल अमाउंट में दे रहे हैं अमित एग्री हो जाएगा अरे पंद्रह सौ रुपए की चीज़ पांच सौ रुपये में मिल रही है वो हम एग्री नहीं होगा तो अमित भी एग्री हो जाता है ठीक है सर थैंक यू वन थाउजेंड रुपीज पर शेयर का फायदा हो रहा है ठीक है तो टू हंड्रेड शेयर्स के ऊपर वन थाउजेंड रुपीज़ पर शेयर सीधे सीधा दो लाख का फायदा है तो अगर अमित आपका फ़ायदा है तो यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर भी बैठा हुआ है इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है अमित आपको फ़ायदा हुआ शेयर्स अलॉट हो गए आपको पंद्रह सौ का मार्केट वैल्यू का शेयर था पाँच सौ रुपये में अलॉट हो गया वन थाउजेंड पर शेयर का फायदा है बॉस आपको टैक्स देना पड़ेगा और इनसे टैक्स भी ले लेते हैं हम लोग जैसे इनको शेयर अलॉट होते हैं हम इनसे टैक्स भी लेंगे उस साल की इनकी पर यूज की इनकम बन जाती है ठीक है पता चल गया पुरानी बातें थी थोड़ा सा और डिटेल में चला जाऊं ओके लेट से इनकी बेसिक सैलरी थी या फिर बाकी का सैलरी चलो मैं बेसिक सैलरी ही ले लेता हूं फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ इन टू ट्वेल्व सिक्स लाख इनकी सैलरी थी चलिए डी ए बी ले लेते हैं डी भी था इनका ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ इंटू ट्वेल्व टू लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज तो आठ लाख चालीस हज़ार इनकी सैलरी इनकम थी और साथ साथ में देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मिली तो बाकी कुछ और तो नहीं मिला बट हाँ स्वेट इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हो सकते हैं या ई सॉप्स हो सकते हैं तो इनको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल गए स्वेट इक्विटी शेयर्स ओके कितना फ़ायदा हुआ इनको सर 200 शेयर्स मिले हैं कैसे निकालते हैं हम लोग इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ठीक है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड जितना आपने अमाउंट पे किया अगर पे नहीं किया तो अमाउंट पेड जीरो हो जाता है पे किया तो माइनस कर देंगे बिल्कुल लॉजिकल है जितना आपको फ़ायदा हुआ पंद्रह सौ रुपये का शेयर था अमाउंट पे हुआ पाँच सौ रुपये वन थाउजेंड रुपीज़ पर शेयर का फ़ायदा इंटू टू हंड्रेड पर आपकी टू लाख रुपीज़ की इनकम यहां पर सीधी सीधी आ गई है दैट इज योर ये आपकी परक्यूजेट बन जाती है और हम इसको इनकम मान लेते हैं जैसे आपको ये बात पुरानी बातें अभी अमेंडमेंट अभी मैंने शुरू नहीं की है ये हम इसको टैक्सेबल करते हैं ये हमारी टैक्सेबल इनकम का पार्ट होते हैं व्हेन सच शेयर्स या सिक्योरिटीज आर अलॉटेड जब ये शेयर्स अलॉट होते हैं उस समय ये हमारी इनकम बन जाती है उस समय हमारी परिक्यूज इनकम बन जाती है ठीक है और कैसे निकालते हैं इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी किस दिन जिस दिन आपको ये अलॉट हुए अच्छा यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं ठीक है गलती कर सकते हैं आप जब आप कैलकुलेशन करोगे ठीक है जब आप क्यूजिट की कैलकुलेशन करते हो तो हम कहते हैं कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है माइनस जितना आपने अमाउंट पे किया है उसको माइनस कर दीजिए ठीक है कंसेशनल मिले हैं तो आपने अमाउंट पे किया होगा ठीक है फ्री में मिले तो अमाउंट पे जीरो हो जाएगा मेरा आपसे बस छोटा सा क्वेश्चन है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं परक्यूजिट की तो फेयर मार्केट वैल्यू कौन से दिन की लेते हैं मैं ऑप्शन दूं आपको ऑप्शन वन जिस दिन आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि मैं ये शेयर्स लेना चाहता हूं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन टू ये ऑप्शन ऑफर हुआ था उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ऑफर समझते हैं मान लेते हैं कंपनी ने आपको बोला था फर्स्ट नवंबर को कि आप ये शेयर्स ले सकते हैं आपने कहा सर सोच के बताऊंगा और आपने पंद्रह नवंबर को बताया ये बात तो पंद्रह नवंबर क्या हुआ जिस दिन आप एक्सरसाइज करने लगे हैं सेकेंड ऑप्शन क्या था जिस दिन आपको ऑफर मिला जैसे फर्स्ट नवंबर को आपको ऑफर मिला कंपनी की तरफ से आपको टाइम टाइम आपने आपने लिया और फिर एक्सरसाइज कर लिया या फिर जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं क्या उसी दिन आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं थोड़ा टाइम लग सकता है तो इट कुड टेक सम टाइम तो मेरे पास ऑप्शन थ्री है चलिए एम हो गया ये कि द डेट ऑन विच द शेयर्स आर

इन द ईयर वेन दे आर अलॉटेड जब आपको कंपनी ने अलॉट किए ये शेयर्स यानी कि जिस साल आपको कुछ मिल रहा है कैश में मिल रहा है या काइंड में मिल रहा है काइंड में मिल रहा है शेयर्स मिल रहे हैं तो जिस साल आपको ये मिल रहा है उस साल आपकी इनकम बनाई जाएगी और बिल्कुल लॉजिकल है मुझे प्लीज़ बताइए इनकम टैक्स ऑफिसर आपके पास आएगा वो कहेगा कि आपको स्वेट इक्वटी शेयर्स की वजह से हम आपको टैक्सेबल कर रहे हैं और आप बोलेंगे सर अभी तो मुझे कंपनी ने अलॉट भी नहीं किए मैं किस बात का टैक्स दूँ समझ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको आपकी इनकम उस साल बनाते हैं व्हेन द आर टू यू जिस साल आपको शेयर्स मिल रहे हैं ये बात क्लियर हो गई यानी कि ये हमारा परक्यूज बनेगा इन द ईयर व्हेन सच सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू अस याद रहेगा ये बात मैंने यहां पर लिख दिया है टेक्सेबल इनकम का पार्ट कब बनेगा वेन सच शेयर आर अलॉटेड टू एस टू द एम्प्लॉ मेरा दूसरा क्वेश्चन है अभी हमें पता चल गया कि इस साल अलॉट हुए अभी हमारी इनकम का पार्ट बनेंगे कितना पार्ट बनेंगे वो परक्यूजेड वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करते हैं तो हम लोग सीधे सीधे पढ़ लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूं ये किस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू मैंने तीन ऑप्शन दिए हैं आपको जिस दिन आपको ऑफर हुआ ऑप्शन टू मैंने नीचे लिख दिया बट यहां से शुरू करता हूं क्योंकि पहले आपको ऑफर किया गया होगा बाय द कंपनी बाय योर एम्प्लॉयर जिस दिन आपको ऑफर किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कुछ और होगी जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कुछ और होगी जिस दिन आपको अलॉट किए गए उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कुछ और होगी ठीक है अच्छा मुझे ना ये वैसे ना इसको ऑप्शन वन में कर देता हूँ थोड़ा सा सीक्वेंस uh, वाइज चलता हूं कि पहले कौन सा इवेंट हुआ होगा ठीक है ये ऑप्शन वन हो गया ये ऑप्शन टू हो गया ठीक है कुछ नहीं किया बस मैंने सीक्वेंस कर दिया है तो सब सबसे पहले जिस दिन आपको कंपनी ने बोला कि बॉस क्या आपको ये शेयर चाहिए क्योंकि फ्री में तो नहीं दे रही कितने पैसे ले रही है आपसे पाँच सौ रुपये ठीक है तो जिस दिन आपने ऑफर किया जिस दिन उसने उन्होंने ऑफर किया कि आप उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे कैलकुलेशन करते हुए जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे जिस दिन आपको अलॉट हुए हैं क्या उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे तो लॉ ये कहता है वेन यू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन क्योंकि जिस दिन आप एक्सरसाइज करते होंगे आप देखते होंगे आप कंपेयर करते होंगे यार मुझसे कंपनी पांच सौ रुपये ले रही है मैं आज देखना चाहता हूं कि आज ये कंपनी का शेयर कितने का चल रहा है ठीक है तो अगर for, for example, let's say, वो फॉर एग्जाम्पल लेट से वो शेयर का प्राइस बहुत नीचे आ गया लेट से मैं अगर ये बोल दू ये एच बैंक नहीं होता ये येस yes बैंक होता ठीक है तो किसी टाइम पे येस बैंक का शेयर साढ़े छह सौ सात सौ रुपए का चल रहा था अब कितने का शेयर चल रहा है Uh, ख़्याल से 15 के के आसपास चल चल रहा है 15, के रेंज में चल रहा है 15 का, 600 का आज कितने है शेयर तो, रेंज में का खरीद लो और आज अगर आपको एक्सरसाइज करना होता तो आप करेंगे क्या नहीं करेंगे सोलह रुपए का आप एक्सरसाइज जिस दिन करते हैं उस दिन आप देखते हैं कि इसका मार्केट प्राइस क्या है शेयर का और कंपनी मुझसे कितना पैसे पे करने के लिए बोल रही है तो अगर आपसे आप उसका मार्केट प्राइस अच्छा खासा वैल्यू का चल रहा है तभी आप एक्सरसाइज करते हैं अदरवाइज़ आप बोल देते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहता येस बैंक का शेयर कौन खरीदेगा अभी ठीक है पाँच सौ रुपये दे के जब वो मार्केट में फिफ्टीन रुपीज़ पर आके गिरा हुआ है ओके कमिंग बैक हम लोग फेयर मार्केट जब हम परक्यूजिट की कैलकुलेशन करते हैं तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं ऑन द डेट वेन यू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन ठीक है मैं इस पर इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है एम सी क्यू इस पर बिल्कुल बन सकता है और स्टूडेंट्स तो कुछ स्टूडेंट्स तो बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड अरे अगर ऑप्शन ऐसे आ गए तो फिर कौन से दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे आप कैलकुलेशन करते समय तो वाइल कैलकुलेटिंग यू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन जब ये आपने एक्सरसाइज किया उस दिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी और दूसरी चीज इसको हम अपने परक्यूजिट का पार्ट कब बनाते हैं कब हम इसको टोटल इनकम में ऐड करते हैं जिस साल ये हमें अलॉट होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्सरसाइज आपको हुए प्रीवियस ईयर 1920 में आपने एक्सरसाइज किए मान लेते आपने मार्च में एंड में कहीं पर एक्सरसाइज की है। अलोट किए कंपनी ने एक महीने के बाद लेट से अप्रैल में ट्वेंटी मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में अलोट हुए एक्सरसाइज कर लिए थे आपने इस साल अलोट हुए हैं प्रीवियस ईयर 2021 में मुझे प्लीज बताइए कौन सी ईयर की इनकम होगी प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम होगी व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड इस साल की इनकम बनाएंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एक्सरसाइज वाले दिन का माइनस अमाउंट फेयर ठीक है ये क्या अमेंडमेंट थी नहीं ये कोई अमेंडमेंट नहीं थी है, आपके पुराने कंसेप्ट को मैं ब्रशअप करा रहा था ओके कुल मिलाकर हमें इतनी बात समझ में आती है कि ये स्वेटिकुडी शेयर्स हों स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हो ई सॉप्स हो, हो ये हमारी इनकम बन जाती है जैसे ही ये शेयर्स आपको अलॉट होते हैं और साथ साथ में हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है तो हमें कितने के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा सिक्स लाख बेसिक सैलरी डी एन एस अलाउंस टू पॉइंट फोर लाख इक्विटी शेयर टू लाख टोटल कर लीजिएगा मेरे ख्याल से टेन लाख फोर्टी थाउजेंड आ रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिएगा बाकी uh, कोई और इनकम आ रही है वो सब ऐड कीजिएगा और आप टैक्स पे करना पड़ेगा आपको यानी कि अब देखिए अमेंडमेंट सुन लीजिए ठीक है अब अब तक क्या होता था जैसे ही हमें शेयर्स मिलते थे हमें टैक्स पे करना पड़ता था इसके ऊपर उस साल हमें टैक्स पे करना पड़ता था ठीक है अब प्लीज मुझे बताइए आपको शेयर्स मिले ये पैसे मिले तो शेयर मिले काइंड बट इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोलेगा मिला ना कुछ कुछ शेयर्स तो मिले ना आप अपना टैक्स पे कीजिए तो हमें पे करना पड़ता था बिकॉज हमें काइंड बेनिफिट हो रहा है बट यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आया है कुछ इंप्लॉयज को यहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो, हो रही है अगर हम उनके ऊपर ऐसा लॉ लगाते हैं तो ये कौन से इंप्लॉयज हैं ये कुछ इंप्लॉयज ऐसे हैं ये कुछ एम्प्लॉज ऐसे हैं जो ज्वाइन करते हैं एक एलिजिबल स्टार्टअप एक एलिजिबल स्टार्टअप्स ज्वाइन करते हैं ये एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है आप लोग पढ़ते हैं ए सी से लेकर एटीयू जब हम डिडक्शंस के चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन आता है एटीसी से ए के बीच में सेक्शन 80IAC आई ए सी ये सेक्शन आता है आपके लिए 80IAC आई ए सी इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं सर इसमें पढ़ते हैं कि कुछ स्टार्टअप्स होती हैं उन लोगों को डिडक्शन मिलती है तीन साल के लिए ठीक है पाँच साल में से वो तीन साल तक अपनी डिडक्शन जितने भी प्रॉफिट आते हैं वो तीन साल में अपनी आउट ऑफ फाइव थ्री कंजर्वेटिव ईयर्स में वो डिडक्शन्स ले सकते हैं तो वहाँ पर सेक्शन एट्टी आई ए सी में उस स्टार्टअप के, के बारे में ही ये भी अमेंडमेंट आई है ठीक है तो यहाँ पर मुझे एटी आई ए सी डिस्कस नहीं करना है बट मुझे आपको बताना था जो एटी आई ए सी में जो चैप्टर सिक्स ए में आप पढ़ते हैं ये सेक्शन एट टी आई ए सी वहाँ पर लिखा होता है एलिजिबल स्टार्टअप एलिजिबल स्टार्टअप्स स्टार्ट का मैं आपको रिकॉप करा देता हूँ वहाँ पर लिखा होता है कि आप कोई एलिजिबल स्टार्टअप हैं ठीक है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है आप प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करते हैं या प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करते हैं और आपका एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो वेल्थ क्रिएट करेगा इकोनॉमी में या इम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा मतलब एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल होता है तो इसको हम कहते हैं एलिजिबल स्टार्टअप्स तो एलिजिबल स्टार्टअप ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ऐसे एलिजिबल स्टार्टअप बने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें ठीक है या फिर वेल्थ uh, जनरेशन करें इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी को फायदा होता है तो इन लोगों के लिए ए सी बना हुआ है कि आप लोगों को आप शुरू के पांच साल में से किसी भी तीन साल में आपके प्रॉफिट्स को हम डिडक्शन मिल जाएगी पूरी पूरी ATIAC में तो उसी एलिजिबल स्टार्टअप के के लिए ये अमेंडमेंट आई है क्यों क्योंकि जो एलिजिबल स्टार्टअप्स होती हैं शुरू शुरू में देखिए मान लेते हैं कि आप अपना एक स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं अपना एक स्टार्टअप स्टार्टअप क्या होता है इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी ठीक है बहुत छोटी सी कंपनी है आपके पास अच्छे आइडियाज़ तो हैं आपका जो बिज़नेस मॉडल है शायद वो अच्छा चलेगा ठीक है शायद वो अच्छा चलेगा बट अभी यू आर नॉट अ वेरी बिग कंपनी यू आर नॉट अ मिड कैप यू आर नॉट अ लार्ज कैप यू आर जस्ट अ स्मॉल कैप कंपनी इवन बहुत कम आपकी कैपिटल है तो उस समय आपको अगर अपना बिजनेस भी अच्छा करना है ठीक है आपका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए उसके लिए इम्प्लॉयज़ भी अच्छे चाहिए बट इमेजिन कीजिए ऐसे स्टार्टअप्स को प्रैक्टिकली डिफिकल्टी आती होगी क्योंकि अभी इनके पास अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी देने की कैपेसिटी नहीं है बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू बिजनेस स्टार्टअप ठीक है हाँ हो सकता है कोई कुछ टाइम के बाद प्रोबेबिलिटी है ठीक है प्रोबेबिलिटी है कि कुछ साल के बाद आ, आगे आने वाले चार पाँच दस साल में आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा बट अभी तो डिफिकल्टी है ना हमें अपने एक्सपेंसेस मीट आउट करने में और अगर हमने आ, कुछ हाई ब्रेंस को ठीक है हाई ब्रेंस का मतलब होता है कि आ, कुछ आ, अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉइज़ को अगर हम रिक्रूट करना चाहते हैं तो हम रिक्रूट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो लोग अच्छे एम्प्लॉयज ठीक है वो अच्छी जगह से पास आउट हैं ठीक है वो लोग अच्छी जगह से पास आउट हैं और वो सैलरी वगैरह अच्छी डिमांड करेंगे बट हम उनको सैलरी इस समय नहीं दे पाएंगे तो स्टार्टअप्स को बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको अच्छे एम्प्लॉइज भी चाहिए और कम सैलरी में भी चाहिए तो कम सैलरी में तो कोई आएगा नहीं तो ये अपने इम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन दे देते हैं कि एम्प्लॉयज एक काम करिए हम आपको अभी सैलरी ज़्यादा नहीं दे पाएंगे ठीक है हम कम सैलरी दे रहे हैं बट हम आप अप, अपनी कंपनी के शेयर्स आपको ऑफर कर रहे हैं ठीक है हम अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर कर रहे हैं और देखिए जब ये कंपनी ग्रो होगी तो आपके शेयर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो होंगे और आप हमारे Uh, उसमें ओनरशिप भी आएगी आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलेगा डिविडेंड वगैरह मिलेगा आपको ठीक है और आपके शेयर का पे भी प्राइस बढ़ेगा तो फिर ऐसे इंप्लॉयज इनकी uh, अगर उनको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ऑफर ठीक है तो वो ऐसे इम्प्लॉयज uh, ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं ठीक है बट इनको इनकी इन लोगों की इंप्लॉयज की सैलरी तो कम है बट इनको शेयर जो मिलते हैं वो अच्छे खासे अमाउंट के मिल जाते हैं यानी कि मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ लेट्स से देर इज एन एम्प्लॉय Let's see, ये इम्प्लॉय इनका नाम है सुमित ठीक है ये आई आई टी ग्रेजुएट है इनको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती थी बट ये स्टार्टअप ज्वाइन कर लेते हैं ये ठीक है इनकी सैलरी है फॉर एग्जाम्पल इनकी ये सैलरी जो डिमांड करते थे नॉर्मली वैसे चालीस पचास लाख 40 या 50 लाख का पैकेज ये डिमांड कर रहे थे पूरे साल का बट इनको स्टार्टअप कहते हैं कि हम आपको इतनी अभी सैलरी नहीं दे पाएंगे ठीक है हम आपको कितनी सैलरी देंगे सर हम आपको तो सिर्फ अभी 10 लाख या 20 लाख की सैलरी चलो 20 लाख मान लेता हूँ हम आपको सिर्फ अभी बीस लाख की सैलरी दे सकते हैं सर बट हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स भी दे रहे हैं कुछ सिक्योरिटीज भी दे रहे हैं और ये शेयर्स अच्छे खासे प्राइस के हैं फॉर एग्जाम्पल ये शेयर का प्राइस पच्चीस लाख के आसपास है ठीक है अब प्लीज मुझे बताइए जैसे ही इनको शेयर्स अलॉट होंगे सुमित को जैसे ही अब टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अब जब जैसे ही सुमित को शेयर्स अलॉट होंगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोल लेगा सुमित आपकी सैलरी इनकम का पार्ट बन जाएगा बिकॉज द शेयर्स आर अलॉटेड टू यू ये आपकी सैलरी इनकम का पार्ट बनेगा और आपकी टोटल सैलरी इनकम होती है फोर्टी फाइव लाख और फोर्टी फाइव लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अब प्लीज इमेजिन कीजिए ऐसे इम्प्लॉयिज़ सुमित जैसे इंप्लॉयिज जो एक एलिजिबल स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं इनकी सैलरी इनकम जो आई ठीक है जो कैश कंपोनेंट आया वो सिर्फ बीस लाख आया ठीक है बीस लाख के ऊपर अगर टैक्स देना पड़ जाए तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ट्वेंटी लाख रुपीज़ इनके पास आया बट ये जो शेयर्स इनके पास आए इसका भी अगर टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर अभी मांगने लगेगा तो एक बहुत ज़्यादा टैक्स बन जाएगा देखो 45 लाख पर तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टैक्स बन जाएगा और अभी सुमित के पास इतने पैसे भी नहीं है ठीक है मान लेते मैं इसको थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ मान लेते इनकी सैलरी मैं कर लेता हूँ टेन लाख रुपीज ठीक है इसको मैं दस लाख कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ठीक है थर्टी फाइव लाख हो गया ये यह। तो यहाँ पर इनके पास प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आप लोग खुद समझिए कि अगर आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं और इस आ, कंडीशन में ज्वाइन कर लेते हैं कि आपको सैलरी के साथ साथ अब आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स भी मिलेंगे और स्वेट इक्विटी शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है और आपकी सैलरी इतनी है नहीं बट इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोलेगा सर जैसे ही आपको ये शेयर्स अलॉट होते हैं हम आपसे टैक्स ले लेंगे ये आपके इनकम का पार्ट होता है और हम आपसे टैक्स ले लेंगे बट यहाँ पर प्रैक्टिकली डिफिकल्टी आ जाएगी ऐसे एम्प्लॉयज़ को ऐसे एम्प्लॉयज को यहाँ पर डिफिकल्टी आ रही थी इसीलिए लॉ में थोड़ा सा चेंज करना पड़ा ठीक kind of kind of है ओनली फॉर सच काइंड ऑफ इम्प्लॉयज़ ओनली फॉर सच काइंड ऑफ इंप्लॉयिज़ जो एलिजिबल स्टार्टअप के इंप्लॉयज़ हैं जो एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉयज हैं इन लोगों के लिए चेंज करना पड़ा क्योंकि स्टार्टअप को अच्छे एम्प्लॉयज भी चाहिए थे तो उनको कुछ ना कुछ अपने इंप्लॉयज़ को देना था अभी वो सैलरी नहीं दे सकते इतनी ज़्यादा तो उन्होंने शेयर्स दे दिए तो इम्प्लॉय ने कहा ठीक है मैं एग्री कर रहा हूँ इसमें क्योंकि इंप्लॉय को भी समझ में आ रहा था कि ये कंपनी बहुत अच्छी चलने वाली है और मैं भी इसमें मन लगा के काम करूंगा ये अच्छी कंपनी चलेगी बट प्रॉब्लम आ रही है टैक्स देने की क्योंकि आपकी इनकम बन जाएगी ट्वेंटी फाइव लाख वेन द शेयर्स आर अलॉटेड बट आपको थर्टी फाइव लाख पर टैक्स देना पड़ेगा बट एम्प्लॉई के पास कैश अभी दस लाख ही है थर्टी फाइव लाख के ऊपर जितना टैक्स दे देगा ठीक है वो भी अच्छा खासा टैक्स बनेगा इतने पैसे वो फिर कहाँ से लाएगा अगर चलिए मान लेते हैं इतना टैक्स के पैसे दे भी दिए तो घर पर क्या देगा ठीक है उसकी फैमिली क्या खाएगी इस साल यहां पर बस एक छोटा सा चेंज आया कि एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉय के लिए ये जो परक्यूजिट आया है ये जो परक्यूजिट वैल्यू आई है स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के ऊपर ई सॉप्स के ऊपर ये आपकी इनकम तो इसी साल की है किस साल की इनकम है जिस साल आपको शेयर्स अलॉट हुए आपकी इस साल की इनकम तो है बट इसका टैक्स हम अभी नहीं लेंगे इसका टैक्स हम अभी नहीं लेंगे ठीक है सब लोग समझ गए हैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दिस अमेंडमेंट इज ओनली फॉर इंप्लॉयज हु आर वर्किंग विद एलिजिबल स्टार्टअप एलिजिबल स्टार्टअप एज डिफाइंड इन ए आई ए सी तो अगर आप ऐसी स्टार्टअप एम्प्लॉय हैं और आपको वो एलिजिबल स्टार्टअप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वगैरह अलॉट करता है नो no डाउट वो आपकी इनकम बनेगी बट उससे रिलेटेड टैक्स जो इस पर रिलेटेड टैक्स है वो हम टैक्स अभी आपसे नहीं लेंगे कुछ समय के, के लिए हम इसको डिले कर रहे हैं कुछ समय के लिए हम इसको डिले कर रहे हैं ठीक है आई एम अगेन रिपीटिंग ये एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए अमेंडमेंट है बाकी लोगों के लिए नहीं है एच डी एफ सी बैंक के एम्प्लॉज या कोई दूसरा भी एग्जाम्पल आप ले लें मारुति या कोई भी कंपनी ले लें उनके लिए कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं है उनका टैक्स भी सर बाद में लिया जाएगा नहीं उनका टैक्स तो अभी ले लिया जाएगा बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबल स्टार्टअप इन लोगों के लिए ये अमेंडमेंट आई है ठीक है सब लोग समझ के सॉरी <coughs> तो अब क्या होगा तो लेट्स से देर एन ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप लेट्स से प्रीवियस ईयर चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो हम इनकी इनकम जैसे हम निकालते थे वैसे निकालेंगे इनको बेसिक सैलरी मिलती है इनको डीए मिलता है इनको कोई और अलाउंस मिलता है ठीक है और साथ साथ में इनको वो परक्यूजिट मिलता है कौन सा स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला तो क्या करेंगे इनकम बना दीजिए इनकम जैसे करते थे वैसे ही कीजिएगा इनकम बना दीजिए कि इनकी ग्रॉस सैलरी आएगी ग्रॉस सैलरी ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन दे दीजिए सेक्शन सिक्सटीन की और ये आपकी सैलरी इनकम आ जाएगी ठीक है सैलरी इनकम ले आइए किसी और हेड की इनकम है तो वो भी ले आइए जैसे हम टैक्स निकालते थे बिल्कुल सेम चलेगा सब कुछ सेम चलता रहेगा फिर चैप्टर सिक्स की डिडक्शन देनी है वो दे दीजिए टोटल इनकम आ जाएगी टोटल इनकम आ जाएगी अब इनके लिए टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकाल दीजिए इस टोटल इनकम के ऊपर आप टैक्स निकाल दीजिए ठीक है जो भी सर चार्ज वगैरह जो भी एप्लीकेबल हो रहा है सब कुछ लगा दीजिए बस इनसे क्या करना है जो ये टैक्स आ रहा है इस समय जो टैक्स आ रहा है अभी तक हमने क्या करा है कुछ भी चेंज नहीं करा है, जैसे होता था सबके लिए एलिजिबल स्टार्टअप्स के एम्प्लॉइज के लिए भी सेम करना है ठीक है बट इस टैक्स में से ये जो टैक्स इनका आया है इस टैक्स में से हम ये देखते हैं कि परक्यूजिट से रिलेटेड टैक्स कितना था इस परक्यूजिट से रिलेटेड टैक्स कितना था कौन सा सारे परक्यूजिट नहीं ओनली ई सॉप्स वाले स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वाले स्वेट इक्विटी स्वेटिकेयर्स वाले परक्यूजिट तो इससे रिलेटेड परक्यूजिट का टैक्स कितना था वो टैक्स इसमें से माइनस कर दीजिए और बाकी का रिमेनिंग टैक्स आप पे कर दीजिए ठीक है और जो टैक्स आपने माइनस किया है इन रिस्पेक्ट टू दिस वो क्या इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं लेंगे आपसे लेंगे बट अभी नहीं वो कुछ टाइम के बाद हम डिले कर देंगे ठीक है सबको समझ में आ गया एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अमेंडमेंट क्या है अभी तो नॉर्मल चलिए सबसे पहले अगर ये एलिजिबल स्टार्टअप के भी एस हैं सी है इंप्लॉई है तो सब कुछ निकाल दीजिए बेसिक सैलरी डीए जो भी टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस है जो भी है सब कुछ आप ऐसे ही करेंगे जैसे नॉर्मली सबके लिए करते हैं इनकम निकाल दीजिए टैक्स भी निकाल दीजिए बस इस टैक्स में से ये देखिए कि इससे रिलेटेड टैक्स कितना है उसको माइनस कर दीजिएगा और वो टैक्स हम बाद में लेंगे ठीक है क्लियर हो गई इतनी बातें मैं आपको समझाता हूं एक और इलस्ट्रेशन से आप अगर अपनी बुक में आएंगे ठीक है नोट्स में आइए अपने पेज नंबर थर्टीन पर मिस्टर विवान एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड कौन है एक एलिजिबल स्टार्टअप है एंड विवान की सैलरी कित, कितनी कितनी मिलती है सैलरी इनकम मिली है फोर लाख पर मंथ इन नवंबर नाइनटीन कंपनी ग्रांटेड ऑप्शन टू विवान टू टेक टेन थाउजेंड शेयर एट ऑफ फिफ्टीन ईच तो हम इनसे क्या बोला है कंपनी ने November 19 में इनको ऑप्शन दिया गया कि आप दस हजार शेयर खरीद सकते हैं पंद्रह के हिसाब से ठीक है। ही फिफ्टीन फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी का मतलब होता है कौन से प्रीवियस ईयर में एक्सरसाइज किया प्रीवियस ईयर फिफ्टीन फेब्री ट्वेंटी 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 में आएगा ना क्योंकि 1920 एंड होता है 31 March, 20 को उससे पहले पहले इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया क्या हम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है क्या हम इस साल इनकी इनकम बनाते हैं या जिस साल ये शेयर्स अलॉट होते हैं जिस साल ये शेयर्स अलॉट होते हैं उस साल इनकी इनकम बनाते हैं तो फिर हमें ये डेट किसी काम की नहीं है क्या हाँ सर अगर हम जब पर कैलकुलेट करते हैं तो हम इस दिन का जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं इस साल आपकी इनकम तो नहीं बनेगी ठीक है फिफ्टीन फरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम तो नहीं बनेगी बट वाइल कैलकुलेटिंग योर परक्यू हम वन ट्वेंटी रुपीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे वन ट्वेंटी रुपीज़ हमारे काम का है ये डेट इस साल हम टैक्सेबल नहीं करेंगे टैक्सेबल करेंगे व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड अलॉट कब हुए फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी को यहाँ पर शेयर्स अलॉट किए गए हैं फिफ्थ अप्रैल 2020 को दैट इज प्रीवियस ईयर 2021 में इस साल ये आपकी इनकम का पार्ट बनता है जिस साल ये अलॉट होते हैं और जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो प्लीज बताइए अलॉटमेंट वाला फेयर मार्केट वैल्यू या एक्सरसाइज डेट का एक्सरसाइज डेट का वन ट्वेंटी तो कितना परक्यूजिट बनेगा वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन यानी कि वन जीरो रुपीज का बनेगा पर शेयर कितने शेयर हैं दस हजार शेयर दस हजार शेयर इंटू वन जीरो फाइव यह आ जाएगा दस लाख पचास हजार दस लाख पचास हजार का परक्यूजिट बना देना आप कौन से ईयर में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अलॉटमेंट वाले ईयर में ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ठीक है सबको समझ में आया नवंबर नाइनटीन में ऑप्शन दिया जिस दिन ऑप्शन दिया उस दिन तो कुछ नहीं करना जिस दिन एक्सरसाइज किया अभी भी टैक्सेबल नहीं करना है बट हाँ जब कभी भी टैक्सेबल करेंगे तो इसी दिन का फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा अलॉट हुए फाइनली फिफ्थ अप्रैल को तो 2021 में ये हम इनकम बनाएंगे बट इनकम बना देंगे सब कुछ टैक्स वगैरह निकाल देंगे बट इससे रिलेटेड टैक्स जो है यानी कि दस लाख पचास हज़ार से रिलेटेड जो टैक्स है दस लाख पचास हज़ार कैसे आया सर वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन हर शेयर पर एक सौ पाँच रुपये का फ़ायदा दस हज़ार शेयर पर दस लाख पचास हज़ार का फ़ायदा ये परिक्यूजिट आपकी इनकम तो बना देंगे टैक्स भी निकाल देंगे बट लास्ट में जब आपका फाइनल टैक्स आएगा उसमें से हम दस लाख पचास हजार से रिलेटेड जो भी टैक्स होगा वो हम डिले करेंगे वो हम लेट लेंगे आपसे कब लेंगे पता है हम आपसे लेंगे इन्होंने तीन डेट्स बोली कम से कम हम आपको चार साल का समय देते हैं यानी कि चार साल बोला गया फोर्टी एट मंथस मतलब चार साल हम चार साल के बाद लेंगे फोर्टी एट मंथ कहां से देखने हैं जिस ईयर भी आपकी इनकम बनी है ठीक है वो कौन सा असेसमेंट ईयर था उस असेसमेंट ईयर के एंड में आ जाइए। यहां से चार साल के बाद हम आपसे टैक्स लेंगे ठीक है जिस साल भी आपकी इनकम बनी है जिस प्रीवियस ईयर में इनकम बनी है वो रिलेटेड असेसमेंट ईयर कौन सा था उसके एंड में आ जाइए उसके चार साल बाद हम आपसे टैक्स लेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम कब बनी हमारी इनकम बनती है प्रीवियस ईयर 2021 में ठीक है 2021 में हमारी इनकम बनी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है हमारा असेसमेंट ईयर है 2122। सब लोग समझ गए दिस इज कॉल्ड इस प्रीवियस ईयर का रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इज इस ट्वेंटी इसके एंड में आ जाइए ठीक है तो प्री असेसमेंट ये 21 22 की लास्ट डेट क्या है एंड क्या हो रहा है 31 मार्च 2022 ये इसका एंड डेट है इस डेट से चार साल इस डेट से 48 मंथ्स को ऐड कर लीजिएगा ठीक है तो इस डेट से अगर चार साल हम ऐड करेंगे तो आएगा 31 मार्च 2026 तो यहां तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे इसके बाद इसके जस्ट बाद आपसे टैक्स ले लेंगे ठीक है तो इस डेट के बाद आपका जैसे ही ये पीरियड एक्सपायर होगा जैसे ही ये चार साल एक्सपायर होंगे तो नेक्स्ट ईयर आपका टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी जो हमने डिले किया था जो डेफर किया था वो अब ले लेंगे एक बार दोबारा रिपीट करूं सर कर दीजिए मैं इसको दोबारा से इरेज कर रहा हूं एक बार मैं दोबारा लिखूंगा ये बोला गया कि वैसे तो ये आपकी इनकम है उसी ईयर की वेन द शेयर्स आर अलॉटेड जैसे ही आपको शेयर्स अलॉट हुए ये आपकी इनकम बन जाएगी बट इससे रिलेटेड जो टैक्स होगा हम आपसे अभी नहीं लेंगे हम ये आपका टैक्स चार साल के बाद लेंगे अब ये चार साल कहाँ से काउंट किए गए सबसे पहले देखा गया कि ये आपको शेयर्स अलॉट कब हुए थे किस प्रीवियस ईयर में आपको ये शेयर्स अलॉट हुए थे क्योंकि ये आपकी उस साल की इनकम बनेगी तो पता चला लेट से प्रीवियस ईयर 2021 में हमें स्टार्टअप ने शेयर अलॉट कर दिए थे इसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर निकालिए रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हो जाता है 2122, ठीक है प्रीवियस ईयर 2021, मतलब असेसमेंट ईयर 2122। इसकी लास्ट डेट 2122 की लास्ट डेट क्या होती है थर्टी मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू मैं जानबूझ यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हूँ क्योंकि ये बातें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ठीक है इम्पॉर्टेंट बातें हैं थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू लास्ट डेट है यहाँ से चार साल यहाँ से फोर्टी एट मंथ्स चार साल मत लिखना फोर्टी एट मंथ्स लिखना ठीक है यहाँ से मतलब होता है चार साल ही बट लॉ ने फोर्टी एट मंथ्स लिख के तो फॉर्टी एट मंथ्स को ही बोलेंगे तो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू से फोर्टी एट मंथ्स लेने हैं आपको तो दस कम्स टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा ये ठीक है जैसे ये पीरियड इस ये डेट एक्सपायर होगी जैसे ये डेट एक्सपायर होगी तब आपकी टैक्स लाइब्रेरी बन जाएगी ठीक है अब थोड़ा समझ लीजिए कुल मिलाकर हमने आपका आप एक एम्प्लॉई हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर सुमित थे सुमित आप यहाँ पर एक एम्प्लॉई हैं आप एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉई हैं हमने आपकी बात मानी कि आपकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है जितने आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ गई है ठीक है अब ऐसा नहीं कि हमेशा वैल्यू ये ज्यादा है तभी ऐसा प्रोविजन है नहीं अब ये वैल्यू अगर थोड़ी भी कम भी आए ना तो भी प्रोविजन है क्योंकि प्रोविजन इस वैल्यू के हिसाब से नहीं आया प्रोविजन आया एलिजिबल स्टार्टअप के लिए इफ द एम्प्लॉयर इज एलिजिबल स्टार्टअप एंड यू एज एन एम्प्लॉई रिसीव शेयर फ्रॉम दैट एलिजिबल स्टार्टअप ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट तो हम आपकी इस साल इनकम तो मानेंगे जिस साल वो अलॉट हुए बट उससे रिलेटेड टैक्स को हम चार साल के बाद लेंगे ठीक है चार साल के बाद लेंगे ठीक है जैसे ही वो चार साल का पीरियड एक्सपायर होगा बट लॉ ने ये कहा अगर आपने इस चार साल से पहले पहले जो शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं उसको आपने बेच दिया ट्रांसफर कर दिया सेल कर दिया तब भी हम आपसे टैक्स ले सकते हैं यानी कि या तो चार साल तक आप शेयर्स वगैरह सब होल्ड करें अपने पास चार साल के बाद टैक्स दीजिए बट फॉर एग्जाम्पल आपने दो साल के अंदर अंदर ही अभी चार साल पूरे नहीं हुए थे बट आपने दो साल के बाद या ढाई साल के बाद आफ्टर और यू हैव सोल्ड दीज शेयर्स तो जैसे ही आपने शेयर्स बेच दिए अब मुझे प्लीज बताइए याद मत करना बिल्कुल भी अब प्लीज बताइए अगर सुमित ने ये शेयर्स बेच दिए तो सुमित के पास तो पैसे आ गए ना शेयर्स बेचकर तो सुमित के पास जब पैसे आ गए तो बॉस टैक्स भी दे दीजिए फिर तो इसके ऊपर फिर किस बात का डिले हम कराते हैं तो अगर आप इस टाइम से पहले पहले अगर आप शेयर्स को बेच देते हैं ट्रांसफर कर देते हैं किसी को भी तब हम आपसे टैक्स ले लेंगे ठीक है तो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट ठीक है अर्लीअर ऑफ द फॉलोइंग डेट बोल सकता हूं मैं जैसे जो भी पहले आएगा या तो चार साल पहले आ जाए या फिर अगर आपने सेल पहले कर दिए सेल बाद, बाद में करिए सर पाँच साल में छठे साल में किए सेल कोई बात नहीं ये वाला पीरियड पहले हमारा एक्सपायर हो गया तो इसके बाद हम ले लेंगे एक और डेट दी गई अगर आप यहां पर ये को छोड़ देते हैं यू सीज टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ एन टू बी द ऑफ दिस एलिजिबल स्टार्टअप आपने अगर ये कंपनी छोड़ दी चार साल से पहले पहले या शेयर्स बेचने से पहले आपने कंपनी छोड़ दी है। कैसे छोड़ी रिजाइन कर दिया होगा आपने ठीक है या फिर हो सकता है तब, टर्मिनेट हो गया होगा एम्प्लॉय किसी भी रीजन से किसी भी रीजन से अगर आपने अपना एम्प्लॉयमेंट यहाँ से छोड़ दिया चार साल से पहले या शेयर्स बेचने से पहले इन तीनों डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर जो भी पीरियड आ गया उस जैसे ही वो पीरियड आया हम आपसे टैक्स ले लेंगे इंपॉर्टेंट बात है ठीक है एमसीक्यू में इस पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं ठीक है क्लियर हो गया चार साल के बाद या फिर अगर आपने शेयर्स बेच दिए उसके बाद या फिर आपने ये कंपनी को छोड़ दिया विच एवर इज अर्लियर इन तीनों में से जो भी अर्लियर डेट है जैसी वो बीतेगी हम आपसे टैक्स ले लेंगे ठीक है अब वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं हाँ जी सैलरी इनकम थे विमान की फोर लाख पर मंथ की और इनको दस लाख पचास हजार के शेयर्स भी अलॉट हुए थे किस साल टैक्सेबल करेंगे किस साल टैक्सेबल इनकम का पार्ट मानेंगे सर इनकम का पार्ट तो अभी मान लेंगे प्रीवियस ईयर 2021 में बट उससे रिलेटेड टैक्स को चार साल या फिर कंपनी छोड़ने तक या फिर शेयर्स बेचने तक डिफर करेंगे डिले करेंगे तो क्या करें पहले अभी बिल्कुल नॉर्मली इनका टैक्स निकाल दीजिए नॉर्मली टैक्स निकाल दीजिए अभी कुछ ना करें नॉर्मली टैक्स निकालें बेसिक सैलरी फोर लाख पर मंथ इंटू ट्वेल्व फोर्टी एट लाख ठीक है और कुछ मिल रहा है क्या डी ए नहीं और कुछ नहीं है नॉर्मली चलिए इनकम का पार्ट बनाए रखिए इससे रिलेटेड टैक्स को बस हम थोड़ा सा डिले कर देंगे कितनी इनकम बनी सर वन ट्वेंटी रुपीज था एक्सरसाइज डेट पर इसका फेयर मार्केट वैल्यू वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन हमने पैसे दिए यानी कि एक सौ इंटू वन ट्वेंटी माइनस पंद्रह इंटू दस हजार शेयर दस लाख पचास हजार दस लाख पचास हजार हमारा पर आ गया ठीक है और तो कुछ नहीं मिल रहा है ठीक है हमारी कितनी इनकम हुई फोर्टी एट लाख प्लस टेन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो ये होगी हमारी फिफ्टी एट लाख फिफ्टी थाउजेंड हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दे ही सकते हैं पचास हजार की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिएगा पचास फिफ्टी एट लाख आपकी सैलरी इनकम बनी है ठीक है बिल्कुल नॉर्मली चला मैं तो फिफ्टी एट लाख फिफ्टी थाउजेंड ग्रॉस सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद फिफ्टी एट लाख आपकी सैलरी इनकम बनी ठीक है कोई और इनकम नहीं दी दी हुई तो मान लेते हैं यही हमारी टोटल इनकम है ठीक है जे टी आई यही है चैप्टर सिक्स से भी कुछ नहीं दिया हुआ तो यही हमारी टोटल इनकम आ गई फिफ्टी एट लाख अब क्या करें अब देखिए यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं ठीक है यहाँ से अब आप ध्यान दीजिएगा फिफ्टी एट लाख तक हमारी टोटल इनकम आ गई है अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले 58 लाख ,00 पर टैक्स निकाल दीजिए ठीक है 58 लाख ,00 पर नॉर्मली टैक्स निकाल दीजिए सर वो डिले करना है अरे डिले बाद में करेंगे पहले टैक्स तो निकाल दीजिए देखना है ना कि हमें कितना टैक्स बाद में लेना है तो पहले अभी 58 लाख ,00 पर कितना टैक्स बनता है तो आपको पता है 58 लाख ,00 पर टैक्स कैसे निकलता है इसमें पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ट्वेंटी टैक्स लगेगा इस पर स्पे। स्पेशल इनकम देखते हैं ना आप अपनी ट्रिपल वन ए है फिफ्टीन परसेंट लगेगा वन वन टू ए है टेन परसेंट लगेगा कैजुअल इनकम है थर्टी परसेंट लगेगा रिमेनिंग इनकम है तो स्लैब रेट्स लग जाएंगे तो 58 लाख यहां पर कोई स्पेशल इनकम तो थी नहीं ठीक है पूरी की पूरी सैलरी इनकम ही है ये 58 लाख पर स्लैब रेट लगा दीजिएगा ठीक है 58 लाख पर स्लैब रेट लगाएंगे कितना आता है फिफ्टी लाख पर स्लैब रेट सर ये तो हमें आता है अच्छे से 2.5 लाख तक तो टैक्स न लाएगा फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक मतलब अगले ढाई लाख पर टैक्स आएगा फाइव परसेंट कि साढ़े बारह हज़ार फिर पाँच लाख से दस लाख तक यानी कि पाँच लाख तक टैक्स आएगा ट्वेंटी परसेंट मतलब एक लाख और कितना बचा दस लाख हो गया फिफ्टी एट लाख पर था ना फोर्टी एट लाख बचे तो नेक्स्ट फोर्टी एट लाख पर जितना भी रिमेनिंग होता है थर्टी परसेंट टैक्स आ जाएगा ठीक है सबको आता है ना स्लैब रेट निकालना तो फोर्टी एट लाख पर थर्टी परसेंट टैक्स आ गया फोर्टीन लाख फोर्टी उजेंड so का टैक्स फोर्टी एट लाख पर पांच लाख पर इतना ढाई लाख पर इतना शुरू लाख पर टोटल बताइएगा टोटल आ जाता है फिफ्टीन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का टैक्स आया इसमें फोर परसेंट से, से कर दें नहीं पहले सरचार्ज ऐड करेंगे एट रेट ऑफ टेन परसेंट क्यों सर चार्ज ऐड करेंगे सर फिफ्टी लाख ,00 से ज़्यादा इनकम है फिफ्टी लाख लाख फिफ्टी लाख से ज़्यादा इनकम है टेन परसेंट सर चार्ज आता है पचास लाख ,00 से एक करोड़ के बीच में दस परसेंट सर चार्ज तो इसमें दस परसेंट ऐड करें ये हो जाता है वन लाख फिफ्टी टू थाउज फिफ्टी फाइव थाउजेंड सॉरी फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी ये ऐड करें आएगा सेवनटीन लाख सेवन थाउजेंड से आगे समझ में ठीक है ये तो मुझे लगता है आता होगा सब लोगों को टैक्स निकालना सेवनटीन लाख सेवन सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्स जीरो पक्का यही हमारा टैक्स आ रहा है अभी किसके ऊपर टैक्स आया फिफ्टी एट लाख के ऊपर टैक्स पूरे लाख ,00 के ऊपर सर वो डिफर करना था दस लाख पचास हजार पर हाँ करते हैं अभी ठीक है क्लियर हो गया सबको सेवनटीन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्स जीरो बच्चों इट्स ऑल क्लियर ठीक ऑल क्लियर तो नहीं हो गया ना ठीक है समझ में आ गया ओके सेवनटीन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्स जीरो अब क्या करेंगे सर अब हम देखेंगे कि जो हमारा 10 लाख ये जो टैक्स आया 17 लाख 76,000 वो आता है 58 लाख के ऊपर सर अब हमें देखना है कि 10 लाख 50,000 50, के ऊपर टैक्स कितना है तो सिंपल है ये टैक्स आया है 58 लाख के ऊपर तो 10 लाख 50,000 50, के ऊपर कितना है यूनिटरी मेथड से निकाल दीजिए सिंपल होता है ठीक है कैसे करते हैं सर फिफ्टी लाख के ऊपर टैक्स है सेवनटीन लाख सिक्स थाउजेंड ज़ीरो सिक्स ज़ीरो वन रुपीस के ऊपर टैक्स होगा सेवनटीन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्स जीरो डिवाइडेड बाय फिफ्टी एट लाख और दस लाख पचास हजार के ऊपर होगा इनटू दस लाख पचास हज़ार ये आ जाएगा दस लाख पचास हजार के ऊपर टैक्स ठीक है सिंपल निकाल सकते हो सब लोग जिसको हम लोग कहते भी हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स अच्छा आपने एवरेज रेट ऑफ टैक्स से भी पढ़ा होगा ना ठीक है ये लिखा मैंने एवरेज रेट ऑफ टैक्स एवरेज रेट क्या होता है ठीक है नॉर्मल रेट निकाल लीजिए कि हमारी इनकम के ऊपर कितना टैक्स तो आउट ऑफ फिफ्टी एट लाख कितना टैक्स बनाए सेवनटीन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड तो निकाल लीजिए एवरेज रेट कितना है ठीक है एक, एक एक ही बात है यूनिटरी मेथड तो लगा दें एवरेज रेट लगा दें ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है सेवनटीन लाख सेवनटी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्स जीरो किस अमाउंट के ऊपर आया फिफ्टी एट लाख के ऊपर फिफ्टी एट लाख के ऊपर ये टैक्स आया कितना रेट हुआ इन टू हंड्रेड परसेंटेज बता दीजिए जल्दी से तो ये हुआ डिवाइडेड बाय फिफ्टी एट लाख 62 देते हैं। दिस कॉल्ड एवरेज एवरेज रेट। मतलब ऑन आप कितना टैक्स तो के ऊपर थर्टी पॉइंट सिक्स टू परसेंट निकाल दीजिए वो होगा थ्री लाख ठीक है दस लाख पचास हजार के ऊपर थर्टी पॉइंट सिक्स टू परसेंट ठीक है ना यूनिटरी मेथड कर रहा हूँ मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ थ्री लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव वन ज़ीरो टैक्स आएगा बस ये टैक्स को ये जो तीन लाख इक्कीस हज़ार आ रहा है ना दस लाख पचास हज़ार का थर्टी पॉइंट सिक्स टू परसेंट ये तीन लाख इक्कीस हजार पाँच सौ दस इसको अवेंट डिफर करना है ये हम अभी नहीं लेंगे ये हम बाद में लेंगे कब लेंगे सर चार साल के बाद या फिर अगर आप शेयर्स पहले बेच देंगे तब ले लेंगे या फिर अगर आप कंपनी छोड़ देंगे तब ले लेंगे तीन लाख इक्कीस हजार का टैक्स नहीं लेना तो आउट ऑफ सेवनटीन लाख सेवेंटी सिक्स जीरो सिक्स जीरो तीन लाख इक्कीस हजार माइनस कर दीजिएगा बाकी का टैक्स फोर्टीन लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव फिफ्टी तो अभी पे कर दीजिए और थ्री ट्वेंटी वन को हमें डिफर करना है बस इतनी सी ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है ओनली एंड ओनली फॉर एम्प्लॉयज हु विद एलिजिबल स्टार्टअप अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप के साथ काम नहीं कर रहे हैं फिर तो हम आपसे सेवनटीन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड ही लेंगे ये सब नहीं होगा फिर तो ठीक है तो ये हमने सिर्फ क्यों निकाला है ये हमने डिले करा है ये हमने डिले करा है कि ये टैक्स को हम बाद में ले लेंगे सबको समझ में आ गया क्लियर है ठीक है ये सारी बातें समझ में आ गई एक बार करके आप देख लीजिए यूनिटरी युन, मेथड से करें एवरेज रेट ऑफ टैक्स से करें दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स ठीक है फिफ्टी एट लाख के ऊपर इतना टैक्स और दस लाख पचास हजार के ऊपर कितना टैक्स ठीक है अब थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं मान लेते हैं कि हमने एक दो साल के बाद शेयर्स बेच दिए तो क्या होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा देखिए उसी की कंटिन्यूशन में है एग्ज़ाम्पल ये सपोज इन एग्ज़ाम्पल नंबर एट विवान सोल्ड फाइव थाउजेंड ऑफ इज शेयर्स कितने शेयर्स मिले थे पहले टेन थाउजेंड ठीक है ना चेक कर लें एक बार हाँ जी दस हज़ार शेयर्स मिले थे इसके ऊपर रिलेटेड जो टैक्स था वो हमने डिफ़र कर दिया था कब तक डिफ़र कर दिया था फोर्टी एट मन्थ्स तक या जब तक शेयर्स ना बेचे या फिर जब तक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सीज नहीं होता है तो एम्प्लयमेंट नहीं छोड़ते तब तक हमने डिफर कर दिया था अब क्या किया इन्होंने 5000 शेयर्स बेच दिए चार साल से पहले ही यानी कि 15, 12, ट्वेंटी ट्वेंटी को अब इस साल प्लीज बताइएगा इस साल क्या एम्प्लीकेशन आएंगी सबसे पहले तो शेयर्स बेचे गए इसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा पक्का शेयर्स बेचने पर कैपिटल गेन दूसरा जो हमने टैक्स थ्री लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव वन जीरो पहले टैक्स नहीं किया था अब इसको टैक्स कर देंगे अच्छा प्लीज बताइए क्या पूरा थ्री लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव वन जीरो टेक्सेबल कर देंगे प्रोपोर्शनेट ठीक है प्रोपोर्शनेट क्यों क्योंकि ये टेन थाउजेंड शेयर्स के ऊपर टैक्स था दिस टैक्स थान थाउजेंड शेयर्स बट नाउ यू आर सेलिंग फाइव थाउजेंड शेयर्स तो अभी पांच हजार के ऊपर जो आधे शेयर्स बच गए हैं उसका भी टैक्स तो डिफर ही रखेंगे ठीक है जब तक चार साल नहीं होते या जब तक वो शेयर्स नहीं बिकते या फिर अगर ऐसे ऐसी जॉब नहीं छोड़ता है तो बट अभी फिलहाल इसका रिलेटेड प्रपोर्शनेट अमाउंट यानी कि 5000 शेयर्स का हम ये टैक्स अब ले लेंगे इस ईयर तो इस ईयर दो टैक्स इम्प्लीकेशन आएंगी एक तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा बिकॉज आपने 5000 शेयर्स बेच दिए हैं कितने के बेचे हैं वो तो आप कैपिटल गेन सिंपल निकालना जानते हो कैसे निकालते हैं हम लोग कितने का बेचा फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन टू और लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेते हैं ठीक है स्वेटिक्वटी शेयर्स की जब ये अलॉट हुए थे उस समय फेयर मार्केट वैल्यू क्या ली गई थी परक्यूजिट की परक्यूजिट की क्या वैल्यू ली गई थी वन uh, ट्वेंटी हाँ जी वन ट्वेंटी वैल्यू ली गई थी परक्यूजिट टैक्सेबल करते समय तो वन ट्वेंटी रुपीज़ आपका कॉस्ट बन जाएगी और आपने बेचे हैं इसको टू फिफ्टी का तो टू फिफ्टी माइनस वन ट्वेंटी वन थर्टी रुपीज़ का तो कैपिटल गेन आएगा कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स पर पाँच हज़ार नंबर ऑफ़ शेयर्स पर ठीक है वन थर्टी इंटू फाइव थाउजेंड शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है फिफ्टीन टवेल्थ ट्वेंटी ट्वेंटी को आपने इसको बेच दिया है ये अलॉट हुए थे फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी को ठीक है एक साल से ज़्यादा है लॉन्ग टर्म है पक्का एक साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म है अनलिस्टेड भी होते तो दो साल से ज़्यादा थे लॉन्ग टर्म होंगे ठीक है बट मेनली लिस्टेड ही मानते हैं क्योंकि अगर कंपनीज अपने इंप्लॉयज़ को जब सटिक्यूटी शेयर्स देते हैं तो जनरली इट शुड बी अ लिस्टेड कंपनी क्योंकि जब इम्प्लॉयज़ को अगर बाद में बेचना होगा तो फिर वो कहाँ पर बेचेंगे तो इट शुड बी अ लिस्टेड कंपनी तो एस हमेशा लिस्टेड कंपनी की रखेंगे तो वन ईयर के बाद ही लॉन्ग टर्म आ जाएगा और हाँ आपको पता है वन वन टू ए की इम्प्लीकेशंस आ जाएंगी यहाँ पर इंडेक्सेशन होगा नहीं शेयर्स का तो और टेन परसेंट टैक्स लगेगा टू फिफ्टी की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वन ट्वेंटी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वन थर्टी रुपीज का कैपिटल गेन आ गया पर शेयर इन टू फाइव थाउजेंड शेयर्स तो दिस इज फाइव थाउजेंड इन टू फिफ्टी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फाइव थाउजेंड टू वन ट्वेंटी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिक्स लाख की कॉस्ट ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड की सेल्स प्राइस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन साढ़े छः लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया तो आपको इसके ऊपर तो टैक्स देना पड़ेगा ठीक है सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल और दूसरा आपका जो थ्री लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव वन ज़ीरो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि थ्री लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव वन जीरो जो आपका टैक्स हमने डेफ़र किया था वो अब टैक्सेबल हो जाएगा बट प्रोपोर्शनेट क्योंकि फाइव थाउजेंड शेयर से रिलेटेड ही टैक्स हम अब लगा देंगे तो थ्री लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फाइव वन जीरो का टैक्स था दस हज़ार शेयर्स के ऊपर पाँच हज़ार शेयर्स के ऊपर कितना हो जाएगा ठीक है प्रोपोर्शनेट कर लीजिएगा वन सिक्सटी सेवन फाइव फाइव तो इतना टैक्स सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज क्या इनकम इसके ऊपर टैक्स आएगा और वन सिक्सटी सेवन फिफ्टी फाइव ये तो टैक्स ही है ये आपको और देना पड़ेगा ठीक है समझ में आता है ये थी सैलरी में हमारे पास अमेंडमेंट कि अगर असेसी एसी है एलिजिबल स्टार्टअप का एलिजिबल स्टार्टअप का एलिजिबल स्टार्टअप एट्टी आई में डिफाइंड थी तो उस केस में अगर उसको इक्विटी शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ या फिर ई सॉप्स मिलते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो अभी ना लेकर डेफर कर देंगे तीन डेट्स हमारे पास हैं फोर्टी एट मंथ्स या फिर अगर शेयर सेल किए जाते हैं या फिर अगर जॉब हम वहाँ से लेफ्ट आउट कर देते हैं विच एवर इज़ अर्लियर हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है इससे बिल्कुल रिलेटेड अमेंडमेंट आती है क्योंकि ये अफेक्ट करेगा हमारे टी के भी प्रोविजन्स को सेक्शन 192 नाइन्टी टू को एक मिनट समझ लीजिएगा टी डी एस में भी अमेंडमेंट है बट मैं उसको यहाँ पर ही कवर करा रहा हूँ बिकॉज बिल्कुल इससे ही वो कॉन्सिक्वेंशल अमेंडमेंट है इससे रिलेटेड है सेक्शन 192 नाइन्टी टू क्या होता है सेक्शन 192 नाइन्टी टू टी डी एस ऑन सैलरी अब प्लीज़ मुझे बताइएगा हम टी डी एस ऑन सैलरी एम्प्लॉयर कैसे कंप्यूट करता है वो देखता है कि आपकी पूरे साल की इनकम कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपका वो टी डी एस रिडक्ट करेगा बट इस केस में प्लीज बताइए एलिजिबल स्टार्टअप एम्प्लॉयर है अब एम्प्लॉयर को पता चला कि बॉस मैं इसको सैलरी देता हूँ साथ साथ में स्वेटिकुटी शेयर्स भी दे रहा हूं दैट इज परक्यूजेड तो वो तो दोनों को मिलाकर टी डी डिडक्ट करेगा अब देखिए फिर हमारे वो प्रोविजन डिफीट हो जाते हैं अभी हमने देखा कि इसके ऊपर टैक्स हम डिफर करेंगे डिफर करेंगे मतलब चार साल के बाद देंगे बेसिकली या शेयर्स बेचने पर या जॉब छोड़ने पर बट क्या उसका टी हमारा फिर इसी साल डिडक्ट हो जाएगा अगर इसी साल डिडक्ट हो जाएगा तो फिर तो एम्प्लॉय फिर प्रॉब्लम में आ गया तो सेक्शन 192 में भी सेम यहाँ पर अमेंडमेंट आई है कि इन केस एस को स्वेट इक्विटी शेयर्स या ई सॉप्स वगैरह मिलते हैं एंड ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप तो ये जो एलिजिबल स्टार्टअप है जो एम्प्लॉयर है जब वो आपका टी डिडक्ट करेंगे तो वो भी आपका जो इससे रिलेटेड टैक्स है उसको अभी नहीं डिडक्ट करके बाद में डिडक्ट करेंगे कब डिडक्ट करेंगे जब ये ही तीनों डेट्स एक्सपायर होंगी उसके फोर्टीन डेज के अंदर अंदर उनको टी डी एस डिडक्ट करना चाहिए ठीक है ये बात सेक्शन वन नाइनटी टू में भी आई है मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है आप आराम से समझ पाएंगे आयुष एक एम्प्लॉई है वाई लिमिटेड के वाई लिमिटेड इज एन एलिजिबल स्टार्टअप ठीक है इनको सैलरी इनकम मिलती है वन लाख रुपीज पर मंथ इन नवंबर 2020 ट्वेंटी कंपनी ग्रांटेड ऑप्शन टू टेक 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ़ 50 ईच बीस शेयर्स मिल रहे हैं इनको 50 रुपए के हिसाब से इन्होंने 5th फ़रवरी 21 को ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 200 थी तो हमें 200 लेना है वर्क यूजिट की कैलकुलेशन करते समय दो का फेयर मार्केट वैल्यू पचास हमें देकर वी हैव टू पे जस्ट फिफ्टी तो यानी कि 200 हंड्रेड वन फिफ्टी पर शेयर का पर वैल्यू बनेगी बनेगी कब जिस ईयर में ये शेयर्स हमें अलॉट होंगे तो द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन फिफ्टी फेबर ट्वेंटी वन मतलब प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अलॉट हो रहे हैं उस साल उस दिन एफ एम वी क्या था वो दैट इज़ नॉट रिलेवेंट ठीक है बट सिर्फ हमें डेट फिफ्टींथ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन की डेट रिलेवेंट है बिकॉज इस ईयर में यहाँ पर ये टेक्सीबल होंगे ये हमारी इनकम बनेगी बट इसके ऊपर रिलेटेड टैक्स को हम डिफर कर देंगे डिले कर देंगे ठीक है कंप्यूट टी डी एस रिक्वायरमेंट अब टी डी एस रिक्वायरमेंट क्या होगी बिल्कुल सेम कंसेप्ट पहले एम्प्लॉयर क्या करेगा जितनी भी सैलरी इनकम दे रहा है इंक्लूडिंग दिस पर क्यूसेट सबको कंसिडर किया जाएगा उससे रिलेटेड जो भी टैक्स आएगा पहले टैक्स निकाल दीजिए नॉर्मली फिर आप देखिए कि कितना टैक्स रिलेटेड टू दिस परूसेट है वो टी डी एस अभी डिडक्ट नहीं करना वो हम बाद में डिडक्ट करेंगे कब डिडक्ट करेंगे वो जो तीनों डेट्स हैं जब वो ओवर हो जाएंगी उसके फोर्टीन डेज के अंदर अंदर फोर्टीन डेज लिखा है यहाँ पे तब आपको करना है यहाँ पर टीडीएस की इम्प्लीकेशन देखिए क्या लिखा हुआ है बेसिक सैलरी वन लाख रुपीज पर मंथ थी ट्वेल्व लाख आ गया वैल्यू एड करनी हाँ ऐड करनी है टैक्स निकाल दीजिए फिर इससे रिलेटेड टैक्स को रिड्यूस कर दीजिएगा तो दो सौ रुपये का फेयर मार्केट वैल्यू फिफ्टी रुपीज का कंसिड्रेशन पे हो रहा है तो वन फिफ्टी रुपीज का पर क्यूजिट बना वन फिफ्टी इंटू ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स थर्टी लाख टोटल हो जाता है फोर्टी टू लाख फोर्टी टू लाख ग्रॉस सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद सैलरी इनकम फोर्टी वन पॉइंट फाइव लाख ठीक है यहाँ तक कोई और इनकम नहीं दी गई है तो फोर्टी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ही हमारी सैलरी इनकम टोटल इनकम हो जाती है इसके ऊपर टैक्स निकाल दीजिए फोर्टी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर नॉर्मल रेट से निकाल दीजिए सरचार्ज भी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा 50 लाख ,00 से ऊपर नहीं है तो नॉर्मल टैक्स रेट लगा दीजिएगा प्लस सेस ऐड कर दीजिएगा तो ये आता है हमारे पास टेन लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड टेन लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड तो प्लीज मुझे बताइए क्या इंप्लायर को इतना टी डी एस डिडक्ट कर लेना चाहिए पूरे साल में मतलब डिवाइड बाई ट्वेल्व करके हर महीने टोटल मतलब पूरे साल का टेन लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड द आंसर इज नो अमेंडमेंट किसके लिए है एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए है कि इनको देखना है कि परक्यूजिट से रिलेटेड कितना टैक्स था तो कितना टैक्स तो आया है टेन लाख नाइन एट हंड्रेड किस है ,00, के से कर या कर जैसे भी आपको ठीक लगे तो आप जैसे मैं एवरेज रेट के हिसाब से करता हूं तो टेन लाख नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड का टैक्स आया है ,00, 50, 200 कर आपको एवरेज रेट ऑफ टैक्स मिल जाएगा तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आया यहाँ पर कैलकुलेशन भी है 26.5 परसेंट यानी कि हमारा इनकम के ऊपर हम 26.5 का इस केस में एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया तो प्लीज़ बताइए 30 लाख के ऊपर कितना टैक्स बनता होगा 30 लाख इंटू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव दिस सेवन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड को हम अभी टी डी एस डिडक्ट नहीं करेंगे इसको हम डेफर कर देंगे इसको हम बाद में टी डी एस लेंगे ठीक है अभी नहीं डिडक्ट करेंगे तो टेन लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड का आपका टैक्स आया था नॉर्मल उसमें सेवन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड को डिडक्ट कर दीजिए रिड्यूस कर दीजिए थ्री लाख फोर थाउजेंड एट हंड्रेड दिस इज योर रिमेनिंग टैक्स और इसी को आपको टी के फॉर्म में एम्प्लॉयर को डिडक्ट करना चाहिए ये अमेंडमेंट है सेक्शन वन की टी डी ऑन सैलरी की रिलेटेड टू एलिजिबल स्टार्टअप ठीक है तो ये सेवन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड का टी कब डिडक्ट करना है जब ये हमारी तीनों जो डेट्स हैं जब ये एक्सपायर होंगी उसके 14 डेज के अंदर अंदर ठीक है सो दिस वॉज अमेंडमेंट इन सेक्शन वन नाइन्टी टू ऑल्सो तो टी डी एस का मैंने एक अमेंडमेंट यहाँ पर भी डिस्कस कर लिया है एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा मैं आपसे वन नाइनटी टू था टी डी एस ऑन सैलरी फिर वन नाइन्टी थ्री के बाद सेक्शन शुरू हो जाते हैं कि वन नाइन्टी थ्री इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वन नाइन्टी फोर ये सारी सेक्शन वन नाइन्टी फोर डिविडेंट का वन नाइन्टी फोर ए वन नाइन्टी फोर बी बट टी डी एस ऑन सैलरी ठीक है टी डी एस का फर्स्ट सेक्शन वन नाइन्टी टू उससे पहले एक सेक्शन आता है सेक्शन वन नाइन्टी वन शायद आपको नंबर से इतना याद नहीं होगा ठीक है इसका बट इसका प्रोविजन आपको पता होगा प्रोविजन होता है कुछ पुरानी बातें डिस्कस कर रहा हूं मैं ये होता है डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स बाय बायस इस सेक्शन में कुछ बातें लिखी हैं जिसमें से मैं एक बात रेफर करना चाहूंगा देर इज वन थिंग विच इज रिटन ओवर हेयर यहां पे लिखा हुआ है कि इनकेस अगर एस का टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है ठीक है अगर इन केस असेसी का टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो असेसिंग ऑफिसर असेसी से डायरेक्टली टैक्स रिकवर कर सकता है सब लोग समझ गए ठीक है किसी का टीडीएस डिडक्ट होना था बट वो डिडक्ट नहीं हुआ है रीजन क्या था डिडक्ट ना होने का या तो उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन नहीं होते या फिर किसी वजह से सोर्स ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या ऐसे ऐसे ये बोल सकता है सर मेरा तो टी डी डिडक्ट नहीं हुआ इसलिए मैं टैक्स नहीं दूंगा नो no. सेक्शन 191 ने बहुत स्पेसिफिकली क्लियर किया है कि सर अगर आपका टीडीएस भी डिडक्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स नहीं देना यू हैव टू पे टैक्स जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉय है एम्प्लॉय की इनकम आती है लेट्स से टेन लाख रुपीज की ठीक है जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है इसको यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस की इनकम आती है टेन लाख ,00 रुपीज की पूरे साल में एम्प्लॉयर को टी डी एस डिडक्ट करना चाहिए था सेक्शन वन नाइन्टी टू में पक्का सेक्शन वन नाइनटी टू में टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है ठीक है टी डी एस डिडक्ट नहीं किया है तो हमें पता है कि एम्प्लॉयर के ऊपर टी डी एस डिडक्ट ना करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेज लग जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो जाते हैं ठीक है इनको असेसिंग डिफॉल्ट बना दिया जाता है ठीक है इनके ऊपर लेट इंटरेस्ट ठीक है पेनल्टी लगा दी जाती है वो तो सब कुछ ठीक है ठीक है वो सब कुछ ठीक है बट मान लेते हैं कि एम्प्लॉयर ने इसका टैक्स जमा नहीं किया है टी डी एस डिडक्ट नहीं हुआ है तो क्या असेसिंग ऑफिसर क्या इनकम टैक्स ऑफिसर एम्प्लॉय से टैक्स रिकवर कर सकता है द आंसर इज येस कर सकता क्शन वन नाइनटी वन बिकॉज पेमेंट ऑफ टैक्स इनकेस माई टी डी एस नॉट बीड बाईन इंप्लॉय को भी टैक्स अपना देना पड़ सकता है डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स अब यह बातें मैं क्यों कर रहा हूं जैसे कि वन नाइनटी टू में अमेंडमेंट आई ठीक है अमेंडमेंट आती है कि इंप्लॉयर सेवन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड केस में सेवन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड का टैक्स अभी नहीं डिडक्ट करेगा वो बाद में डिपॉजिट कराएगा ठीक है बाद में वो डिडक्ट करके डिपॉजिट कराएगा ये जो हमारे पास टाइम लिमिट्स है अब कुछ असेसिंग ऑफिसर इस बात को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं वो कहते हैं ठीक है भाई वन नाइनटी टू में अमेंडमेंट आ गई है कि सेवन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड इंप्लॉयर अभी नहीं देगा अब वो लोग क्या करेंगे वो लोग सेक्शन 191 अप्लाई करेंगे वो एसेस के पास जाएंगे एम्प्लॉय के पास जाएंगे एम्प्लॉय से कहेंगे देखिए आपका सेवन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड टैक्स है एम्प्लॉयर को देना था उसने नहीं दिया इस साल ठीक है एम्प्लॉयर कह रहे हैं मैं चार साल के बाद दूंगा ठीक है जाकर तो असेसिंग ऑफिसर पहुंच गया एम्प्लॉय के पास कि आप अपना टैक्स दीजिए इसी साल दीजिए टैक्स आप अपना प्लीज मुझे बताइएगा पर्पज़ क्या था ठीक है यहाँ पर अमेंडमेंट लाने का पर्पस क्या था कि इस परक्यूजिट के ऊपर टैक्स ईस ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के ऊपर टैक्स को हम डिले करेंगे अब अगर कुछ असेसिंग ऑफिसर इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर लें कि ठीक है सर 192 में अमेंडमेंट आई है बट 191 में तो नहीं आई ना 191 क्या कहता है डायरेक्ट पेमेंट बद ए अस एस एस सी आपको देना पड़ेगा ये टैक्स एस एस सी चार साल के बाद वो कहेंगे नहीं नहीं अभी देना पड़ेगा आपको टैक्स तो 191 में भी अमेंडमेंट लाना जरूरी था तो आज 191 में भी अमेंडमेंट है 191 में यह अमेंडमेंट है कि एम्प्लॉयर 192 कहता है एम्प्लॉयर भी अभी टीडीएस डी नहीं करेगा डेफर करेगा और 191 में भी साफ साफ लिखा है कि जो एस को डायरेक्ट पेमेंट करनी थी तो वो इसको रिड्यूस करने के बाद ही कर सक कर करेगा हम आपसे ये टैक्स भी अभी नहीं ले सकते कब लेंगे जब ये डेट्स एक्सपायर हो जाएंगी समझ में आता है इसका टी अगर एम्प्लॉयर ने दे दिया तो अच्छी बात है उसके बाद मतलब जब ये डेट्स एक्सपायर होंगी तब अगर एम्प्लॉयर ने नहीं दिया तब हम एम्प्लॉय से ले सकते हैं बट अभी नहीं जब वो डेट्स एक्सपायर होंगी हम इस साल नहीं जा सकते जिस साल अलॉट हुआ उस साल आप 191 नहीं लगा सकते सब लोग समझ गए so this is an amendment in section 192 and as well as 191 191 वन वन में सब लोग समझ गए एग्जाम में शायद ना आए पूछे 191 नाइन्टी वन बट आप लोग समझ गए ना कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट उसमें भी लाना जरूरी था देखिए साफ साफ यहां पर लिखा भी है आप अगर देखेंगे पेज नंबर थर्टीन पर ठीक है लिखा भी था कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन टीरियर सेक्शन वन नाइन्टी टू एंड ऑल्सो इन सेक्शन वन नाइन्टी वन 192 क्या होता है लिख लीजिएगा टी डी एस ऑन सैलरी होता है उसमें भी अमेंडमेंट आई है और 191 होता है डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स बाय एस डायरेक्ट पेमेंट लिख सकते हैं ठीक है सो दिस वाज टू इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन द चैप्टर ऑफ सैलरी दोनों कौन कौन सी अमेंडमेंट थी साढ़े सात लाख की लिमिट हो गई है कंबाइंड तीन चीजों के ऊपर ठीक है अप्रूव सुपर एनोवेशन फंड रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड और न्यू पेंशन स्कीम इंप्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर सेवन पॉइंट फाइव लाख की कंबाइन लिमिट हो गई है और दूसरा अमेंडमेंट इज फॉर एलिजिबल स्टार्टअप जब इनको स्वेटी कूटी शेयर्स या ई सॉप्स मिलते हैं तो ठीक है तो आज हम हाँ लोगों ने तीन चैप्टर्स की अमेंडमेंट कवर की है रेसिडेंशियल स्टेटस एग्जाम इनकम एंड सैलरी अब हम बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं ठीक है थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर